सो हेलो व्हाट्सअप कैसे हैं आप सब हाँ जी मित्रों क्या हाल चाल है आप सबके इज द ऑडियो वीडियो ऑल गुड फटाफट बता दीजिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन सुबह हो गई मामू मामू अरे मामू चंदा मामा सो गए सूरज चाचू जागे देखो पकड़ो यारो घड़ी के कांटे भागे एक कहानी खत्म तो दूजी जी शुरू हो गई मामू वेलकम 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 एवरीवन हां जी मित्रों क्या हाल चाल है आप सबके हाउ इज एवरीवन डूइंग ऑल गुड है सर ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट है सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ लेट्स बिगिन द रिवीजन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स सर प्रोफेशनल एथिक्स आज जो हम रिवाइज करने वाले हैं सारे बच्चे सुनते जाओ ना ये जो प्रोफेशनल एथिक्स आज हम रिवाइज करने वाले हैं इसकी एग्जाम्स में वेटेज कितनी हो सकती है तो आईसीए का जो अभी लेटेस्ट वो आया है डिटेल्स उसके हिसाब से कम से कम 15 मार्क्स के अराउंड आपको ये अपने पेपर में देखने को मिल सकता है तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास वो क्या है सर फंडामेंटल प्रिंसिपल सारे बच्चे मुझे फटाफट बताओ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे सर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वर नथिंग बट द क्वालिटीज ये कहीं ना कहीं ये क्वालिटीज हैं जो हर प्रोफेशनल में होनी चाहिए हर प्रोफेशनल का क्या मतलब था कोई भी प्रोफेशनल ओ। कोई प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है एक एक करके सारे बच्चे मुझे बताएंगे सर कोई प्रोफेशनल का मतलब है सी फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब या तो आप सीए इन प्रैक्टिस हो या आप एक सी एम्प्लॉय हो कम ऑन या तो आप एक सीए इन प्रैक्टिस हो या आप एक हो अब जो भी इंफॉर्मेशन आपके क्लाइंट ने आपको दी या आपके इंप्लॉयर ने दी अब सर ये क्लाइंट और इंप्लॉयर प्रेजेंट वाला या एक्स भी चलेंगे मैंने कहा एक्स भी चलेंगे प्रोस्पेक्टिव भी चलेंगे सब कवर्ड कर दिए तो आपका एक्स आपका प्रेजेंट और आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट और इंप्लॉयर से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आपको कॉन्फिडेंशियल रखना है मैंने कहा वेरी गुड यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने एक्वायर करी फ्रॉम द क्लाइंट और इंप्लॉयर आप उसको अपनी पर्सनल एडवांटेज के लिए यूज नहीं कर सकते प्लस इट कंटिन्यूज इवन आफ्टर द रिलेशनशिप एंडेड तो मैंने सही कहा था एक्स भी कवर हो गया अब ये कहता है चार ऐसे हैं जहां आप चीजों को डिस्क्लोज कर सकते हो मैंने आपको एक चीज सिखाई थी क्लास में सबसे ऊपर लॉ यानी इफ इट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा प्लस जिसकी इंफॉर्मेशन है उसने आपको अलाउ कर दिया और लॉ कहते मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है मिया बीवी राजी तो क्या करेगा काजी मतलब और क्लाइंट ने ऑथोराइज कर दिया लॉ ने परमिशन दे दी तो कर दो डिसक्लोज ठीक है सर फिर चार केसेस आते हैं दो प्यारे वाले दो बदमाश वाले दो प्यारे वाले दो डंडे वाले सर प से प्यारे प से पियर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू कम ऑन प से प्यारे प से पियर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू तो सबसे पहले सर क्या आएगा पियर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू अच्छा पियर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू में चेक क्या होता है सर ये चेक होता है कि जो भी काम आपने किया वो एज पर द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट किया कि नहीं कि आपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग और जो भी लॉज रेगुलेशन थे उनको फॉलो किया कि नहीं तो हम इसको प्यार से क्या बोलते हैं टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड तो आप इसको बोल सकते हो टीपीई स्टैंडर्ड्स राइट राइट सर तो दो पॉइंट तो हो गए दो प्यारे वाले पॉइंट क्या पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू, रिव्यू और उसके बाद आ गया कंप्लायस विद टीपी स्टैंडर्ड्स बोलो मेरे साथ टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स अच्छा अगर तुमने अपना काम एज पर स्टैंडर्ड नहीं किया तो क्या होगी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सो अगला पॉइंट है टू रिस्पॉन्ड टू इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आपको चीजें डिस्कलोज करनी पड़ेंगी और अगर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए तो डंडे पड़ेंगे हाँ सर क्या डंडे पड़ेंगे लीगल प्रोसीडिंग्स में तो फिर आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स हो सकती है और वहां पर चीजें फिर बता के चलनी पड़ेंगी तो ये इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एक्स की आपके प्रेजेंट की और आपके प्रोस्पेक्टिव की आप किसी को भी डिस्कलोज नहीं कर सकते ना पर्सनल एडवांट के लिए बट आप डिस्कलोज कर सकते हो चार केसेस में सर कौन रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ मिया बीवी राजी क्या करेगा राजी मतलब बाय द क्लाइंट परमिटेड बाय द लॉ फिर चार केसेस दो प्यारे वाले दो डंडे वाले पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स एंड इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद आ जाता है लीगल प्रोसीडिंग्स अब सर सी तो हो गया मैंने कहा वेरी वेरी गुड अब आ जाओ ओ पे ओ का मतलब क्या था ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मतलब यर डिसीजन इज यिसन नन ऑफ द अदर पर्सन डिसीजन जो आपका डिसीजन है जो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट है वो आपकी जजमेंट है उसमें थोड़ी सी भी biasness नहीं है, थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक नहीं है ना किसी और का अंडू इंफ्लुएंस है तो आपने बस ऑब्जेक्टिविटी में ध्यान रखना है डोंट कॉम्प्रोमाइज योर प्रोफेशनल जजमेंट जो आपके डिसीजन आप ऑडिट में लेते हो या किसी भी चीज में लेते हो उसको आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तीन चीजों की वजह से खुद की बायसनेस खुद का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और द अंड्यू इन्फ्लुएस ऑफ सम अदर पार्टी गॉट द पॉइंट नॉट Yes सर अब इसके बाद सर आता है आई फॉर इंटीग्रिटी इंटीग्रिटी मतलब हमारे जैसे लोग सच्चे अच्छे बढ़िया लोग सच्चे अच्छे बढ़िया लोग अच्छा इंटीग्रिटी वाले जो लोग होते हैं वो जलेबी की तरह बातों को घुमाते हैं या सीधा सीधा बात करते हैं सर सीधी बात नो बकवास मतलब सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो ऑनेस्ट रहो और कभी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना जहां पे एरर और ओमिशन है कम ऑन कभी भी ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना जहां पे क्या है या तो एरर है या ओमिशन है हाँ सर इंग्लिश की टीचर भी बचपन में यही फालतू बातें सिखाती थी एरर और ओमिशन निकालते थे मैंने कहा तो तुमने ऐसी रिपोर्ट के साथ एसोसिएट नहीं होना जहां एरर और ओमिशन है मतलब वेयर देयर इज समथिंग मिसलीडिंग और मटीरियली फॉल्स या जो रिपोर्ट है वो नेग्लिजेंटली प्रोवाइड की गई है एम टीपी एम टीपी नवंबर ट्वेंटी थ्री इसमें आईसीआई ने यही मजे लिए थे आईसीआई ने केस स्टडी दी और बोला नेग्लिजेंटली रिपोर्ट प्रोवाइड करी तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल बुरा मान गया सर इंटीग्रिटी बुरा मान गया एंड लास्ट पॉइंट इज इट ओमिट्स द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तो ये भी पॉइंट यहां पे कवर हो गया अब लास्ट में आता है सर प्रोफेशनल प्रोफेशनल में क्या प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर एंड प्रोफेशनल बिहेवियर सबसे पहले बात करते हैं सर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इसमें आपने बस पहले दो पॉइंट्स पे फोकस करना अगले पॉइंट्स को इग्नोर करो ये क्या कहता है सर एक कॉम्पिटेंट बंदा कौन है जो सिर्फ सीए बन जाए या सीए बनने के बाद अपने आप को अपडेटेड रखे सर बनने के बाद अपने आप को अपडेटेड रखे तो यू नॉट ओनली हैव टू टू अटेन अटेन बट बट मेंटेन कम ऑन नॉट ओनली नीड मेंटेन आपको अटेन और मेंटेन दोनों करना पड़ेगा क्या नॉलेज और स्किल को ठीक है सर ये तो कॉम्पिटेंस हो गया ड्यू केयर का क्या मतलब है यू नीड टू एक्ट डिलीजेंटली आपने अपना काम सोच समझ के ड्यू प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए करना है, ऐसे ही नहीं कुछ भी काम कैसे भी कर दिया ठीक है प्रॉपरली अपना काम करना पर द स्टैंडर्ड एंड एज पर द प्रोसीजर तो दो बातें आपने ध्यान रखनी है सर क्या स्किल्स और नॉलेज को अटेन भी करना है मेंटेन भी करना है ठीक है सर प्लस जो भी आप अपना काम करेंगे डिलीजेंटली करेंगे इसी डिलीजेंटली के ऊपर हमारे पास आगे क्लॉज भी आता है राइट right, सर लास्ट में आ जाता है सर क्या प्रोफेशनल बिहेवियर ये वाले पार्ट को बस आप रीड करके चलना इसमें कुछ खास मसाला नहीं है प्रोफेशनल बिहेवियर क्या कहता है आपने कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो डोंट डू एनी कंडक्ट दैट कैन डिसक्रेडिट द प्रोफेशन तो ये बेसिक बात आपने ध्यान रखनी है डोंट डू एनीथिंग थिंग विच कैन डिसक्रेडिट द प्रोफेशन अब अच्छे एक बात बताओ कई बच्चों को पता होगा प्रोफेशनल एथिक्स का ये जो पार्ट है ये आपके बाकी सब्जेक्ट्स में भी यूज होता है तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉ रेगुलेशन की नॉन कंप्लायंस कर रहा है तो वो कौन से प्रिंसिपल में आएगा एक बार मुझे बताओगे चैट बॉक्स में फटाफट बताइए कम ऑन एवरी वन मी दिस थिंग इफ अ अचार अकाउंटेंट इज नॉट कंप्लाइंग विद लॉज एंड रेगुलेशन तो ये किस किसमें आएगा प्रोफेशनल बिहेवियर या फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोई बताएगा मुझे बच्चा कहता है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस और बच्चे क्या क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मैं आपको एक बात बताऊं देखो सिंपल सी बात है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आपको आता है या नहीं आता प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस मतलब आपको आता है या नहीं आता प्रोफेशनल बिहेवियर इज आते हुए भी गलत करना तो जब नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन में बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को लॉज रेगुलेशन के बारे में पता नहीं है सामने वाले ने जान बूझ के कंप्लाई नहीं किया तो ये प्रोफेशनल बिहेवियर में आएगा तो ध्यान रखना जब भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन दिखेगी क्योंकि मैं आकाश सर के साथ ना एफआर का लेक्चर ले रहा था तो हम यही एथिक्स और स्टैंडर्ड्स वाला पार्ट कवर कर रहे थे तो जब जब नलायक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन कंप्लाई नहीं कर रहा था के नहीं दे रहा था तो वो प्रोफेशनल बिहेवियर का आंसर निकल के आ रहा था तो तुम ये एक बात ध्यान रख के चलना ठीक है सर इसके बाद एक छोटी सी बात लिख रखी है सर क्या जब मैं एक फंडामेंटल प्रिंसिपल से कंप्लाई करने गया तो दूसरा बुरा मान गया सर क्या बोल रहे हो हाँ देर कैन बी अचुएशन वेन यू आर कंप्लाइंग विद वन प्रिंसिपल एंड दूसरे कॉन्फ्लिक्ट हो गया सर ऐसा कैसे हो सकता है सपोज में इंटीग्रिटी से कंप्लाई करने गया तो इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्टी तो ऑनेस्टी के चक्कर में मेरी कॉन्फिडेंशियलिटी की बैंड बच गई तो क्या करना है ना ऐसे केस में अगर आपको समझना आए तो आप अपने घर वालों से पूछो घर वाले मतलब अदर्स विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन घर अगर अगर वालों को नहीं पता तो क्लाइंट वालों से पूछो टीसीडी से अब क्लाइंट और घर वालों दोनों को नहीं पता तो मम्मी से पूछो सर मम्मी कौन आईसीआई अवर आई, आई मदर बॉडी तो आप मदर बॉडी से पूछ लो अगर तीनों को ही नहीं आ रहा तो सबसे ऊपर लॉ तो आप लीगल काउंसिल से पूछ सकते हो सो घर वाले बाहर वाले मदर बॉडी एंड उसके बाद लीगल काउंसिल ठीक है सर अब आते मेरा फेवरेट टॉपिक टाइप्स ऑफ थ्रेट्स ये वाला जो टॉपिक है अभी इंटर में काफी डिटेल में कवर है तो मुझे लगता है सीए फाइनल लेवल पे थोड़ा ठीक ठाक अपने को तरीके से नॉर्मली कर लेना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड्स मुझे बताओ कौन सी बॉटल आती है जिसको पीते बॉडी के सारे थ्रेड्स चले जाते हैं सर साफी साफी करके कड़, कड़वी ड्रिंक आते हैं जैसी ना बॉडी के सारे थ्रेड्स गायब हो जाते हैं तो ये साफी का क्या मतलब है सर साफी का मतलब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड

ठीक है यू आर नॉट एप्रोप्रिएटली इवेलुएटिंग द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस जजमेंट और एक्टिविटी परफॉर्म ठीक है सर एडवोकेसी थ्रेट का मतलब है आप क्लाइंट के वकील बन रहे हो आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हो इस कदर इस कदर प्रमोट कर रहे हो कि ऐसा लग रहा है आपकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है यू आर प्रमोटिंग द क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन टू द पॉइंट दैट योर ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज एंड इसके बाद सर आता है एफ एफ फॉर फेमिलेरिटी थ्रेट नाम से ही पता चल रहा है कि आप क्लाइंट को लेकर बहुत सिंपथाइज करने लगे हो रिजल्ट उसका खराब आता है फाइनेंशियल रोना आपका निकलता है तो ये कहता है एक लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप हो गई है क्लाइंट के साथ जिसकी वजह से आप टू सिंपथेटिक हो गए हो टू देयर इंटरेस्ट सो इतना ज्यादा सिंपथेटिक नहीं हो रहा उनके इंटरेस्ट को लेके एंड आई का मतलब है इंटिमिडेशन थ्रेट इंटीमिटेशन थ्रेट मतलब आपका जो क्लाइंट है ना वो आपको डरा रहा है वो आपको धमका रहा है ही इज डेटरिंग यू डेटरिंग मतलब स्टॉपिंग यू ही स्टॉपिंग यू फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली तो ये एक्साम्पल्स भी हमको ध्यान रखने तो मेन आप इनकी हेडिंग याद रखना अंदर के पॉइंट समझ के आप सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट सेल्फ रिव्यू थ्रेट एडवोकेटिलिटी थ्रेट एंड इंटीमिडेशन थ्रेड अब आते हैं इनके एक्साम्पल यहां पर थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स है तो जो जो इंपॉर्टेंट वाले पार्ट है मैं मार्क करवाता चलूंगा इनपे फोकस करते चलना ठीक है सर सबसे पहले कहते हैं सरकमस्टेंसिस दैट कैन क्रिएट अ थ्रेड फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट अंडर टेकिंग अ प्रोफेशनल सर्विस इन्होंने बोला प्रोफेशनल सर्विस तुमने क्या सुना सुना सर हमने सुना ये प्रैक्टिस है।, तो है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू कवर करने बोला था सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो सारे बच्चे मेरे साथ बताते जाओ सबसे पहले हो गया फाइनेंशियल इंटरेस्ट मुझे बताओ मुझे क्लाइंट में एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्या रहता है सर क्लाइंट से फीस आएगी बट मैंने क्लाइंट को पाने के लिए बहुत कम फीस डाल दी ओ सारे बच्चे फील लो टॉपिक की मैंने क्लाइंट को पाने के लिए पास कम फीस आई है तो मैं इसको कंपेसेट कैसे करूं सर अब आपने दो तरीके ढूंढे इसको कंपेसेट करने के मैंने कहा बताओ क्या एक तो आपने क्लाइंट के साथ बिजनेस रिलेशनशिप बना ली आओ मिलके धंधा करते वहां से पैसे कमाएंगे दूसरा आपने क्या किया जो क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी उसको पर्सनल गेन के लिए यूज कर लिया यानी जिस क्लाइंट का मैं ऑडिट कर रहा था मुझे पता था इसके रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो मैंने मार्केट से जाके इसके शेयर खरीद लिए और जैसे ही रिजल्ट मार्केट में आए मैंने शेयर बेच दिए तो मुझे पर्सनल गेन हो गया तो ये चार पॉइंट्स आपके यहीं के यहीं कवर हो गए जल्दी से बताओ फाइनेंशियल इंटरेस्ट फीस फीस कम थी तो दो तरीकों से हमने पैसे बढ़ा लिए सर क्या क्या बिजनेस रिलेशनशिप कर ली और दूसरा तरीका क्या किया नोटी नोटी जल्दी से बताओ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अपने भर, अपने फायदे के लिए यूज कर लिया अब इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है ना ये मेरे को ना थोड़ा पसंद नहीं आता ये पॉइंट में से जो फील आती है वो सेल्फ रिव्यू थ्रेट वाली आती है ये कहता है आप अपना एक पुराना काम देख रहे थे उसमें आपको गलती मिल गई आप अपना एक पुराना काम देख रहे थे उसमें आपको गलती मिल गई सो दिस इज ऑल्सो सेल्फ इंटरेस्ट रेड अरे यार ये तो सेल्फ रिव्यू जैसी फील नहीं दे रहा हाँ सर तो इसको आप बस रीड करके चल लेना डिस्कवरिंग अ सिग्निफिकेंट एरर जब आप अपना पुराना कोई काम देख रहे थे यू आर इवेल्यूएटिंग समथिंग ऑफ योर प्रोफेशनल सर्विस तो ये आपके सारे के सारे पॉइंट डन डन आर डन डन लास्ट बार एक बार फटाफट मुझे रिवाइज कराओ ना डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट ये कहां से आता है फीस फीस बहुत कम थी तो दो तरीके तो थे जिससे पैसे कमाए वो क्या थे बिजनेस रिलेशनशिप एंड द लास्ट वन वॉज क्या कर रहे हो बताओ ना सर पर्सनल गेन पर्सनल गेन किससे किया कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से देखो थोड़ा बदमाश बनते चले जाएगा तभी आएंगे पॉइंट्स पॉइंट्स अब आ जाओ सेल्फ रिव्यू थ्रेट सर इसमें कुछ खास मसाला नहीं है बस आपने इन दोनों को रीड करके चलना है देखो क्या कहता है सबसे पहले कहता है आपने अश्योरेंस रिपोर्ट दी सर किसके ऊपर उन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो तुम नहीं बनाए थे सीधा सीधा बोलो ना भाई जो इंटरनल कंट्रोल्स हमने बनाए ओ। उनके ऊपर रिपोर्ट हम ही कर रहे हैं तो इसको प्यार से क्या बोलते हैं आईसीएफआर की रिपोर्टिंग यस yes, सर हमको तो पहले से ही पता है तो जो इंटरनल कंट्रोल्स जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम तुमने बनाया तुम उसी पर रिपोर्ट चल रहे हो दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपने एक अश... आपने एक ओरिजिनल डेटा प्रिपेयर किया है ठीक है सर इसी डेटा से क्या हुआ सब्जेक्ट मैटर बनाए सब्जेक्ट मैटर ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट तो एग्जाम्पल लेते ले हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट का एग्जाम्पल होता है ऑडिट ठीक है सब्जेक्ट मैटर का एग्जाम्पल फटाफट बता दो मुझे मजा आ जाएगा सब्जेक्ट मैटर में आ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए यस सर उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड से क्या बना सब्जेक्ट मैटर यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब उस पर ओपिनियन भी आप ही दे रहे हो मैंने कहा वेरी वेरी गुड अच्छा ही ओपिनियन आएगा तो दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिव्यू थ्रेड तो दोनों एग्जांपल बस समझ के चलने और कुछ करने की जरूरत है तुमको अब आ जाओ एडवोकेसी थ्रेट सर ये एडवोकेसी थ्रेट क्या है इधर देखो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी डाला आपके एमसीक्यू बुकलेट में मजा आ जाएगा एडवोकेसी थ्रेड वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है सबसे पहले आप क्या कर रहे हो क्लाइंट के वकील बन रहे हो आप क्लाइंट के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हो तो प्रमोट से एक ही वर्ड हमको दिमाग में आता है प्रमोटर ऑफ द क्लाइंट तो यू आर प्रमोटिंग द इंटरेस्ट एंड शेयर्स इन अ क्लाइंट एडवोकेट से क्या आया यू आर एक्टिंग एज अ एडवोकेट ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट एंड लास्ट पॉइंट कहता है एडवोकेट किससे डील करता है सर लॉज एंड रेगुलशन से जो एडवोकेट होता है वो डील करता है लॉज एंड रेगुलेशन से तो जब एक लॉ रेगुलेशन बन रही थी और इसके बारे में डिस्कशन हो रही थी तो पता है जब भी डिस्कशन होती है सीएस को बुलाया जाता है हम लोग महान है तो हमने क्या किया हमने क्लाइंट के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए लॉ में चेंजेस करवाए हमने क्लाइंट के इंटरेस्ट को आगे रखते हुए लॉ में अपनी

फेमिलैरिटी थ्रेट में सर क्या होता है तीन तरह के आपको रिश्ते पता लगेंगे सर क्या क्या एक तो रिश्ता है इंप्लॉय के साथ इसको आप बोलते हो सर फैमिली वाला रिश्ता खून का रिश्ता तो ये कहता है एंगेजमेंट टीम के किसी मेंबर का क्या है क्लोज मेंबर या इमीजिएट फैमिली रिलेशनशिप विद्लॉय ऑफ अ क्लाइंट अच्छा ये ऐसा वैसा इंप्लॉय है या अच्छा इंप्लॉय है सर अच्छा इंप्लॉय है ये ऐसी सिचुएशन में ही कैन एक्सर्ट सारे बच्चे मेरे साथ एक्सर्ट करो एक्सर्ट डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर अगर मैं आपको सीधी भाषा में बोलूं तो यही बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है जिसका आप ऑडिट कर रहे हो ठीक है सर दूसरा क्या था मैंने कहा दूसरा रिश्ता है फर्म का रिश्ता ओ सर फर्म का रिश्ता मतलब हमारी फर्म का एक पुराना पार्टनर हमारी फर्म का एक पुराना पार्टनर अब क्लाइंट का डायरेक्टर और ऑफिसर बन गया है तो क्योंकि हमारा पुराना पार्टनर डायरेक्टर और ऑफिसर बन गया है तो हमारा अब रिश्ता बन गया है तो हम उससे ज्यादा बहस तो नहीं करेंगे तो यह कहता है डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द क्लाइंट या ऐसा इंप्लॉई वही सेम लाइन जो ऊपर चेपी थी इन अ पोजिशन टू एग्जर्ट जब तक तुम एग्जर्ट वाला एग्जर्ट नहीं करोगे और तुम्हारी चेयर हिलेगी नहीं ना तब तक तुमको ये लाइन याद नहीं होगी एक्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट वो हमारा क्या थाजमेंट पार्टनर था एंड लास्ट पॉइंट है इतना समय बिता लिया क्लाइंट के साथ अब तो हमें भी उसको देख के कुछ कुछ होता है यानी लॉन्ग एसोसिएशन ऑफ द ऑडिट टीम विदिट टीम क्लाइंट यह आपने तीनों के तीनों पॉइंट ध्यान रखना है सर खून का रिश्ता मतलब आपका कोई क्लोज फैमिली मेंबर ठीक है वो क्या है वो ऐसा इंप्लॉय है हु इज इन अ पोजीशन टू एक्ज डायरेक्ट एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट ठीक है सर दूसरा रिश्ता क्या था हमारा कोई पार्टनर अब क्लाइंट का डायरेक्टर ऑफिसर या वो इंप्लॉय इज इन अ पोजीशन टू एक्ज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंगेजमेंट एंड लास्ट पॉइंट था सर टाइम का रिश्ता मतलब लॉन्ग एसोसिएशन इतनी हो गई है बिटवीन द टीम एंड द क्लाइंट ठीक है सर अब आता है लास्ट थ्रेट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्रेट्स यू कैन से इंटिमिडेशन थ्रेट सर इंटीमिडेशन थ्रेट है मैंने कहा सिंपल सी बात है सामने वाले को डराना धमकाना प्रेशराइज कराना सारे बच्चे बस तो ध्यान क्या, क्या रखना है देयर इज अ थ्रेट थ्रेट क्या है कि हम सामने वाले को निकाल देंगे द विदिसमिसल फ्रॉम द एंगेजमेंट ऑफ द फर्म ठीक है सर उसके बाद सर, क्या हुआ जब मैंने उसके ऊपर थ्रेट क्रिएट किया तो सर क्या हुआ ना उसके अंदर प्रेशर आ गया प्रेशर आ गया कि भाई अब तो मुझे क्लाइंट से जजमेंट से एग्री करना पड़ेगा ठीक है सर तो पहले थ्रेट किया हम तेरे को निकाल देंगे अगर तुमने हमसे एग्री नहीं किया तो जैसे ही थ्रेट क्रिएट किया उसके अंदर बेचारे के अंदर क्या आ गया प्रेशर आ गया ठीक है सर अब जब उसने प्रेशराइज फील किया अब जब उसने फील किया तो मैंने उसको क्या बोला समझना मेरी बात मैंने कहा घबराओ मत हम तुमको गिफ्ट देंगे हम तुमको क्या देंगे हम तुमको गिफ्ट देंगे तो मैंने उसको एक बढ़िया वाला गिफ्ट दिया मैंने उसको डायमंड रिंग दी उसकी वाइफ के लिए अब जैसे ही मैंने गिफ्ट दिया मैंने अपने इंप्लॉय को बोला फोटो खींच ले और फिर उस फोटो को दिखा दिखा के मैं उसको डरा रहा हूं कि तूने मेरे से गिफ्ट लिया अब मैं जाके सबको बताऊंगा अगर तूने मेरे से एग्री नहीं किया तो मैं इस गिफ्ट के बारे में पूरी पब्लिक को बता दूंगा सो एक्सेप्टेड अ सिग्निफिकेंट गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट और फिर थ्रेड क्रिएट किया कि ये गिफ्ट के बारे में पूरी पब्लिक को बता देंगे यू गॉट द पॉइंट ऑन ऑफ जल्दी से बताइए क्या ये बेसिक बात समझ आई हां सर तो ये तीन पॉइंट तो बड़े मजे से हो गए थ्रेटर क्रिएट किया निकाल देंगे अब वो कहते हैं नहीं नहीं मैं रुकना चाहता हूं तो उस पर प्रेशर डाला हमारी जजमेंट से एग्री कर फिर जब गिफ्ट दिया तो गिफ्ट को लेकर अब धमका रहे हैं एंड लास्ट पॉइंट जो है जल्दी से बताओ क्या ये एक सीए इन प्रैक्टिस को लेके ले है या एक सीए इन एम्प्लॉय प्लीज टेल मी दिस थिंग खमोन 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 थर्ड पॉइंट जो है क्या वो एक सीए इन प्रैक्टिस को लेके या सीए इन एम्प्लॉय जल्दी से बताइए इंप्लॉय इंप्लॉयर तो लास्ट वाला पॉइंट याद रखना गलती से आ गया मतलब ये कहते हैं हम आपका प्रमोशन नहीं करेंगे जब तक आपने गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से एग्री नहीं किया तो ये आपके तीनों पॉइंट हो गए थ्रेट एंड विथ डिस्मिसल जैसे ही थ्रेट क्रिएट किया प्रेशर आ गया प्रेशर टू एग्री विद द जजमेंट ऑफ क्लाइंट फिर सिग्निफिकेंट गिफ्ट एंड लास्ट पॉइंट गलती से आ गया प्लान प्रमोशन विल नॉट अकर अब सर खुशखबरी बताओ मैंने कहा खुशखबरी ये है ये जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपको एज अ इंप्लॉय कवर करना है सीए एज अ अंप्लॉय ठीक है ठीक है सर अब ध्यान से समझना इसमें सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है और सिर्फ यह ढंका लगता है बाकी सारे रीड करने लायक हैं पहला वाला क्या कहता है सर सी एज अ अंप्लॉय सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या होगा फाइनेंशियल इंटरेस्ट पहला लाइन तो एकदम डिटो कॉपी पेस्ट ठीक है सर अब बताओ फाइनेंशियल इंटरेस्ट आएगा कैसे सर सैलरी से तो यह कहता है आपका जो इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट है ठीक है उसकी वजह से एक फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ रहा है मैंने कहा वेरी गुड दूसरा क्या है मैंने कहा सैलरी सिर्फ इंप्लॉयर से आ रही है सप्लायर से भी आ रही है सर सप्लायर से भी आ रही है आपने कहीं ना कहीं गिफ्ट और स्पेशल ट्रीटमेंट ले लिया सप्लायर से और इंप्लॉयर के मजे कैसे ले सकते हो सर वो तो हम सबको पता है सी ए फर्म में सी ए आर्टिकल क्या करता है सर प्रिंटर से अपने नोट प्रिंट कराता है स्टडी मटीरियल प्रिंट कराता है तो यूजिंग द कॉर्पोरेट एसेट्स फॉर पर्सनल यूज तो आपने ऐसे याद रखना है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंप्लॉयर के मजे सप्लायर के मजे कमऑन इंप्लॉयर के मजे सप्लायर के मजे इंप्लॉयर से क्या आ रहा है इंसेंटिव कंपेंसेशन अरेंजमेंट इसी को बोलते सैलरी ठीक है इसको बस थोड़ा हाईफाई नेम दे दिया दूसरा आपको लगा कि भाई मेरे को स्टडी मटेरियल भी प्रिंट कराना है तो आपने क्या किया कॉर्पोरेट एसेट को पर्सनल यूज कर लिया एंड लास्ट पॉइंट क्या था मैंने कहा लास्ट पॉइंट है सप्लायर से गिफ्ट वगैरह लिया तो ये सारे फाइनेंशियल इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएंगे अब आता है सर सेल्फ रिव्यू थ्रेड बहुत फालतू पॉइंट है देखो क्या कहता है समझ लो बस इसको ये कहता है कि सपोज आपने एक सब्सिडरी को सजेस्ट किया कि हमारी कंपनी को ये सब्सिडरी खरीदनी चाहिए अब जिस सब्सिडरी को खरीद के लाए हो इसकी अकाउंटिंग होगी हाँ सर इसकी अकाउंटिंग होगी तो जब इसकी अकाउंटिंग होगी तो आकाश सर ने क्या सिखाया है है सर सर आकाश ने सिखाया है, इंड ए एस वन जीरो बिजनेस कॉम्बिनेशन तो की अकाउंटिंग है वो भी वही बंदा कर रहा है जिसने सब्सिडरी खरीदवाई है तो सब्सिडरी खरीदवाने वाला बंदा एक ही है उसकी अकाउंटिंग करने वाला बंदा भी एक है तो ये कहते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेट है तो तुमने बस इतनी सी बात समझ के चलनी है अब आता है सर एडवोकेसी थ्रेट एडवोकेसी थ्रेट कैसे आ सकता है तो ये कहते हैं कि आप कंपनी के शेयर्स को प्रमोट तो नहीं कर रहे बट जब मार्केट में शेयर्स आ रहे हैं तो उसकी आप ही ने बनाई है तो ये कहता है कि जो प्रोस्पेक्टस इंफॉर्मेशन है वो आपने करी सो दिस इज अ एडवोकेसी थ्रेट तो शेयर से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस वाला पॉइंट इन्होंने यहां पर डाल दिया अब आता है सर फेमिलेरिटी थ्रेट फेमिलेरिटी थ्रेट में बस आपने दो पॉइंट ध्यान रखने है सर क्या एक तो वो टाइम वाले लॉन्ग एसोसिएशन ठीक है सर दूसरा ये कहता है कि जो एंटिटी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं जो एंटिटी में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं जिनके अंदर आप काम कर रहे हो वो आपके फैमिली मेंबर है वो आपके इमीजिएट या क्लोज फैमिली मेंबर है तो बस आपने दो चीजें ध्यान रखनी है इमीजिएट और क्लोज फैमिली मेंबर ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूं मैं आपको इमीजिएट और क्लोज फैमिली मेंबर जहां दिख गया फैमिलेरिटी थ्रेट और दूसरा आपको लॉन्ग एसोसिएशन जहां दिख गया फेमिलैरिटी थ्रेट एंड लास्ट में आता है सर इंटीमिडेशन थ्रेट इंटिमिडेशन थ्रेट में वही है मैंने ऊपर आपको एक इंप्लॉई वाला करवाया था थ्रेटेंड विद यस सर तो ये थ्रेट विद डिसल एज अ अंप्लॉई हो सकता है प्लस एक और क्या हो सकता है कि वो आपकी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे सो इफ दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस योर डिसीजन मेकिंग देन आल्सो इट इज अ इंटिमिडेशन थ्रेट अगेन सिर्फ दो ही पॉइंट है इनको रीड कर लेना फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू अब सर जेठालाल ने क्या सिखाया जेठालाल ने क्या सिखाया तारक मेहता ने क्या सिखाया प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ पर सॉल्यूशंस की है बात तो ये जो सोल्यूशन है हो सकता है आई आपसे डायरेक्टली फोर मार्कर क्वेश्चन इस पर पूछ ले तो मुझे बताओ जब भी सोल्यूशन की बात होती है तो यहां पर क्या आएगा फटाफट बताओ हम किसको बुलाएंगे सॉल्यूशंस के लिए मित्रों हु यू कॉल फॉर द सोल्यूशंस बताइए ना टा 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 कभी खुशी कभी गम एवेंजर्स हमने बुलाए अपने एवेंजर्स हमने बुलाए अपने एवेंजर्स एवेंजर्स में कौन कौन आएगा मैंने कहा एवेंजर्स में आएगा सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और उसका टाइम स्टोन हमने बुलाया डॉक्टर स्ट्रेंज और उसके टाइम स्टोन को तो टाइम स्टोन मतलब एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड परसोनल ताकि हम इंगेजमेंट को तमीज से कर सके ठीक है सर अब एक एक करके बढ़ाते जाएंगे ये लोग आगे काम करने अब इनके काम को कोई रिव्यू करने के लिए चाहिए हाँ सर तो अप्रोप्रिएट रिव्यूअर आया क्या ये रिव्यूर हमारा ही होना चाहिए नहीं सर हमारा ही बंदा होगा तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ जाएगा बाहर वाले को बुलाओ नॉट अ मेंबर ऑफ द फर्म या नॉट अ मेंबर ऑफ द टीम ताकि ये रिव्यू कर सके और एडवाइस कर सके एंड एड्रेस कर सके सेल्फ रिव्यू थ्रेट ठीक है सर अब रिव्यूर आ गया अब हम क्या करेंगे पार्टनर और उसकी टीम को बुलाएंगे सर ये पार्टनर और उसकी टीम क्यों आ रही है मैंने कहा एक अश्योरेंस क्लाइंट को नॉन अश्योरेंस सर्विसेज तुम नहीं दे सकते तो नॉन स सर्विस कौन देगा कोई और देगा तो सपोज कोई टैक्स एडवाइजरी सर्विस देनी है जीएसटी फाइलिंग सर्विसेज देनी है इनकम टैक्स फाइलिंग सर्विसेज देनी है वो ऑडिट टीम नहीं देगी कोई और देगा तो ये कहते हैं पार्टनर्स और उनकी इंगेजमेंट टीम जिनकी सेपरेट रिपोर्टिंग लाइन है फॉर द प्रोविजन ऑफ नॉन अश्योरेंस सर्विसेज ठीक है सर तो पहले क्या किया डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उसके काम को रिव्यू करने के लिए रिव्यूअर रिव्यूअर के बाद हमने पार्टनर और उसकी टीम बुला दी हद कर दी आखिरी में हद कैसे कर दी पूरी फर्म बुला दी सो अनदर फर्म टू परफॉर्म और रिपरफॉर्म अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट तो चार चीजें हमने बुलाई सर क्या क्या टाइम स्टोन के साथ डॉक्टर स्ट्रेंज फिर रिव्यूअर पार्टनर और उसकी टीम पूरी फर्म और आखिरी में सबको अलग अलग करो सर सबको अलग अलग करोग क्योंकि हर चीज कॉन्फिडेंशियल हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते हर कॉन्फिडेंशियल चीज हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते सो बाबू सेपरेट द टीम्स डीलिंग विद मैटर्स ऑफ कॉन्फिडेंशियल नेचर तो आपने बस ये पांच पॉइंट ध्यान रखने हैं और इसमें जो बच्चा बेवकूफ होगा वही रट्टा लगाएगा सर रट्टा लगाने वाली चीज है ये नहीं लॉजिकल बात है तो तुमने बस फ्लो के साथ चलना है सर क्या एडिशनल टाइम और क्वालिफाइड रिसोर्सेज ठीक है सर रिव्यूअर आ गया मैंने कहा उसके बाद पार्टनर और उसकी टीम आ गई हां फिर मैंने हद कर दी मैं फॉर्म ले आया और उसके बाद मैंने सबको सेपरेट कर दिया यू गॉट द पॉइंट नॉट यस सर अब सारे बच्चे आ जाओ मस्ती वाले टॉपिक्स आ गए देखो क्या कहता है टॉपिकिटीज फॉर द पर्पज ऑफ मेंबरशिप इन लोगों को मेंबर नहीं बनाएंगे मैंने कहा कौन जो 21 साल से कम है तो आप सब जानते हो नंदनी अग्रवाल को हा सर शी इज ऑल्सो गुड फ्रेंड ऑफ माइंड तो वो बच्ची क्या हुआ सर 19 ईयर में सीए बनके बैठ गई मैंने कहा फिर उसने वेट किया दो साल साल नंबर वन साल नंबर टू जैसे 21 साल की हुई आईसीआई का आओ तुमको सीए बनाते हैं तो आपने सबसे पहले ध्यान रखना है सर अंडर 21 इयर्स ठीक है सर दूसरा जो पागल है पागल मतलब उसके दोस्त नहीं कहते कोर्ट कहता है तो अनसाउंड माइंड एंड ऐसा कोर्ट भी कहता है ठीक है सर फिर आता है अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सर अन डिस्चार्ज इंसॉलमेंट मतलब जिसका दिवालिया निकल गया है, ठीक है सर फिर आता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट बट उसके पास कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है कोर्ट का सर्टिफिकेट किसको लेके कि जो उसकी इंसॉल्वेंसी है वो मिसफورت्यून से हुई थी उसकी किस्मत खराब थी इस वजह से इंसॉल्वेंसी हुई थी इस चीज का सर्टिफिकेट नहीं है मतलब उसने खुद ही काम खराब किया था ठीक है सर प्लस अगर किसी को कोर्ट ने जेल में डाल दिया या उसको काला पानी की सजा दे दी सर क्या बोल रहे हो हां कन्विक्টেড बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन और इंप्रीजनमेंट

उसने लीगल का काम किया यानी या तो पांच साल प्रैक्टिस करी या पांच साल प्रैक्टिस जैसी हरकतें करी जॉब में तो हम उसको फेलो बोल देंगे तो ये कहता है एसोसिएट मेंबर के आगे एसीए लगता लगता है है फेलो के आगे एफसीए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है ठीक है सर अच्छा नाम भी हटा सकते क्या रजिस्टर में से हाँ तो अगर कोई चला गया मर गया ठीक है डेड तो गॉन तो उसका नाम हट गया ठीक है सर अगर कोई रखना ही नहीं चाहता अपना नाम कहता नहीं मेरे को मेरे नाम 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 ही अच्छा लगता है उसके आगे सी अच्छा नहीं लगता तो कहता ठीक है जिसकी रिक्वेस्ट है उसका भी हटा देंगे जो डिसेबल हो गया पिछले सेक्शन एट में तो उसका भी नाम हटा देंगे प्लस अगर उसने फीस नहीं पे करी सर सीए बनने के बाद भी फीस पे करनी पड़ती है मैंने कहा जिंदगी भर की फीस पे करनी पड़ती है ठीक है तुम जब तक जिंदा हो तब तक फीस देनी पड़ेगी तो यह कहता है कि तुमको फीस फीस देनी पड़ती है और तुमने फीस नहीं दी तो तुम्हारा नाम हटा देंगे सर क्या नाम वापिस ला दोगे मैंने कहा अगर तो तुमने जो फीस नहीं दी थी उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड होने से पहले पहले दे दी तो तुम्हारा नाम रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्टोर हो जाएगा और तुमने एप्लीकेशन के साथ फीस टाइम पे दे दी ठीक है सर अगर तुम्हारा नाम गया था अथॉरिटीज के कहने पे बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी कमिटी एपिलेट अथॉरिटी तो जिनके कहने पे गया था उन्हीं के कहने पे वापस आएगा और इन एनी अदर केस जब भी आपकी एप्लीकेशन और फीस रिसीव होगी तब आपका नाम रिस्टोर किया जाएगा क्या ये बेसिक बातें क्लियर है हाँ सरे। अब सर एक बात बताओ अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है और वो कहते मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं कोई एफ नहीं है और वो कहते हैं सॉरी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है वो कहते मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं कोई प्रैक्टिसिंग सीए नहीं है वो कहते हैं प्रैक्टिसिंग सीए हूं

सरेंडर करके चलना पड़ेगा अच्छा इसमें भी सेम केस है अगर आपने फीस विद एप्लीकेशन फाइनेंशियल ईयर के पहले पहले दे दी कमॉन आपने फीस पर एप्लीकेशन फाइनेंशियल ईयर के पहले पहले दे दी तो आपका रेट्रोस्पेक्टिवली रिस्टोर कर देंगे अब आता है मेरा फेवरेट सेक्शन सारे बच्चे फोकस करके चलना इन प्रैक्टिस इधर देखो खजूर किधर देख रहा है बीबी सर इन द हाउस सारे बच्चे इधर देखो यहां पे मेंबर्स डीम टू बी इन प्रैक्टिस पानी के दो घूंट लगाओ चैट बॉक्स में लिखो रेडी फटाफट कम ऑन एवरीवन आ आ आ आ आ सेक्शन तो इस इस का बस इतना रोल है कि आपने समझना है ठीक है प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी इंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी मतलब मैं वो काम कर रहा हूं जो एक अकाउंटेंट करता है मैं लोगों के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं मैं लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँ मैं लोगों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा हूं तो मैं एक डीम टू बीन प्रैक्टिस मारूंगा मतलब मेरे को सीओपी लेना जरूरी है बिना सीओपी के मैं ये हरकतें नहीं कर सकता ठीक तो कि, so कि आपने अपनी सर्विसेज दी अबाउट द मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल मतलब आपके क्लाइंट को समझ नहीं आ रहा था इंडिया क्या कहता है तो जब उसको इंडिया आ रहा था तो आपने समझाया डे वन जीरो नाइन नहीं समझ आ रहा था तो आपने समझाया सर हमने हा? तुमने समझाया तो उसको भी डीम टू बी इन प्रैक्टिस कहते हैं लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज एनी अदर सर्विसेज तो एनी अदर सर्विसेज में काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया और बोला एक सीए मैनेजमेंट और कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है तो ये जो लाइन है इसका ये कहने का मतलब है एक सीए इन प्रैक्टिस ये सारी की सारी सर्विसेज दे सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है तो सारे के सारे बच्चे फटाफट फड़ एक बार मेरे को गो थ्रू करके बताओ इसमें क्या क्या आता है सर लॉजिकली आपको ये लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है बट पता होनी चाहिए कि क्या क्या बातें अलाउड है ठीक है सर तो सबसे पहले जो आपने बचपन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कॉस्टिंग पढ़ा ये सारी की सारी चीजें इसमें अलाउड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल स्ट्रक्चर वर्किंग कैपिटल प्रोजेक्ट रिपोर्ट फिजिबिलिटी स्टडीज इनके रिगार्डिंग जो टैक्स इंप्लीकेशन है वो भी अलाउड है ठीक है सर इसी तरह आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट यह सब बनाए ये भी अलाउड है ठीक है सर प्लस अगर मार्केट में कोई प्रोडक्ट आ रहा था तो मार्केट की रिसर्च करिए और बताया क्या प्राइस होना चाहिए यह सब भी इसमें आ जाएगा ठीक है सर प्लस अगर आपको पता हो कि एमआईएस की रिपोर्टिंग होती है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिपोर्टिंग कई कॉर्पोरेट्स में होती है क्वार्टरली रिपोर्टिंग वीकली रिपोर्टिंग हाफ ईयरली रिपोर्टिंग ये सब भी इसका पार्ट बन जाएगा ठीक है सर और बताओ कौन सी मजेदार चीज आपको दिख रही है मैंने कहा इस ऐसे क्वेश्चन पूछता है। आपने अपने क्लाइंट के लिए पर्सनल रिक्रूटमेंट सर्विस दी आपके क्लाइंट को एक अकाउंटेंट लेना था उस अकाउंटेंट का आपने इंटरव्यू लिया प्लस ये भी बताया इसको फीस कितनी देनी चाहिए कंपेंसेशन कितनी देनी चाहिए तो क्या यह सब भी अलाउड है आंसर इज यस सब भी अलाउड है कोई दिक्कत की बात नहीं है क्या मैं एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूर एक्ट कर सकता हूं हाँ आप कर सकते हो क्या मैं ऑडिट कर सकता हूं ऑडिट सारे अलाउड है जिस भी नाम के आगे ऑडिट आता है वो आप कर सकते हो मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट इंटरनल ऑडिट स्टैचुट्री ऑडिट क्वालिटी एनवायरमेंटल एनर्जी सारे ऑडिट आप कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है सर मजा आ गया और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो सर हमने थोड़ा कंप्यूटर साइंस भी पढ़ी है मैंने कहा तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट प्रोग्राम सर ये क्या बोल रहे हो ईडीपी करके ना कुछ होता है समथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन गाइड योर एम्प्लॉय गाइड योर क्या कहते हैं क्लाइंट एंड इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सर ये इस पे सारे बच्चे फोकस करके चलना एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू अगर किसी कंपनी का आईपीओ आ रहा है ठीक है आजकल तो मार्केट चल रही है आईपीओ की हाँ सर तो जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आएगा तो आप एज एडवाइजर और बन सकते हैं यू कैन हेल्प इन द ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्ट प्लस जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज रहती है स्टॉक एक्सचेंज के साथ वो सब आप उनको हेल्प कर सकते हो इन सॉल्विंग द ठीक है सर प्लस इसका जो बजट बनेगा उसके आप हेल्प कर सकते हो एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यू कैन हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ दीज पीपल सिलेक्शन का मतलब है ये काम आप नहीं करोगे आप इनकी सिलेक्शन में हेल्प करोगे तो एक सीए एड मीडिया नहीं चला सकता बट उसकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकता है आप कहीं ना कहीं कॉन्फ्रेंसिस होल्ड कर सकते हो फॉर द ब्रोकर्स एंड ऑल आप ब्रोकर्स टू द इशू को सिलेक्ट कर सकते हो आप अंडर राइटर को सिलेक्ट कर सकते हो आप बैंकर्स टू द इशू को सिलेक्ट कर सकते हो इन सबकी सिलेक्शन में हेल्प कर सकते हो बट ये वाले काम आपको शोभा नहीं देते ठीक है सर इसके बाद देखो क्या कहता है जो इशू हो गया वो तो ठीक है

इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग में पैसा क्लाइंट के पास रहता है आप उसको गाइड करते हो पैसा कहां कहां लगाना है तो इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग अलाउड है याद रखना ठीक है बट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नॉट अलाउड इसी तरह आप कंपनी के रजिस्ट्रार टू तो एन इशू बन सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तो रजिस्ट्रार टू तो एन इशू एक ऐसा बंदा है जिसकी सिलेक्शन में भी हेल्प कर सकते हो खुद भी बन सकते हो नो इश्यूज देन कम्स रिकवरी कंसल्टेंट इन बैंकिंग सेक्टर यही सेम पॉइंट क्लॉज इलेवन में भी कवर्ड है तो ये क्या कहता है कि कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में एनपीएस की दिक्कत बढ़ती जा रही है तो वो एनपीएस की दिक्कत को ध्यान में रखते हुए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैंकिंग सेक्टर को हेल्प कर सकते हैं एज अ कंसल्टेंट अच्छा हम वसूली भाई नहीं बनेंगे हम जाके लोगों के गला पकड़ के पैसे नहीं लेंगे हम एज अ कंसल्टेंट बनेंगे कि हम हेल्प करेंगे कि तुम कैसे पैसा रिकवर कर सकते हो गॉट इट सर इसी तरह आप इंश्योरेंस की फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज दे सकते हो कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए इवन यू कैन डू इंश्योरेंस ब्रोकरेज आप कहीं ना कहीं इंश्योरेंस ब्रोकरेज कर सकते हो अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो दोगलापन है ऊपर कहते ब्रोकर नहीं बन सकते यहां कहते ब्रोकरेज मैंने कहा नाम पे मत जाओ काम पे जाओ ब्रोकरेज का मतलब भी यहां पे कंसल्टिंग ही होता है तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जो कंसल्टिंग वगैरह वो सब सर्विसेज आप दे सकते हो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और बाकी जो एडमिन सर्विसेज है दीज आर द थिंग दैट यू कैन डू यू गॉट द पॉइंट येस सर तो पांच मिनट का टॉपिक एक बार पांच मिनट बस को गोथ्रू करना होता है और मेन काम की चीज यही है दीज थ्री सर्विसेज कैन नॉट बी गिवन अब सर एक बात बताना यहां पे क्वेश्चन दे रखा है आईसीआई ने इसका क्या मतलब है सारे बच्चे एक बात बताओ हमने क्लास में कर बट इसके एक आप स्कूल में पनिशमेंट में होते हो हाँ सर तो क्या आप पनिशमेंट में कोई और हरकत कर सकते हो कहते नहीं बट सीए के साथ ना सपोज एक सी का सीओपी सस्पेंड कर दिया तो जब उसका सीओपी सस्पेंड कर दिया तो वो सीए वाली हरकतें नहीं कर सकता सीए वाली हरकतें नहीं कर सकता तो 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 अगर अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे वो क्या कर रहा कर रहा रहा था था ना इनकम इनकम टैक्स टैक्स अथॉरिटीज़ अथॉरिटीज़ के के आगे आगे रिप्रेजेंट अपने क्लाइंट को बात रिप्रेजेंटेशन करने की तो इसके लिए सिर्फ एक ही प्रोफेशनल अलाउड है, वो है क्या डिजिटलाइजेशन सर्विसेज सिर्फ सीए कर सकता है इज नो डिजिटलाइजेशन सर्विसेज कोई भी दे सकता है तो याद रखना अगर एक सीओपी का एक सीए का सीओपी सरेंडर हो गया या एक सीओपी सीए का सीओपी सस्पेंड हो गया तो वो डिजिटलाइजेशन सर्विसेज दे सकता है इसी के ऊपर आईसीए ने एमटीपी नवंबर ट्वेंटी थ्री में क्वेश्चन पूछा था क्लियर है क्लियर है सर अब लास्ट में सर हमने एक बात करी थी क्या मेंबर इन प्रैक्टिस जो सी एन प्रैक्टिस है वो कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकता हाँ सर, वो भी है अगर तुम किसी और लड़की के साथ फोटो लगा दो व्हाट्सएप पे तो क्या वो बुरा मान जाती है हाँ सर बुरा मान जाती है ऐसे ही आईसीआई कहता है अगर तुम सीए इन प्रैक्टिस हो हम सीए इन एम्प्लॉय की बात ही नहीं करें भाड़ में जाए ये कहता है सीए इन प्रैक्टिस जो सीए इन प्रैक्टिस है वो सिर्फ एक ही डेजिग्नेशन यूज कर सकता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके अलावा उसने कोई डेजिग्नेशन यूज करी तो आईसीए बुरा मान जाती है तो ये देखना क्या कहता है कि कई बार चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिसिंग है वो कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं हाँ सर तो क्या वो डायरेक्टर वर्ड यूज कर सकते है? कहते हैं कहते नहीं वो मेंबर होते पॉलिटिकल पार्टी के तो क्या वो बोलते हैं कि हम मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कहते नहीं अगर आप एक सी एन प्रैक्टिस हो मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हो तो आप डेजिग्नेशन अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह नहीं लिख सकते हैं। मैंने कहा वेरी गुड प्लस सर और बताओ और क्या हो गया वो कॉस्ट अकाउंटेंट चलेगा मैंने कहा नहीं क्या सर इनकम टैक्स कंसल्टेंट चलेगा मैंने कहा नहीं मैनेजमेंट कंसल्टेंट चलेगा नहीं कॉस्ट कंसल्टेंट नहीं कंपनी सेक्रेटरी नहीं बट ये कहता है ये सब तो डेजिग्नेशन है क्या हम डिग्री यूज कर सकते हैं सर डिग्री का क्या मतलब है कई सीए इन प्रैक्टिस अपने नाम के नीचे लिखते हैं सी एल एल बी ए सी एम एफ सी एम ए सी एस फलाना ढिमकाना क्या वो सारी डिग्री चल जाएंगी कहते हैं हाथ डिग्री चल जाएगी तो याद रखना बड़ी थिन लाइन है बिटवीन अ डेजिग्नेशन एंड अ डिग्री

साइका का मतलब है साउथ अफ्रीकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन भी इंस्टीट्यूट के साथ हमने एमओयू या एमआरए कर रखा है एमओयू का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमआरए का मतलब है म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट अगर ये दो चीजें कर रखी है किसी इंस्टीट्यूट के साथ तो उनका चल जाएगा तो यह कहता है साइका चल जाएगा सीपी आयरलैंड चल जाएगा प्लस इंग्लैंड एंड ब्लू ब्लूवेल चल जाएगा सर ब्लू ब्लूवेल नहीं है इंग्लैंड एंड वेल है मैंने कहा वेरी गुड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंग्लैंड एंड वेल ये सारी चीजें अलाउड हो जाती है राइट right? राइट right, सर अब इसके बाद सर एक ब्रांच ऑफिस का पॉइंट आ जाता है एंड इसके बाद हमारा फर्स्ट लेग ऑफ द रिविजन विल बी कंप्लीटेड सारे बच्चे खुशी मनाओ सब बच्चों के चेहरे पर स्माइल इसके बाद मैं दूंगा आपको दो मिनट का ब्रेक ठीक है जल्दी से सारे बच्चे इस पर फोकस करो चैट बॉक्स में लिखो रेडी कम ऑन आ जाओ जाओ आ जाओ जाओ रेडी रेडी सर अब सारे के सारे बच्चे क्या? बच्चा कह रहा है कंपनी सेक्रेटरी नहीं चलेगा सीएस चलेगा हां संदीप बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम अब इधर फोकस करो आ गए सर अब देखो क्या कहता है ब्रांच ऑफिस के बारे में आपका क्या कहना सारे बच्चे मुझे देखो हेलो कैसे हो आप सब ये yeah! ब्रांच ऑफिस की कहानी क्या है मैंने कहा ब्रांच ऑफिस की कहानी सुनो मेरी जबानी ब्रांच ऑफिस कहती है कि अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक ऑफिस है ठीक है सर तो वो कहता है कि आप अगर दूसरा ऑफिस खोलना चाहते हो तो दूसरे ऑफिस पे आपको अलग सीए बिठाना पड़ेगा क्या बात है सर तो एक ऑफिस है और दूसरा ऑफिस खोलना है तो इस पर अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठेगा बट आईसीआई आई ने कहा हम तुमको एक एक्सेप्शन दे रहे हैं सर क्या तुम्हारा जो दूसरा ऑफिस है या तो वो सेम बिल्डिंग में हो सकता है ओ। या फिर वो सेम सिटी में हो सकता है मतलब अगर मेरा पहला ऑफिस लक्ष्मी नगर में है तो दूसरा ऑफिस करोलबाग दिल्ली में चलेगा या तीसरा ऑफिस या या तीसरा एक्सेप्शन क्या कहते हैं दूसरा ऑफिस गुड़गांव में चलेगा सर गुड़गांव में चलेगा मतलब 50 किलोमीटर फ्रॉम द मुनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी तो आपने बस ये तीन बातें ध्यान में रख के चलनी है सर क्या जनरली तो दूसरे ऑफिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट बिठाना जरूरी है बट इसमें आई ने एक्सेप्शन दे दी सर एक्सेप्शन क्या दे दी जो आपका सेकेंड ऑफिस है या तो सेम बिल्डिंग में हो या फिर वो सेम सिटी में हो या 50 किलोमीटर फ्रॉम द दुनिसिपल लिमिट्स ऑफ द सिटी ये तीनों एक्सेप्शन इन्होंने दे दी ठीक है सर प्लस सर इसमें इन्होंने एक बात और बताई नेम बोर्ड के बारे में सर नेम बोर्ड के बारे में क्या है जो आपका नेम बोर्ड है ना फर्म का उसमें आप अपना नाम फॉर्म का नाम फॉर्म का एड्रेस ये सब फलाना चीजें लिख सकते हो बट क्या मैं अपने रेजिडेंशियल प्लेस पे भी फॉर्म का नेम बोर्ड लगा सकता हूं कहते नहीं जो आपका रेजिडेंस है वहां आप भले लिख दो सी शुभम केसवानी बट उसके नीचे फर्म का नाम नहीं आएगा तो देखो क्या कहता है नेम बोर्ड एट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज अलाउड विद द विदेग्नेशन सी फर्म है एसके एंड एसोसिएट्स तो एसके एंड एसोसिएट्स का नेम प्लेट अलाउड नहीं होगा तो अगेन इस पे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बात ध्यान में रख के चलना अब सर इसके बाद इन्होंने कुछ बताया हिली एरियाज के बारे में हिली एरियाज के बारे में क्या ख्याल है तो ये कहते हैं साल में ना तीन महीने काफी ठंड पड़ती है साल में तीन महीने काफी ठंड पड़ती है तो लोग हिली एरिया से प्लेन एरियाज आ जाते हैं मैंने कहा ठीक है तो सपोज कोई बंदा मनाली से आ गया रोता मन, मनाली से आ गया दिल्ली तो अगर कोई मनाली से दिल्ली आ गया तो क्या उसको अपना मनाली वाला ऑफिस बंद करके आना पड़ेगा मैंने कहा नहीं मनाली वाला ऑफिस बंद करने की जरूरत नहीं है आपके रेगुलर ऑफिस पे कॉरेस्पॉन्डेंट जाती रहेंगी कोरियर जाते रहेंगे मैंने कहा ठीक है अब जब वो दिल्ली आया है तो दिल्ली क्या उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है या टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस सर टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस तो जो टेम्पररी प्लेस ऑफ बिजनेस है

सर इस क्वेश्चन में हमने सीखा आईसीएआई को सर्दी से फर्क ही नहीं पड़ता आईसीआई कहती है साल के कोई भी तीन महीने ले लो हमको काम चल जाएगा तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ था इन्होंने तीन महीने लिए अप्रैल मे और जून के और इसमें कंफ्यूज करने के लिए दिए गए 100 किलोमीटर ताकि आधे बच्चे तो यहीं बेहोश हो जाए कि भाई 100 किलोमीटर देख के तुम बोलो अरे 50 किलोमीटर से ज्यादा हो गया एग्जामिशन पार हो गई तो आपने बस ध्यान रखना था अप्रैल में और जून है ठीक है सर तो तीन महीने के लिए आप अपना टेम्पररी ऑफिस प्लेन एरियाज में खोल सकते हो तो अब इस केस में क्या कहते हैं रेगुलर ऑफिस वॉज नॉट क्लोज करने की जरूरत भी नहीं थी एंड चली जाएगा एंड दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को मिर्ची लगी तो उसने तो no, कहीं ना कहीं ये बंदा गिल्टी नहीं है बच्चों का डाउट क्या आता है मैं बताता हूं. बच्चा कहते हैं आईसीआई को इन्फॉर्म नहीं किया इस बंदे ने आईसीआई को इन्फॉर्म नहीं किया प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चंस की क्वालिटी है जब तक क्वेश्चन में डायरेक्टली ना लिखा जाए कि उसने ऐसा काम नहीं किया तब तक तुम अज्यूम करो उसने किया होगा मतलब यहां पे तुम ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते कि उसने इन्फॉर्म नहीं किया लिखा है क्या नहीं किया नहीं सर तो मान लो किया तो ये एक बेसिक बात आपने ध्यान में रख के चलनी है जल्दी से बताइए क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है कमऑन अभिवान फर्स्ट लेग ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स गेट्स कंप्लीटेड केवाईसी नॉर्म्स एक बार सारे बच्चे रीड कर लो ठीक है टेकिंग अ अदर ऑफ टू मिनट एंड दो मिनट के बाद हम स्टार्ट करते हैं स्केड्यूल के साथ चलो सबर्ब वाली बात बस सिंपल सी है जो सबर्ब होते हैं उसको सिटी के बाहर माना जाता है तो अगर कोई चीज सबर्ब में इट इज कंसिडर्ड टू बी आउटसाइड द सिटी तो वहां आप 50 किलोमीटर वाली रेंज देख के चलोगे चलो लेट्स 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 अब सर हम स्टार्ट करें बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारे टॉपिक के साथ जिसका नाम है स्केड्यूल्स आई होप आपने कहीं ना कहीं एक बार इन स्केड्यूल्स और क्लॉजेस को गो थ्रू कर रखा है ऑब्वियसली बात है तभी रिवीजन में आए हैं सर ठीक है तो यहाँ हम स्टार्ट करें चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट नाइनटीन फोर्टी नाइन इसमें सर दो स्केड्यूल्स है ठीक है फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल अभी के लिए ऐसा मान के चलो फर्स्ट शेड्यूल में पकड़े गए तो कम पनिशमेंट लगेगी सेकंड शेड्यूल में पकड़े गए तो भारी पनिशमेंट लगेगी तो ये बेसिक बात आपने ध्यान रखनी है ठीक है सर अब इसमें चार पार्ट्स होते हैं फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर इसमें होते हैं तीन पार्ट खुशी की स, बात है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री अब सर ये जो पार्ट है इन्होंने किस तरह से बांट रखे हम सबको बताया पहला पार्ट जो है वो बात करेगा सी प्रैक्टिस की

अब इसके साथ बस आपने एक लाइन याद रखनी है जो भी सीए का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा या अदर मिसकंडक्टर कर, फोकस करके चलो जो भी सीए का जो भी सीए का क्या होगा प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट तो वो बंदे को लाइबल कौन से सेक्शन में होगा सेक्शन नंबर ट्वेंटी वन में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा अब मेरे साथ आना फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं एक एक करके क्लॉज पकड़ते जाएंगे मजे लेते जाएंगे ठीक है सर सबसे पहले आता है सर पार्ट नंबर वन ये किसकी बात करता था सीए इन प्रैक्टिस की इसका क्लॉज वन क्या कहता है सब क्लॉजेस के पहले एक लाइन जोड़ देना सीए इन प्रैक्टिस शैल बी डी टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हम मान लेंगे एक सीए गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के क्लॉज वन क्या कहता है जब भी आप अलाउ कर दो एनी पर्सन किसी भी पर्सन को आप अलाउ करते हो अपने नाम में प्रैक्टिस करने के लिए अपनी फॉर्म के नाम में प्रैक्टिस करने के लिए तो वो बंदा गिल्टी हो जाएगा वो बंदा गिल्टी हो जाएगा या आप गिल्टी हो जाओगे सर आप गिल्टी हो जाओगे इफ यू अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन योर नेम एज अ सी ए आप गिल्टी हो जाओगे अनलेस सर अनलेस क्या उस बंदे में दो क्वालिटीज है एक तो वो सी ए इन प्रैक्टिस खुद है ठीक है सर। साथ ही या तो वो आपका है या आपका पार्टनर है कम और साथ ही या तो वो आपका इंप्लॉयर है या आपका पार्टनर है तो सिंपल सी बात है ना जो सीए इन प्रैक्टिस है वही मेरे नाम में प्रैक्टिस कर सकता है प्लस वो भी तो मेरा इंप्लॉय और पार्टनर होना चाहिए तभी तो तो मेरे मेरे और मेरी फर्म के नाम में प्रैक्टिस करेगा तो याद रखना अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन इज ने सी ए अनलेस सच अदर पर्सन इज ऑल्सो सी इन प्रैक्टिस या वो आपके साथ पार्टनरशिप या इंप्लॉयमेंट में है अब इस क्लॉज को क्यों लाया गया ये लाइन भी लिखनी इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम में दिस क्लॉज इज सेफ गार्डिंग द पब्लिक अगर आप ध्यान दो कहीं ना कहीं सी एन प्रैक्टिस वर्ड लिख के हम पब्लिक को सेव गार्ड करें अगेंस्ट द अनक्वालिफाइड अकाउंटेंट्स ठीक है सर प्लस क्योंकि वो बंदा आपकी पार्टनरशिप और इंप्लॉयमेंट में है तो वो आपकी गाइडेंस में काम करेगा ही विल बी वर्किंग अंडर योर कंट्रोल एंड सुपरविजन तो यही दो पॉइंट को आप अपने वर्ड में लिख सकते हो टू सेव गार्ड द पब्लिक इंटरेस्ट अगेंस्ट अनक्फाइड अकाउंटेंट्स ठीक है सर एंड सेकंड पॉइंट में आप लिखोगे द पर्सन विल बी वर्किंग अंडर इस कंट्रोल एंड सुपरविजन तो वर्क प्रॉपरली होगा तो हु कैन प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ अ सी एन प्रैक्टिस सर जो खुद सीए इन प्रैक्टिस है प्लस या तो वो मेरा पार्टनर है या वो मेरा है दोनों के केस में ऐसे कवर हो जाएगा क्लियर है क्लियर है सर अब आ जाओ क्लॉज नंबर टू पे क्लॉज नंबर टू से पहले हम क्लॉज वन के बाद कौन सा क्लॉज करते थे सर क्लॉज नंबर ट्वेल्व तो फटाफट क्लॉज नंबर ट्वेल्व पे आ जाओ इट इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्लॉजेस जिसको अभी हमें कवर करके चलना है क्लॉज नंबर ट्व क्या कहता है सर क्लॉज नंबर वन ने कहा था आप किसी को अलाउ कर रहे हो अपने नाम में प्रैक्टिस करने के लिए तो वो बंदा आपका सी एन प्रैक्टिस भी होना चाहिए आपका इंप्लॉय और पार्टनर भी होना चाहिए ट्वेल्व कहता है साइनिंग अथॉरिटी ट्वेल्व कहता है साइनिंग अथॉरिटी यानी अगर आपने किसी भी बंदे को अलाउ कर दिया साइन करने के लिए सर साइन क्या चार चीजें एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आती है बैलेंस शीट और पीएनएल तो आपने अगर ये चार चीजें अलाउ कर दी किसी को साइन करने के लिए तो आप गिल्टी हो जाओगे क्या बात कर रहे हो सर आप बताओ साइन कौन कर सकता है Obviously, बात है जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है वही कर सकता है अब यहां पे पार्टनर और इंप्लॉय लोगे या सिर्फ पार्टनर सर सिर्फ पार्टनर इंप्लॉय के पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती तो आपने बस ये ध्यान रखना है अलाउज अगेन अलाउज अ पर्सन नॉट बींग दिया जो सीए इन प्रैक्टिस नहीं है तो आप गिल्टी या ऐसे बंदे को अलाउ कर दिया जो भले मेंबर तो है बट आपका पार्टनर नहीं है तो भी आप गिल्टी तो कहते हैं सबसे पहले आपने अलाउ कर दिया एक ऐसे बंदे को जो प्रैक्टिस नहीं है तो आप गिल्टी या अगर मेंबर है है बट आपका पार्टनर नहीं है। सर किस चीज के लिए अलाउ कर दिया साइन करने के लिए साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म सर क्या चार चीजें बैलेंस शीट पीएनएल रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सारे बच्चे एक बार फटाफट बताओ कौन साइन कर सकता है सर वही साइन कर सकता है जो खुद सी एन प्रैक्टिस है प्लस वो आपका पार्टनर होना चाहिए अब एक बात बताओ हम सब ने सर आर्टिकलशिप करी है हम सबको पता है हर चीज के लिए पार्टनर नहीं आ सकता कई सारी चीजें रूटीन नेचर की होती है जिसमें कोई ऑथेंटिकेशन और ओपिनियन की जरूरत नहीं होती मैं सारे की बोलता जा रहा हूं सुनते जाओ कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेशन ओपिनियन की जरूरत नहीं होती रूटीन नेचर की चीजें होती है तो क्या वो डेलीगेट की जा सकती है आंसर इज यस छाती ठोक के डेलीगेट की जा सकती है सारे बच्चे बताओ ये सारे पॉइंट्स आपको आते हैं इनका रट्टा मत लगा लेना इनको बस रीड करके चलना होता है ठीक है आधे बच्चे तो बुक देख के भी होश हो जाते इतनी बड़ी बुक अरे भाई ये सब चीजों को थोड़ी करना है ठीक है दिस इज द नॉट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर बस आपने इनको रीड करके चलना है सर क्या जितनी भी रूटीन डॉक्यूमेंट है उनको आप डेलीगेट कर दो जो आप ऑडिट क्वेरीज पूछते हैं उनको डेलीगेट कर दो जो आपको सवाल पूछ रहे हैं उनको डेलीगेट कर दो ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी डेलीगेटेड नॉट फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है स्टैंपिंग ऑफ वाउचर कैन भी डेलीगेटेड रूटीन कॉरेस्पॉन्डेंट कैन भी डेलीगेटेड एक्नोलेजमेंट आप दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है रूटी... अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है हा? रूटीन मैटर्स ऑफ ऑफ प्रैक्टिस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 288 इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करते हैं क्वेश्चन बैंक में ठीक है एंड लास्ट पॉइंट इज एनी अदर एडमिनिस्ट्रेटिव और रूटीन वर्क ये सारी चीजों को आप डेलीगेट करके चल सकते हो अच्छा एक बात बताओ मैंने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी बट सामने वाले ने यूज नहीं करी तो भी क्या बंदा गिल्टी होगा द आंसर इज यस स्टिल अ पर्सन विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्योंकि यहां क्वेश्चन ने क्या लिखा है सामने वाले को आपने साइनिंग करवाई या उसको अलाउ किया सर अलाउ किया जैसे ही आपने सामने वाले बंदे को अलाउ कर दिया वैसे ही वो गिल्टी वैसे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट गिल्टी हो जाएगा क्लियर है क्लियर है सर अब सारे के सारे बच्चे फटाफट मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या बंदा गिल्टी होगा ए इन प्रैक्टिस गिव्स पावर ऑफ अटोर्नी का क्या मतलब होता है साइनिंग पावर सर आपको यह बात कैसे आती है कि पावर ऑफ अटोर्नी का मतलब साइनिंग पावर होती है क्योंकि मैं बचपन में एकता कपूर के सीरियल देखता था तो एकता कपूर के सीरियल में जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी सिटी छोड़ के कहीं दूर जाता है तो वो अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी छोटे भाई को देता था और छोटा भाई फिर बड़े भाई के साथ गद्दारी करता था बड़ा मजा आता था तो तुमको हमेशा याद रखना है कि सर क्या पावर ऑफ अटॉर्नी इज द साइनिंग पावर तो अगर साइनिंग पावर इंप्लॉय को दे दी तो आप गिल्टी हो जाओगे अगेन आपने क्लॉज को कोट करना यहां पर कहते हैं सेक्शन ट्वेंटी सिक्स के साथ कंजंक्शन में रीड करो सेक्शन ट्वेंटी सिक्स कहते हैं कोई भी साइनिंग होगी तो वो सिर्फ एक सीएन प्रैक्टिस कर सकता है तो सेक्शन 26 की वजह से यहां पे क्लॉज वन टू टू भी आ गया एंड लास्ट में आप बोलोगे गिल्टी अगेन पे स्मार्ट सारे बच्चे सर ऑन एटीन सेप्टेंबर ट्वेंटी थ्री उसके पास एक मैसेज आया क्लाइंट का रिक्वेस्टिंग फॉर अ स्टॉक सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के लिए इसने अपने असिस्टेंट को भेजा असिस्टेंट ने साइन किया इशू किया जल्दी से बताओ ही स्मार्ट और नॉट सो स्मार्ट द आंसर इज ही इज इज सर क्यों मैंने कहा था सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ओपिनियन कम ऑन सर्टिफिकेशन ऑथेंटिकेशन ओपिनियन ये सिर्फ एक सी एम प्रैक्टिस प्लस पार्टनर दे सकता है तो यहां बंदा गिल्टी हो जाएगा तो यहां हमारे क्लॉज वन और ट्वेल्व फटाफट कवर हो गए अब सारे के सारे बच्चे आज नंबर टू पे क्लॉज तो नंबर टू क्या कहता है फटाफट एक बार मेरे को रिवाइज करा दो मैंने कहा क्लॉज नंबर टू कहता है अगर आपने कुछ कमाया ठीक है सर आप उसमें से शेयरिंग नहीं कर सकते मम्मी ने तो सिखाया था शेयरिंग इज केयरिंग कहते नॉट सो केरिंग आईसीआई है कहते हैं उसमें से आप किसी को भी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज नहीं दे सकते अगर किसी को शेयर दिया तो आप गिल्टी बट सर हमारा जो पार्टनर है उसको तो दे सकते हैं हाँ अगर आपका कोई रिटायर्ड पार्टनर है तो उसको तो दे सकते हैं हाँ अगर कोई पार्टनर ऊपर चला गया उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको तो दे सकते हैं मैंने कहा किसी तरह इसी तरह आप एक मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट को भी दे सकते हो आईसीए कहते हैं मुझे सब मेंबर्स का ख्याल रखना है मुझे अपने सब बच्चों का ख्याल रखना है तो आप एक सीए को भी दे सकते हो तो ये कहता है सिंपल सी बात इफ यू पे और अलाउ सारे बच्चे फोकस करो इफ यू पे और अलाउ या आपने एग्री भी कर दिया, दिया नहीं एग्री किया कि आप दोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या शेयर कॉम ब्रो शेयर कॉम ब्रो मतलब यानी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज सर किसका शेयर

एडवोकेट आर्किटेक्ट एक्चुअली एडवोकेट एडवोकेट जैसा लॉयर इन सब प्रोफेशनल्स को आप दे सकते हो सर क्यों दे रहे फॉर द पर्पज ऑफ रेंटिंग प्रोफेशनल सर्विसेज इन और आउटसाइड इंडिया तो यहां पे आप ये चीज कर सकते हो तो ये आपकी सर्विसेज दे रखी जो मैंने अभी बोली थी कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट एमबीए ए सर एमबीए के बाद ए ए क्या बोल दिया एक्चुअली एडवोकेट

और स्टेट गवर्नमेंट को शेयर इसलिए दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट मांग रही थी और उसके कहने पे हम नहीं दे तो गलत हो जाएगा तो क्या सीए गिल्टी है द आंसर इज नो ने कहा कि कई स्टेट लालची हैं वो पैसे मांगते सीए की फीस में से तो आप उनको अपना शेयर दे सकते हो कोई दिक्कत की बात है तो हो सकता है इस मजे ले ले क्वेश्चन पेपर में तो याद रखना स्टेट गवर्नमेंट को पैसे देना अलाउड है अब इसके बाद सर एक और एग्जाम्पल आता है सर क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा ना तो मैं शेयर देता हूं ना मैं कमीशन देता हूं ना मैं ब्रोकरेज देता हूं तुमने कहा था ना शेयर कमीशन ब्रोकरेज नहीं देनी तो मैं नहीं देता बट जो मैं कमाता हूं उसमें से मैं ऑफिस अलाउंस देता हूं तो ऑफिस अलाउंस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ऑफिस अलाउंस तो चलेगा तो ऑफिस अलाउंस क्या था ना जो इसकी फिफ्टी परसेंट ऑडिट फीस आती थी ये एक बंदे को देता था इन द नेम ऑफ ऑफिस अलाउंस तो सारे बच्चे बताओ नाम से फर्क पड़ता है या काम से फर्क पड़ता है सर काम से फर्क पड़ता है तो ये कहता है नॉम क्लेचर इज नॉट मटीरियल नॉम क्लेचर यानी नाम से फर्क नहीं पड़ता इट इज द सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन टू बी तो अगेन इसके ऊपर आपको सवाल मिलेगा क्वेश्चन बैंक में तो ध्यान रखना नॉम क्लेचर से फर्क नहीं पड़ता सब्सटेंस से फर्क पड़ता है एंड आखिरी में कहता है कि भले ही आप अपने आर्टिकल को स्टाइपेंड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दे रहे हो यह कह बेचारा गरीब है तो गरीब हो चाहे अमीर हमें फर्क नहीं पड़ता आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नहीं दे सकते है? क्लियर है है सर। सर अब इसके बाद हमने एक एक बहुत ही प्यारा टॉपिक किया था, इजी, इजी वाला। सर क्या? ध्यान से समझना। Suppose आप बात बताओ। मैं कहता हूं इस क्वेश्चन को, ले तो कर को रीड करते हैं देखो क्या कहते अ प्रोपराइटर ऑफ रवि एसोसिएट बट रवि बिचारे की डेथ हो गई पंद्रह सेप्टेंबर दो हजार तेईस को क्यों इसको हार्ट अटैक आ गया सर हार्ट अटैक क्यों आया ये फालतू सवाल नहीं ठीक है आगे बढ़ो इसको हार्ट अटैक आ गया खाता होगा फालतू के खाने इस वजह से हो सकता है नाउ द ओनली फेम्बर ओनली फैमिली मेंबर फेम्बर कह रहे हो सर ओनली फैमिली मेंबर लेफ्ट बिहाइंड वॉज रवि की वाइफ रूही अब जो रूही है उसने कहा बैठे बैठे क्या करे करना है कुछ काम तो हम क्या करते हैं रवि की प्रैक्टिस को सोल्ड सोल करते हैं क्या हम किसी की प्रैक्टिस सेल कर सकते हैं हाथ तो क्योंकि रवि ने काफी मेहनत करके अपनी प्रैक्टिस का नाम बनाया है, तो हम उस प्रैक्टिस के नाम को सेल कर सकते हैं मार्केट में कि भाई आप इस फर्म से अपने ऑडिट कराओ तो ये किसको बेचा बलवान को बेचा बलवान को बेचा पच्चीस लाख रुपए में सर एक बात बताओ रवि की डेथ कब हुई पंद्रह सेप्टेंबर को इसने सेल कब करी थर्टीएथ ऑफ सेप्टेंबर ट्वेंटी ठीक है सर मैसर्स रवि एसोसिएट्स का जो नाम था वो विज्ञान and it also requested ICI to consider the effect of such sale. Give your comments on the following issues as per CA Act 1949 and schedules. क्या रूही प्रैक्टिस को सेल कर सकती है तो मैं एक बात बताऊं आपको हाँ सर बात बताओ सेल ऑफ प्रैक्टिस यानी सेल ऑफ द नेम ऑफ द प्रैक्टिस इज अलाउड इट इज जस्ट लाइक अ सेल ऑफ गुडविल ठीक है सर बट इसमें आपको एक बात याद रखनी थी कि सोल प्रोपराइटर है एक बंदा है तो एक साल तक बेच सकते हो सोल so, प्रोपराइटर है एक बंदा है तो आप एक साल तक बेच सकते हो अप टू वन ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ रवि तो एक बात बताओ रवि की डेथ कब हुई थी पंद्रह सेप्टेंबर इसके बाद एक साल कंप्लीट कब हो गया सर ये कंप्लीट हो गया चौदह सेप्टेंबर दो हजार चौबीस को तो चौदह सितंबर दो हजार चौबीस तक बेचती तो चलता बट क्योंकि इसने देरी कर दी अब सर है होत क्या जब डेट निकल गई अब ये सेल नहीं कर सकती ठीक है तो एज पर द प्रोविजन ये नहीं कर सकती तो जब इसकी सेल ही वॉइड है तो क्या बलवान प्रैक्टिस कर सकता है इन द द नेम ऑफ रवि एसोसिएट आंसर इज नो बलवान भी अब बलवान नहीं है ठीक है मरियल हो गया है वो भी अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो इन्हीं प्रोविजंस को यूज करके आपने इस आंसर की फ्रेमिंग करनी थी अब सारे बच्चे आ जाओ क्लॉज नंबर थ्री पे मजा आएगा अब फ्लो बन जाएगा क्लॉज नंबर कहता है लेनानी कमऑन क्लॉज टू कहता है लेना नहीं क्लॉज कहता है देना नहीं, Clause three है लेना नहीं मतलब जब आप अपने अपने प्रॉफिट्स और फीस में से शेयर कॉम्ब्रो नहीं देते तो आप किसी प्रॉफिट्स का पार्ट भी नहीं ले सकते यानी सी प्रैक्टिस शेल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिस कंडर इफ ही एक्सेप्ट और एग्रीज टू एक्सेप्ट एनी पीओपी पीओपी मतलब पार्ट ऑफ प्रोफिट ऑफ एनी अदर पर्सन इज नॉट अम्बर ऑफ आईसीआई फिर इसके बाद एक लाइन लिखिए इसका क्या मतलब है जिनसे आप क्लॉस टू में ले सकते हो उनको आप क्लॉस थ्री में दे सकते हो कमॉन जिनसे आप क्लास टू में ले सकते हो उनको क्लॉस थ्री में दे सकते हो यानी कौन कौन थे जिनसे ले सकते पार्टनर रिटायर्ड पार्टनर मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज पार्टनर प्लस हमने कुछ प्रोफेशनल बॉडीज की डिस्कशन की थी सर कौन कौन सी थी कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट एम बी ए कमॉन कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट अकाउंटेंट एम बी ए एक्चुअली आर्किटेक्ट और एडवोकेट लॉयर इन सबके साथ आप शेयरिंग करके चल सकते हो अच्छा एक बात बताओ क्या मेंबर्स एक दूसरे के साथ रेफरल फीस रेफरल फीस खेल सकते हैं हाँ सर अच्छा एक बात बताना मैंने एक क्लाइंट को रजिस्टर्ड वैल्यूअर दिया मैंने एक क्लाइंट को रजिस्टर्ड वैल्यूअर दिया ठीक है सर अब उस रजिस्टर्ड वैल्यूअर से क्या मैं कमीशन ले सकता हूं जो उसने पैसा कमाया द आंसर इज नो यू विल बी गिल्टी बट अगर मैं कहूं ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है

मित्रों आज रात आठ बजे से पार्टनरशिप एंटर करने पे गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट तो क्लॉस फोर कहते हैं ना पार्टनरशिप पार्टनरशिप में अब हम पार्टनरशिप के मजे लेने नहीं देंगे तो ये सीधा बोलता है सी एम प्रैक्टिस शेल बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू एंटर इंटू एनी पार्टनरशिप इफ यू एंटर इंटू एनी पार्टनरशिप इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कम ऑन इन इंडिया आउटसाइड इंडिया विद एनी पर्सन तो आप गिल्टी हो जाओगे अब ये कहता है अदर देन किस किस के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हो तो ध्यान से समझना पार्टनरशिप कैन बी डन विद अ प्रैक्टिस ठीक है सर या आप ऐसे पर्सन के साथ कर सकते हो जिसके पास वो मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडी विद प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन है ठीक है सर फिर आती है रट्टे वाली लाइन रट्टे वाली लाइन मतलब इंक्लूडिंग अ रेजिडेंट बट हु फॉर रेजिडेंस अब्रॉड वुड बी बी टू अ मेंबर इन इंडिया ठीक है सर एंड लास्ट पॉइंट इज जिसकी क्वालिफिकेशन आर रिक्नाइज बाई सी और सी और सी का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर द पर्पस ठीक है तो बस आपने ध्यान रखना है पार्टनरशिप अलाउड नहीं है बट पार्टनरशिप किसके साथ अलाउड है ठीक तो है, की नहीं, की बात कर रहे है, है सर? प्लस जिसकी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब मेंबरशिप और प्रोफेशनल बॉडी प्रिस्क्राइब फिर रट्टे वाली लाइन इंक्लूडिंग रेजिडेंट हू फॉर इज रेजिडेंस अब्रॉड वुड बी कंसिडर टू बंडर सेक्शन फोर वन फाइव है लास्ट में सर क्या आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और काउंसिल फॉर दिस पर्पज क्लियर है क्लियर है सर अब इसके बाद आपने क्लॉस फाइव को इग्नोर करना है जैसे वो तुमको करती है अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ क्लॉज नंबर सिक्स पे क्विकली कम टू क्लॉज नंबर सिक्स आ जाइए

सर ये क्या कहता है सारे बच्चे एक बार क्लॉज याद करवा मुझे If he solicits, solicits मतलब बुलाना मांगना क्या मांगता है या तो क्लाइंट मांगता है या उससे काम मांगता है कम ऑन क्लाइंट मांगता है या उससे काम मांगता है सोलिसिट्स द क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय कैपी सर कैपी का क्या मतलब है मैंने कहा कैपी का मतलब है सर्कुलर से मांगता है

बाकी सी एन प्रैक्टिस साड़ी अलाउड है साड़ी का मतलब था सिक्योरिंग अप्लाइंग रिक्वेस्टिंग इनवाइटिंग कम ऑन सिक्योरिंग अपलाइंग रिक्वेस्टिंग इनवाइटिंग अ कैन अप्लाई रिक्वेस्ट सिक्योर और इनवाइट द वर्क फ्रॉम फ्रॉमर सी एन प्रैक्टिस प्लस एक बात बताओ क्या मैं टेंडर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता हूं अगर मार्केट में कोई टेंडर आए तो क्या मैं उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूं आंसर इज यस अगर वो सब लोगों के लिए खुला है सब लोगों के लिए खुला है मतलब दैट टेंडर ज नॉट एक्सक्लूसिव टू सी एस तो यह कहते हैं मेंबर कैन रिस्पॉन्ड टू टेंडर और इंक्वायरीज बाय द यूजर्स ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेस एंड सिक्योर प्रोफेशनल वर्क याद रहे वो टेंडर सबके लिए खुला है बट सर इफ इट इज एक्सक्लूसिव फॉर सी एस तो उसमें मिनिमम फीस प्रेस्क्राइब है तो यह कहता है कि जो एरिया सिर्फ सीए के लिए है, जैसे कि ऑडिट तो उसमें मिनिमम फीस होनी चाहिए इसके ऊपर आई थिंक आपके क्वेश्चन uh, बैंक में भी एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है जुलाई एग्जाम वाला ठीक है सर तो एक बात बताओ टेंडर के लिए कब रिस्पॉन्ड कर सकते हैं तो मैंने आपके लिए समरी दे रखी है इफ द एरिया इज एक्सक्लूसिव फॉर सी आंसर इज यस तो मिनिमम फीस होनी चाहिए एरिया इज नॉट एक्सक्लूसिव तो हर केस में कर सकते हो अच्छा टेंडर में एक बात बताओ क्या मैं यहां पर डिपॉजिट दे सकता हूं क्या मैं यहाँ पे earnest deposit दे सकता हूं? ये मेरा सवाल उन बच्चों से जो क्वेश्चन बैंक की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं दिया जाता है ताकि सामने वाले को एक सेटिस्फेक्शन मिल सके हम अपना काम तमीज से करेंगे सो अर्नेस्ट डिपॉजिट कैन ऑल्सो बी गिवन इन बाइ रिस्पॉन्डिंग टू दिस टेंडर्स अब सारे बच्चे एक बात बताओ हमने क्या ऐसा एक क्वेश्चन किया था कोचिंग सर्विसेज वाला हाँ सर

कोचिंग एक्टिविटीज देते हो और आप मेंबर इन प्रैक्टिस हो तो हम इसको इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन मान लेंगे सो मेंबर्स इंगेज इन टीचिंग और कोचिंग एक्टिविटी ठीक है भले ही अलाउड तो है रेगुलेशन नंबर 190 ए जो हम क्लॉज 11 में पढ़ते हैं वो अलाउ तो करती है कोई दिक्कत नहीं है बट अगर आपने एडवर्टीजमेंट करी तो इसको इनडायरेक्ट सोलिसिटेशन मान लेंगे और सिक्स में तुमको डंडे लगा देंगे मैंने कहा वेरी गुड तो करना क्या करे तो करें क्या बोले तो बोले क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट मत करो आप कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट मत करो डोंट एडवर्टाइज योर कोचिंग और टीचिंग एक्टिविटी ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह आप नहीं लगा सकते ठीक है पोस्टर बैनर ये सब हरकतें तुमको शोभा नहीं देती ठीक है एंड यू विलबल फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन तो आप क्या करो अपनी कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे एक बोर्ड लगा लो ठीक है सर उस बोर्ड पर लिख दो हम क्या पढ़ाते हैं कौन पढ़ाते हैं और उसकी डिटेल्स आप दे सकते हो तो यू कैन टेल द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट डिटेल और हम क्या क्या पढ़ाते हैं अब सर ये साइन बोर्ड कितना बड़ा होना चाहिए ऐसा आईसीए आपको जो गाइड करे वैसा आप कर सकते हो तो ये बेसिक बात आपको समझनी थी यही क्वेश्चन आईसीए ने कहा पूछा था कहां पूछा था बाबू एम नवंबर ट्वेंटी टू अब इसके बाद सर छोटे छोटे पॉइंट आएंगे सारे बच्चे समझते जाना सर क्या अगर मुझे कोई क्लाइंट चाहिए तो क्या मैं उसको लेटर भेज के बोलू मेरे मेरे को काम दो कहते नहीं आप नहीं कर सकते बट ये कहते कुछ एडवर्टीजमेंट्स आप कर सकते हो सपोज आपकी पार्टनरशिप फॉर्म का एड्रेस बदल गया आपकी पार्टनरशिप फॉर्म के कॉन्टेक्ट डिटेल्स बदल गए तो उन चीजों को लेकर आप एडवर्टीजमेंट डाल सकते हो बट सर एडवर्टीजमेंट उसी न्यूज़पेपर में डालना जो आपकी सिटी में में आता है है ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर्स आपने डाल दिया ठीक सर और मेंटीज एक बार डालनी है ऐसा नहीं कि हर पेज पे आपने एडवर्टीजमेंट डालनी हमारा एड्रेस बदल गया हमारा एड्रेस बदल गया हमारा एड्रेस बदल, बदल गया ऐसे नहीं नंबर ऑफ प्लस द एरिया ऑफ सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट यही बात यहां पे लिख रखी है ठीक है सर सेकंड थिंग ये कहता है कि क्या हम आईसीआई की जो जर्नल होती है हर महीने जो आईसीआई न्यूज लेटर और जर्नल निकालता है जो तुम नहीं पढ़ते हो ठीक है नलायक तो उस सब में सर क्या होता है उस सब में भी आप एडवर्टीजमेंट दे सकते हो ऐसे कहता है हाँ हमको पैसे आएंगे तो आप ये सब कर लो तो ये कहता है कि वो सब चीजें आप कर सकते हो उसमें आप अपने नेम एड्रेस फोन नंबर फलाना ढिमकाना सब लिख सकते हो सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में भी लिख सकते हो ठीक है एंड आप अपने एक्सपीरियंस और स्पेशलाइजेशन के बारे में बता सकते हो तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू अच्छा ये एडवर्टीजमेंट क्यों डाल रही है सी एन प्रैक्टिस ये फर्म ये एडवर्टीजमेंट इसलिए डाल रही है क्योंकि उसको काम चाहिए तो अगर आप किसी और सीए इन प्रैक्टिस से काम मांगते हो या आपको मान लो कोई आर्टिकल असिस्टेंट चाहिए या कोई इंप्लॉय चाहिए तो आप ये सब चीजें कर सकते हो ठीक है सर इसके बाद सर कहता है कि क्या हम इंपेनलमेंट करवा सकते हैं तो ध्यान रखना कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और कई सारी कंपनीज क्या करती है पैनल रखती है पैनल मतलब डेटा रखती है कि हम इन फॉर्म में से अपना ऑडिटर चुनेंगे तो अगर आपको पता है कोई कंपनी ऐसा पैनल मेंटेन कर रही है ध्यान से समझना अगर आपको पता है कोई कंपनी ऐसा पैनल मेंटेन कर रही है तो आप कॉल करके उसको बोल दो हेलो प्लीज मेरा नाम भी इस पैनल में इंक्लूड कर दो बट सर एक बात बताओ क्या मैं बार बार कॉल करूंगा नहीं गाली पड़ेगी तो उसको कहते हैं रोविंग इंक्वायरी अब रोविंग इंक्वायरीज नहीं कर सकते सिमिलरली आप सामने वाले को कॉल करके नहीं पूछ सकते तुम पैनल मेंटेन करती हो क्या तुम पैनल मेंटेन करते हो क्या अगर ऐसे सारे सीए लोगों को कॉल करने लग गए तो भाई साहब उतनी ही बदनामी होगी जितनी बजाज फाइनेंस की होती है आज की दुनिया में ठीक है तो ये कहता है कि अगर आपको एग्जिस्टेंस के बारे में पता है Come on everyone, इस पर क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में अगर आपको एग्जिस्टेंस के बारे में पता है तब आप लिखो आप यहां पे रोविंग इंक्वायरी करके टाइम पास नहीं कर सकते यू गॉट द पॉइंट यस सर अब इसके बाद सर आता है बाप बाप टॉपिक सर बाप टॉपिक का मतलब है बुक्स आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन जितने भी बुक्स आर्टिकल्स और प्रेजेंटेशन है उसमें आप अपना नाम लिख सकते हो और ये पहली जगह जहां मैं बोल रहा हूं आप अपनी फर्म का नाम भी लिख सकते हो तो देखो क्या कहते हैं बट यू कैन इंडिकेट द डेजिग्नेशन एज अ एंड द नेम ऑफ द फर्म ये बेसिक बात आपने समझनी है अब सर एक बात बताओ मेरे घर में शादी है ठीक है सर अब इस शादी का जो न्योता है इन्विटेशन कार्ड है मैं किसको भेजू तो इसका इन्विटेशन कार्ड मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स को आपके फ्रेंड्स को नहीं अपने फ्रेंड्स को अपने रिलेटिव को अपने को और अपने को भेज सकता हूं। सिर्फ अपने लोग आएंगे पराये लोगों को आप नहीं बुला सकते, तो आईसीआई कहता है सिर्फ अपने क्लाइंट्स अपने को यह इनविटेशन कार्ड भेज सकते हो तो अगेन इस पे भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में ध्यान रखना अब इसके बाद सर एक बात बताओ किसी को पच्चीस साल हो गए वाओ पचास साल हो गए पिछहत्तर साल हो गए वाओ, 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 वाओ। सेंटेनरी सेलिब्रेशन हो गई वा छपाक तो मुझे एक बात बताओ अगर इतने सारे साल हो गए तो क्या यह एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में डाल सकते हैं डालनी तो नहीं चाहिए बट डाल सकते हैं बट सर एक बात बताओ अगर मेरी ओपनिंग सेरेमनी हो रही है मुझे एक भी साल नहीं हुआ तो क्या मैं न्यूज में डाल सकता हूं मैंने कहा नो मैंने कहा नो तो सिर्फ जो बड़ी बड़ी फर्मे है ना जिनको पच्चीस साल हो गए पचास साल हो गए पिछहत्तर सौ साल हो गए उनको तो एडवर्टीजमेंट अलाउ कर रहे हैं बट हम जैसे लोग जो नई नई फर्म स्टार्ट करना चाहते हैं हमको एडवर्टीजमेंट अलाउ नहीं कर रहे वेरी वेरी बैड अब सर आ जाओ इधर मजे लेते हैं थोड़े और सर स्पॉन्सरिंग एक्टिविटी आईपीएल में कभी तुमने सुना है लोधा एंड एसोसिएट्स प्रेजेंट आईपीएल 2020 नहीं सर हम सुनते हैं पेप्सी आईपीएल डीएलएफ आईपीएल बाइजू आईपीएल ड्रीम इलेवन आईपीएल कभी लोधा एंड एसोसिएट्स आईपीएल नहीं सुना क्यों क्योंकि सीए फर्म्स को बोला गया तुम स्पॉन्सरिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते बट अगर आईसीआई का कोई इवेंट हो रहा है आईसीआई कहते हमको तो पैसा चाहिए तो अगर आईसीआई का कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट है पो पोह प्रोग्राम ऑर्गेनाइजिंग यूनिट और आपने प्रायर अप्रूवल ले रखा है सीपी डायरेक्टरेट ऑफ आईसीआई का तो वो आप वहां पर कर सकते हो प्लस ये कहते है, आप CSR activities भी कर सकते हो और अपने नाम, Profession को अच्छा नाम <coughs> मेरे सामने से क्लाइंट कहता हेलो शुभम सर मैंने क्लाइंट सर. है मुझे अपनी फर्म की भेजो। आप मुझे बताओ आपकी फर्म में कितने हैं आप किस तरह की सर्विसेज देते हो ठीक है ये सब उसने मेरे से मांगा मैंने कहा आई से अलाउ करता तो कितना गंदा नहीं लगेगा हा सर गंदा लगेगा तो ये कहता है जब सामने से कोई मांगे ना तो ना नहीं कहते आती भी लक्ष्मी को ना नहीं कहते तो कहता है, फर्म प्रोफाइल को आप शेयर कर सकते हो शेयर वैसे तो नहीं कर सकते बट कर सकते हो अनलेस इट इज इन रिस्पॉन्स टू असिफिक इंक्वायरी तो अगर सामने से कोई बोल रहा है कि हम आपको काम देना चाहते हैं आप हमको अपने बारे में बताओ तो फिर आप बता सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा एक बात बताओ तुमने लास्ट पिक्चर कौन सी देखी सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बताना सारे बच्चे बताओ फटाफट ब्यूटिफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक कबाव बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया भूल के एनिमल देखिये एनिमल का कौन सा गाना चल रहा है आजकल आई सिया जंदारी झमक झमक झूम आई सिया ढमारी झमक झमक झूम पपीता पपीता खाओ सारे पपीता हाँ जवान देखी टाना दा, टाना दा, टाना दा, टाना दा। और कौन सी देखी ट्वेल्थ फेल देखी रीस्टार्ट रीस्टार्ट वेरी गुड अर्जन वेली ने आईसीआई के एग्जाम रखवाए ग्रुप ऑडिट की रिवीजन देखी नलायक अब देखो सर जब भी हम कोई मूवी क्रेडिट देखते हैं जैसे मैंने लास्ट पिक्चर देखी थी पता है कौन सी वाली एक वो ऋतिक रोशन और दीपिका की आई थी ना हाँ मैं बीबी सर के साथ देखने गया था कौन सी पिक्चर थी नाम ही भूल गया फाइटर तो फाइटर के एंड में क्या आया सर वो गाना आया था मैंने कहा उस गाने की बात नहीं कर रहा उस गाने से पहले मूवी क्रेडिट्स आते हैं हाँ जो ऐसे सीरीज चलती रहती है तो उसमें क्या आता है डायरेक्टर का नाम सिंगर्स के नाम विशाल ददलानी ये सब आ गए ठीक है डायरेक्टर आ गया सिद्धार्थ आनंद एक्टर आ गए ऋतिक रोशन दीपिका पाडुकोन ए, ए, खुश क्यों हो रहे हो तुम फिर इसके बाद ये कहते चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी नाम आ सकता है यानी इस ऑडिटर कौन थे चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन थे उनका नाम भी आ सकता है बट याद रहे वो डिफरेंटली नहीं आना चाहिए ऐसा ना हो सबके नाम ऐसे ऐसे आ रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम अलग ही दिख रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जीबिशन ऑफ नेम शुड नॉट बी मेड डिफरेंटली एज कंपेयर टू

सेक्शन वन फोर्टी एक पार्ट है ये क्या कहता है, एक में 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 है तो मजा आ जाएगा इंटरमीडिएट में राइट राइट सर ध्यान से समझना सी एफ एम की अपॉइंटमेंट होती है मान लो पांच साल के लिए ठीक है सर पांच साल के बाद ऑप्शन होता है या तो इसको रीअपॉइंट करेंगे या बोलेंगे टाटा बाय बाय अगर आपने इसको बोला टाटा तो कंपनी के जो हैं ना वो स्पेशल नोटिस देते हैं कि हम ऑडिटर को नहीं रखना चाहते फिर ऑडिटर जो है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन देता है बट दिस रिप्रेजेंटेशन शुड बी इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर इसमें कोई सॉलिसिटेशन नहीं होनी चाहिए इसमें बस ये लिखा होना चाहिए हाउ ही एक्टेड इंडिपेंडेंटली हाउ ही एक्टेड कॉन्सेंशियसली ये दो कीवर्ड ध्यान रखने हाउ ही एक्टेड इंडिपेंडेंटली एंड कॉन्सेंशियसली थ्रू आउट द ऑडिट एंड इफ गिवन अ चांस ही टू गेट रीअपॉइंटेड तो यही बात आपने ध्यान रखनी है जब भी ऐसा स्कोप ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा इट शुड बीन डिग्नि आप ये बता सकते हो कैसे आपने इंडिपेंडेंटलीसली एक्ट किया एंड यू कैन इंडिकेट योर विलिंगनेस टू कंटिन्यू एज अ ऑडिटर ये बात आपको ध्यान में रख के चलनी है अब सर एक बात बताओ मैं एक सीएम इतने, इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक तुम्हारे ऑडिट में डाले आई फील वेरी वेरी यू कैन से जेलस ऑफ ऑल ऑफ यू ये कितना प्यारा पॉइंट है मैं एक सीए के साथ पार्टी में गया हाँ सर उसने मुझे अपने क्लाइंट को इंट्रोड्यूस कराया अब एक बात बताओ जो क्लाइंट उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया ना उस क्लाइंट ने मुझे काम दिया उसने मुझे एक ओरिजिनल प्रोफेशनल वर्क दिया तो मुझे एक बात बताओ मैं सीधा क्लाइंट से काम ले लूं या मैं क्लाइंट को बोलूं सीए के वाया वाया हो सर आप क्लाइंट को बोलोगे सीए के वाया वाया हो तो ये कहता है कि सपोज आपको कोई बंदे ने इंट्रोड्यूस कराया मेंबर नॉट एक्सेप्ट

फिर सर हम क्या पब्लिक इंटरव्यूज दे सकते हैं आंसर इज यस बस उसमें ज्यादा अपनी फर्म की अच्छाया मत कर देना आप पब्लिक इंटरव्यूज दे सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है जो भी डिटेल्स हैं अपनी और अपनी फर्म्स की आप नहीं दे सकते बट यस इफ ये समस्किंग यूर क्वेश्चन देन यू कैन गिव द डिटेल्स अब सर एक बात बताओ बॉक्स नंबर वाली एडवर्टीजमेंट अलाउड है आंसर इज नो तो आजकल ये सब चीजें चलती भी नहीं है बट जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट होती है बॉक्स में वो सब अलाउड नहीं है क्या मैं यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियो डाल सकता हूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई दिक्कत की बात नहीं है बट अपनी फर्म का नाम मत बताना आप उसमें अपनी फॉर्म का नाम नहीं बता सकते वेबसाइट एड्रेस और कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं दे सकते ठीक है ठीक है सर अब वेबसाइट के बारे में बता दो सारे बच्चे फटाफट आ जाओ मेरे साथ वेबसाइट के बारे में बताओ सर वेबसाइट के बारे में तो हम क्या बताएं देख के ही पता चल जाता है क्या क्या है क्या आपकी वेबसाइट नियॉन पर्पल नियॉन पिंक नियॉन ग्रीन कलर की हो सकती है सर यस आईसीआई कहता है एनी कलर हम यहां पे कलर में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते जिस कलर की रखनी है रखो क्या ये वेबसाइट का जो डेटा होगा ऐसे फुदक फुदक के आएगा यह पुल मॉडल पे होगा सर पुल मॉडल पे होगा जो डेटा है आपको क्लिक करके लेना पड़ेगा ये पुश मॉडल पे अलाउड नहीं है ठीक है सर अगर मेरी वेबसाइट के बारे में मैं लोगों को ईमेल भेज सकता हूं आओ मेरी वेबसाइट पे मजे करो मैंने कहा नहीं आप किसी को भी बुला नहीं सकते वेबसाइट पे आप लोगों को पैम्फलेट नहीं बांट सकते कि वेबसाइट को विजिट करो प्लस ये कहता है वेबसाइट पर जो भी इंफॉर्मेशन है ये सब होगी तो मैंने कहा नॉर्मल चीज है फॉर्म का नाम होगा फर्म की कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी फर्म का ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होगा इन ईयर 1990 कुछ भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है प्लस ये कहता है कि जो आप सर्विसेज देते हो मैं अभी मार्क कर रहा हूं इन पॉइंट पे फोकस करना जो आप सर्विसेज देते हो जो आप असाइनमेंट हैंडल करते हो एक ही जैसे पॉइंट रिक्वेस्ट पे आएंगे ठीक है सर इसी तरह ये काम करता कौन है आर्टिकल असिस्टेंट तो नंबर ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट भी पुल रिक्वेस्ट पे आएंगे प्लस जो आपके पार्टनर्स और इंप्लाइज की डिटेल है ये सारी नॉर्मली दिख सकती है बट इनका जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है ओ, वो आएगा किस पे पुल रिक्वेस्ट पे ठीक है बाकी आपकी कोई जॉब डिटेल्स वगैरह आपको डालने की जॉब वैकेंसीज है हमारे यहाँ अपलाई करो वो सब आप डाल सकते हो नॉर्मली अच्छा एक बात बताओ मेरे जो क्लाइंट्स हैं और उनसे मैं कितनी फीस चार्ज करता हूं क्या बात भी मैं अपनी वेबसाइट पर डाल सकता हूं आंसर इज नो सर दिस इज समथिंग कॉन्फिडेंशियल चीज आप अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल सकते बट एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त अगर लॉ कहता है मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में सबसे ऊपर लॉ अगर लॉ कहता है तो आपको ये डिटेल डालनी पड़ेगी यानी नेम ऑफ द क्लाइंट एंड फीस चार्ज दे सकते हो बट याद रहे आपको बताना पड़ेगा कौन से लॉ ने कहा नेम ऑफ द लॉ रेगुलेशन फिर उसका जो रूल था जिसके अंदर उसने बात बोली वो बताना पड़ेगा एंड लास्ट में क्या था मैंने कहा लास्ट में आपने उसका लॉ रूल बता दिया और क्योंकि आपने टेढ़ी बात करी है आपने ये कोई सीधा काम नहीं किया टेढ़ा काम किया तो इसको इटैलिक्स में लिख देना तो ये कहता है सिंपल सी बात नेम ऑफ द रेगुलेटर उसकी कंट्री जहां पे उसकी चलती है एंड आखिरी में कौन सा रूल और डायरेक्टिव है उसको आप इटैलिक्स में लिख सकते हो गौचा गौचा सर अब सर एक बात बताओ क्या मेरी वेबसाइट पर मैं फोटो लगा सकता हूं हाँ तो फोटो जो लगेगी क्या वो फ्रेम्ड फोटोग्राफ लगेगी या छोटी वाली पासपोर्ट साइज जिसमें आप ऐसे बैठते हो पासपोर्ट साइज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ परमिटेड है ठीक है सर इसके बाद ये कहते bulletin, board, news, details, ये कहते हैं बुलेटिन बोर्ड न्यूज डिटेल्स सब आप दे सकते हो, चैट रूम दे सकते सकते हो हो चैट चैट रूम पर में जो बातें होंगी उनको कॉन्फिडेंशियल रखना ठीक है सर ये तो हम अच्छे से जानते हैं डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट फैसिलिटी दे सकते हो क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड आधार कार्ड इन सबको स्टोर करने की हेल्प कर सकते हो ठीक है प्लस आप अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट दे सकते हो बट लोगों को ये नहीं कहना लाइक like करो फॉलो करो सब्सक्राइब करो शुभम सर कहते हुए अच्छे लगता है कि सर जिस जिस बच्चे को अगले एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास होना है फटाफट वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें तो ये बार कितने बदमाश हो आप हम समझ गए आज गोचा और नॉट गोचा गोचा सर मजा आ गया सर मैंने कहा सिंपल सी बात है ये सब मेरे को तो ठीक लग रहा है बोलने में बट ये सी प्रैक्टिस को शोभा नहीं देता ठीक है सर इसके अलावा सर क्या है ना ध्यान रखना सारे बच्चे क्या हम ऑनलाइन एडवाइस दे सकते हैं हां फ्री में दो पेमेंट लेके तो तुम्हारी मर्जी है प्लस क्लाइंट जो बातें बताएगा उनको सीक्रेट रखना ठीक है सर इसके अलावा सर हमको क्या ध्यान रखना है आप यहाँ पे एड्स वगैरह रन नहीं कर सकते सर एड्स रन नहीं कर सकते इसका क्या मतलब है मैंने कहा एड्स रन नहीं कर सकते सपोज आप किसी वेबसाइट पे जाते तो कई बार एड्स आ रही होती है ना उल्टी सीधी रमी सर्कल पोकर बाजी तो ये सारी एड्स वगैरह आप पे अच्छे नहीं लगेंगे ठीक है सर क्या मैं आईसीआई रीजनल काउंसिल और इन सब की बातें दे सकता हूं इन सबके वेबसाइट के लिंक दे सकता हूँ कहते हाँ दे सकते हो वेबसाइट का जो नेम है वो फर्म के नेम जैसा ही होना चाहिए उसमें सोलिसिटेशन नहीं होनी चाहिए सर इसका क्या मतलब है क्या मैं अपनी वेबसाइट का नाम रख सकता हूं बेस्ट सी ए फर्म डॉट कॉम ज बेस्ट सी एम डॉट कॉम अलाउट आंसर सोलिसिटेशन हो रही है इससे ऐसा लग रहा है मैं ही बेस्ट हूं बाकी सब बकवास है तो इस तरह की हरकतें आपको शोभा नहीं देती एंड लास्ट पॉइंट इज जो भी इंफॉर्मेशन हो गए वो आई के रिकॉर्ड के हिसाब से होनी चाहिए बस दो टॉपिक और करा रहा हूं फिर इसके बाद पांच मिनट का ब्रेक दूंगा सारे बच्चे ऐसे ना मत करो इधर देखो इसके बाद सर क्या कहता है ऑनलाइन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म कई सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे सी ए बड्डी डॉट कॉम अब ये सीए बडी डॉट कॉम है या चेट बडी डॉट कॉम मतलब इस तरह के कई सारे बने हुए हैं

ज ऑल देट यू नीड टू डू ठीक है सर अच्छा एक बात बताओ ये टेलीफोन और अदर डायरेक्टरीज होती है जैसे जस्ट डायल अब ये जो जस्ट डायल है क्या उसमें भी मैं अपना नाम एज इंक्लूड करा सकता हूं हूँ तो जस्ट डायल में जो हेडिंग होगी ना चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके अंदर मेरा नाम आ जाएगा ठीक है सर अब जो भी नाम है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए ठीक है सर और इसमें इन्होंने क्या बोला मैंने कहा उसी टाउन और सिटी में होने चाहिए जहां पे मेरा ऑफिस इंक्लूडेड है ऐसे ऑल इंडिया लेवल पे नहीं करा सकता तो दिल्ली के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है उसमें मैं अपना नाम लिखवा सकता हूं जो मेरी एंट्री है वो अलग से नहीं दिखनी चाहिए जैसे सबके नाम दिख रहे हैं वैसे ही दिखनी चाहिए बेसिक बेसिक बातें रीड करके चलनी है ठीक है सर बाकी लोगों को भी अलाउड होना चाहिए इट शुड बी ओपन टू ऑल एंड आप बाकी डायरेक्टरीज में भी अपना नाम लिखवा सकते हो अब सर एक बात बताओ जो अर्बन क्लैप है अर्बन क्लैप क्या है जहां से आप अलग अलग सर्विसेज लेते हो। कई लोग पार्लर की सर्विसेज लेते बाल बाल कटवाते मेनिक्योर कराते पेडिक्योर कराते हैं कई लोग इलेक्ट्रिशियन की सर्विसेज लेते हैं प्लम्बर की सर्विस लेते हैं तो मुझे एक बताओ इन लोगों के साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सूट कर रहा है मैंने कहा नहीं तो ये कह रहा है कि जो एप्लीकेशन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर एग्रीगेटर है जहां बाकी कैटेगरीज भी लिस्टेड है प्लंबर इलेक्ट्रिशियन सब सबके साथ सीए शोभा नहीं दे रहा ये थोड़ा अलग ही प्रोफेशनल है हटके तो इसको अपन नहीं दिखा सकते ठीक है सर प्लस अगर कोई स्पेशलाइज डायरेक्टरीज है जो लिमिटेड सर्कुलेशन में इट इज जस्ट लाइक द अदर डायरेक्टरीज वो भी अलाउड होता है ठीक है अब इसमें कहते हैं क्लाइंट का नाम मत दे देना यार हमको ऑब्वियसली बात पता है प्लस क्या मैं एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूं अगर मुझे स्टाफ रिक्रूट करना है कहता हाँ दे सकते हो क्या मैं क्लाइंट के बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट दे सकता हूं क्लाइंट को स्टाफ रिक्रूट करना है कहता दे सकते हो प्लस हाँ अगर आपको कोई किसी के बिहाफ पे सेल सेल ऑफ ऑफ प्रॉपर्टी करनी है एसेट्स करने सर किस कैपेसिटी में एज अ लीटर लीटर मतलब आप एक्ट कर रहे हो एज अ लिक्विडेटर ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर अगर आप एक्ट कर रहे हो एज अ लिक्विडेटर रिसीवर और ट्रस्टी तो इस केस में आप क्या कर सकते हो ये सब चीजें एडवर्टाइज कर सकते हो दिस इज द नॉर्मल थिंग अब सर एक बात बताओ क्या मैं वेल नोन फर्म यूज कर सकता हूं तो अपने एडवर्टीजमेंट में आंसर इज नो नहीं कर सकता तीन क्वेश्चन से फटाफट फड़ देख के बताओ क्या होना चाहिए एक ऑफ है इसने वेबसाइट क्रिएट करी एक्सवाइजेड इंडिया क्या इसमें कोई सोलिसिटेशन है नहीं क्या फर्म के नाम जैसी वेबसाइट है हाँ वेबसाइट में डिटेल्स है फर्म की मैंने कहा ठीक है वो तो होंगी फर्म का नाम क्या है कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है ये सब तो होना ही चाहिए बायो डेटा ऑफ पार्टनर्स है बायो डेटा ऑफ पार्टनर्स मतलब पार्टनर्स की डिटेल है मैंने कहा था अलाउड होती है कोई दिक्कत की बात नहीं है और मेरी पासपोर्ट साइज फोटो तो मैंने कहा ही था ये पासपोर्ट साइज फोटो भी अलाउड होती है तो कोई दिक्कत है ही नहीं ऑल थिंग्स आर अलाउड पर्सन इज नॉट गिल्टी तो आप पहले क्लॉज लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस एंड कंक्लूजन में लिखना है पर्सन इज नॉट गिल्टी अंडर क्लॉज सिक्स पार्ट वन फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज स्टार्टिंग में भी लिखो लास्ट में भी लिखो छाती ठोक के तुमको पूरे नंबर देके जाएगा एग्जामिनर ठीक है सर अब इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन एलमेन टू अ टेंडर अब टेंडर जब है तो हम सबके मन में सवाल यह सर्विस एक्सक्लूसिव है या नॉन एक्सक्लूसिव की जो सर्विस है तो कंप्यूटरा जो सर्विस है सबके लिए ओपन है तो ओपन रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बट फर्म ने अर्निज डिपोजिट पे किया तो अर्निज डिपोजिट पे करना इज ऑल्सो अलाउड दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अगेन द पर्सन इज नॉट गिल्टी राइट right, सर अब आते हैं क्वेश्चन थ्री मिस्टर ऑनेस्ट इसके बाद अपन चलेंगे पांच मिनट के ब्रेक पे मिस्टर ऑनेस्ट अ सी एन प्रैक्टिस इसने दो खत लिखे सर किस किस को एक लिखा एक्स वाई सी फॉर्म को एक लिखा एबीसी सीए ए फॉर्म को मिस्टर क्लेवर ज्यादा होशियार बन रहा था इसने इसके बारे में आईसीए को बताया कहता है ये सीए बाकी लोगों से काम मांग रहा है तो मैंने आपको साड़ी वाली लाइन बताई थी हाँ सर देखो क्या कहता है थिंग शैल प्रिवेंट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम साड़ी साड़ी मतलब सिक्योरिंग अपलाइंग रिक्वेस्टिंग और इन्वाइटिंग द वर्क फ्रॉम अदर सी एन प्रैक्टिस ठीक है सर प्लस याद रखना आपको अपनी इंडिपेंडेंस ऑफ जजमेंट रखनी है रिस्पेक्ट कमांड करनी है क्लाइंट से तो एक लॉस जरूरी है अगेन द पर्सन इज नॉट गिल्टी गिविंग यू फाइव मिनट ब्रेक सारे के सारे बच्चे भागो पांच मिनट खाओ पियो नाश्ता करो जो तुमको ठीक लगे करो पांच मिनट के बाद मिलते हैं एंड देन वी विल रैप अप द फर्स्ट शेड्यूल चलो चलो चलो, चलो 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 सर लेट्स बिगिन विथ क्लॉज नंबर सेवन आ जाओ मेरे साथ आ जाओ तुम्हें सेवन दिखाएंगे सेवन एवरी वन बैक आफ्टर द ब्रेक जल्दी से बताओ क्या आप सब ब्रेक से आ गए हैं मित्रों एवरी वन बैक आफ्टर द ब्रेक जल्दी से बताइए यस सर आ जाओ नाउ लेट्स बिगिन विथ क्लॉज नंबर सेवन आ गए सर अब देखो क्या कहता है सिक्स ने क्या बोला था सर आप ना सॉलिसिट नहीं कर सकते स से सिक्स स से सॉलिसिट आप सॉलिसिट नहीं कर सकते क्या क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क को डायरेक्टली इनडायरेक्टली थ्रू कैपी सर्कुलर एडवर्टीजमेंट पर्सनल कम्युनिकेशन इंटरव्यू अब सर सेवन भी वहीं से शुरू करता है सेवन कहता है एडवर्टीजमेंट करना अलाउड नहीं है मैंने कहा अब जब भी एडवर्टीजमेंट की बात होगी तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे सिक्स को या सेवन को ऑब्वियस बात है को क्योंकि सेवन एडवर्टीजमेंट को स्पेसिफिकली इज्जत देकर चल रहा है तो ये कहता है अगर आपने एडवर्टाइज करी प्रोफेशनल अर्टेनमेंट जो भी आपने अचीवमेंट करें आज तक या अपनी सर्विसेज तो guilty, या आपने यूज की एनी डेजिग्नेशन अदर देन सी सर यही बात तो यही बात तो आपने सेक्शन सेवन में भी पढ़ाई थी मैंने कहा हां साथ ध्यान रखना साथ साथ इन दोनों बात का ध्यान रखना सर साथ साथ क्या ध्यान रखना है कि जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई डेजिग्नेशन यूज करेगा अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो वो गिल्टी हो जाएगा सेक्शन सेवन और क्लॉज सेवन साथ में जैसी एग्जामिनर ने ये दोनों चीजें साथ देखी ना उसको भी मजा आ जाएगा अंदर से उसको निर्वाणा की फीलिंग आ जाएगी कहेगा वाव क्या बढ़िया बच्चा है तो ये कहता है कि आप कोई डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते या एक्सप्रेशन यूज नहीं कर सकते अदर देन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होता है सर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट का मतलब इज अ फोर फोर स्टेप स्टेप प्रोसेस प्रोसेस सर मतलब पहली बार जब मैं क्लाइंट को मिलता हूं तो मैं क्या देता हूं विजिटिंग कार्ड वेरी गुड जब वो मेरे घर आता है मेरी फर्म आता है तो फर्म में उसको सबसे ऊपर क्या दिखता है साइन बोर्ड वेरी गुड एंड थर्ड थिंग दैट यू नीड टू कंसीडर इज मैंने उसकी रिपोर्ट बना के दी तो कौन से हेड पे लेटर हेड तो आपने तीनों प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को ऐसे क्रोनोलॉजी में याद रखना है विजिटिंग कार्ड साइन बोर्ड लेटर हेड कम ऑन विजिटिंग कार्ड साइन बोर्ड लेटर हेड तो यूजिंग एनी अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑन एनी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट अब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के मतलब बताओ विजिटिंग कार्ड साइन बोर्ड लेटर हेड ठीक है सर अब क्या मैं इसमें डिग्री बिग्री यूज कर सकता हूं हाँ तो कई बच्चे सोच रहे थे ना सर एसीए में तो अलाउ कर दिया एफसीए में तो अलाउ कर दिया एलएलबी तो अलाउ कर दिया अरे बाबू वो सब डिग्री है तो जो डिग्री 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 है वो अलाउड है बट डेजिग्नेशन अलाउड नहीं है ठीक है सर अनलेस इट इज यूनिवर्सिटी और रिकॉर्ग्ज बाई सेंट्रल गाइटअप के थ्रू एडवर्टाइज कर सकता हूं हाँ तो अगर ऐसे क्वेश्चन में लिख दे राइट के थ्रू एडवर्टाइज किया है, तो चलेगा बट याद रहे राइटअप में आपने अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है सर इंटीग्रिटी का मतलब आपने बताया था हमें ऑनेस्ट रहना है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है ये yes. ये देखो क्या है राइट right राइटअप की गाइडलाइंस एक बार फटाफट रिवाइज कर लो आपने रहना ऑर्डनेस ट्रूथफुल कोई फालतू के बड़े बड़े क्लेम्स नहीं करने हम ये करा देंगे हम वो करा देंगे भाड़ में जाओ हम सिर्फ काम करके देते हैं अच्छे से ठीक है सर कोई डिस्जिंग रेफरेंस नहीं देने की मैं अच्छा वो बकवास नहीं तुम अच्छे हो तुम बस इतना बताओ हम अच्छे हैं ठीक है सर प्लस इसके बाद ये क्या कहता है कुछ ऐसी हरकत नहीं करने की इस पर डिस्ट्रीप्यूट है टेस्टिमोनियल्स नहीं डालने सर टेस्टिमोनियल का क्या मतलब होता है जैसे सपोज मैं ऑडिट पढ़ाता हूं तो अब अगर किसी बच्चे की रैंक आई या किसी बच्चे के सेवेंटी प्लस आए तो हम उस बच्चे से पूछते बोलते हम क्लास का ना जरा रिव्यू बताओ ताकि हम ये रिव्यू के बारे में यूट्यूब पे डालें और बाकी बच्चों को लगे कि यार वाह शुभम सर कितना अच्छा बढ़ाते हैं तो ये ये क्या होते हैं सर ये टेस्टिमोनियल होते हैं तो एक बात बताओ क्या ये सी ए फॉर्म को शोभा देता है कि वो भी ऐसे टेस्टिमोनियल ले कि हमारा ये जो सीए ना बड़ा अच्छा सर्विस देता है इसने हमारा पिछले साल दस करोड़ का टैक्स बचाया कहते ये सब चीजें तुमको शोभा नहीं देती तो तुम टेस्टिमोनियल नहीं डाल सकते मैंने कहा ठीक है प्लस इट विल नॉट कंटेन अबाउट द अचीवमेंट्स और अवार्ड्स आप अचीवमेंट्स और अवार्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते बट सर अगर ये कोई बड़ा अवार्ड है क्या होता है ना कई लोगों को ना आरडब्लू भी अवार्ड दे देती है आरडब्लू पता है ना रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हाँ तो अब मेरे को क्या हुआ था ना जब मैं सीए बना तो मेरे को आरडब्लू ने अवार्ड दिया अब वो अवार्ड की कोई वैल्यू नहीं है यार अवार्ड अच्छा कौन सा है पदमा भूषण हाँ तो अगर कोई अवॉर्ड मिला सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट से या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी से तो उसको ध्यान रखना ठीक है सर प्लस आप कोई मोनोग्राम लोगो ये सब यूज नहीं कर सकते आज की डेट में जो सीए का लेटेस्ट लोगो है वो सब आप यूज कर सकते हो प्लस आप फॉर्म का नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन कर सकते हो

कंपनी सेक्रेटरी नहीं कॉस्ट कंसल्टेंट नहीं मैनेजमेंट कंसल्टेंट नहीं कॉर्पोरेट लॉयर नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ ये ट्रिकी क्वेश्चन था इसके अलावा दो एक्सेप्शन है फोकस करना सर क्या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर इन दोनों को अलाउ किया है तो याद रखना ये जो नए वाले हाई फाई प्रोफेशनल्स आए ना इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रजिस्टर्ड वैल्यूअर इनको अलाउड है और इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट अलाउड है और इसके अलावा वो सीपीए के तीन अलाउड है।, है कौन कौन से थे सर भूल गए मैंने कहा अभी याद कराता हूं साइका हाँ, का क्या था साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीपीए आयरलैंड और इसके बाद मैंने पढ़ाया था इंग्लैंड एंड ब्लू वेल्स इंग्लैंड एंड ब्लू वेल्स मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स तो वो तीनों अलाउड है कोई दिक्कत नहीं है अब सर एक बात बताओ क्या मैं अपने लेटर हेड पे यहां पे ना सारी बातें डॉक्यूमेंट्स की होंगी क्या मैं अपने लेटर हेड पे अपना डेट ऑफ सेटिंग ऑफ द प्रैक्टिस लिख सकता हूं डेट ऑफ स्टेब्लिशिंग द प्रैक्टिस लिख सकता हूं कहता है आपसे पूछू वेबसाइट पर डेट ऑफ स्टैब्लिशमेंट लिख सकता हूं द आंसर इज यस ध्यान रखें चलना सिक्स में वो वेबसाइट की बात होती है तो क्लॉज सिक्स इज ऑल अबाउट वेबसाइट तो वहां पर अलाउड है बट लेटर हेड पे अलाउड नहीं है ठीक है सर प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट क्या मैं एज अ एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकता हूं हाँ बट

तो अगर कोई स्टेट टॉपर बनी है तो क्या मैं उसका इश्तेहार न्यूज़पेपर में डाल सकता हूं में नहीं होनी कहता है, सारे कांड कर लो बट उसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो देखो क्या कहता है नॉट इंक्लूड एनी एलिमेंट ऑफ अनडिजायरेबल पब्लिसिटी बट आप सारी बातें डालो कैंडिडेट का नाम एड्रेस स्कूल लोकल बैकग्राउंड एग्जामिनेशन पास नेम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिश करो बट पब्लिसिटी नहीं होनी चाहिए ऐसा कैसे हो सकता है सब डाल दिया फिर पब्लिसिटी नहीं हो रही तो अलाउड मतलब अजीब बात है बट इट इज ऑल अलाउड फिर देखो रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट क्या रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट आपने अपने पे देने है? और रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट सोच समझ के देना ऐसे नहीं थोक के भाव दिए हो रिपोर्ट्स आओ सर्टिफिकेट ले लो दो सौ रुपए दो सौ रुपए दो सौ रुपए नहीं आपने यहां पे पज को फुलफिल करना है तमीज से सर्टिफिकेट इशू करने हैं ठीक है सर फिर इसके बाद ये कहते हैं क्या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जा सकता हूं क्या मैं रेडियो में जा सकता हूं कहते हैं हाँ यू कैन अपियर ऑन टेलीविजन इंटरनेट रेडियो आप उसमें अपना नाम भी दे सकते हो यह भी बता सकते हो कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप अपनी स्पेशल क्वालिफिकेशन और स्पेशल नॉलेज जो जरूरी है विच इज रेलिवेंट आप वो दे सकते हो अब मजे की बात आप अपनी फर्म का नाम भी दे सकते हो सर फर्म का नाम हम कहां दे सकते हैं मैंने कहा इससे पहले मैंने कहा था बाप में दे सकते हैं बाप का मतलब क्या था बुक्स आर्टिकल्स और पब्लिकेशन इसमें आप दे सकते हो इसके अलावा आप फर्म का नाम दे सकते हो सर कहा सी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दे सकते हो इसके अलावा मैंने कहां कहा था अलाउ कर सकता है इन्विटेशन कार्ड जो इन्विटेशन कार्ड मैंने अपने रिलेटिव अपने फ्रेंड्स और अपने क्लाइंट को दिए थे यहां यहां आप फर्म का नाम दे सकते हो ठीक है बट उल्टी सीधी एग्जेजरेटेड क्लेम और कंपेरिजन मत करना अच्छा नहीं लगता ठीक है सर एंड आप मेंबरशिप ऑफ भी बता दो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब सर देखो क्या कहता है अब कहते हैं कॉन्फ्रेंसिस होती है ना इलेक्ट्रॉनिक में तो चलेगा बट जब फिजिकल कॉन्फ्रेंस होगी तो यहां कहता है फर्म का नाम अलाउड नहीं है रेफरेंस टू द प्रोफेशनल फर्म इज नॉट अलाउड तो इस पर ग्रोवर जी ने क्या कहा सर ये तो दोगलापन है ये तो कहीं ना कहीं दोगलापन है यहां पे हम इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक में सब अलाउड है जब फिजिकल कॉन्फ्रेंस में जाओगे तो वहां ये चीज अलाउड नहीं है क्लियर है क्लियर है सर बच्चे ने कहा सर यहां पे एक चीज और एड कर दो क्या न्यूज में सक्सेस इन एग्जामिनेशन वेरी वेरी गुड तो हमने यहां पर सक्सेस भी एड कर दिया ठीक है सर अब इसके बाद हमारा यहां पर पॉइंट आता है क्या ट्रेनिंग कोर्सेज क्या मैं सेमिनार ले सकता हूं हाँ तो मैं सेमिनार में अपने भी आर्टिकल्स को बुलाऊंगा अपने दोस्त जो होंगे उनके भी आर्टिकल्स को बुलाऊ सबको बुलाऊंगा तो अपने नाम के आगे जो सीए है उसको ज्यादा प्रोमिनेंस नहीं देनी ठीक है सर और बाकी चीजें मतलब थोड़ी अवॉइड करनी है जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं क्या मैं आर्टिकल्स लिख सकता हूं प्रेस को हाँ लिख सकते हो उसमें अपना नाम लिख सकते हो और एज ए सीए लिख सकते हो तो कई बार होता है ना आर्टिकल्स लिखते हैं जैसे पत्रकार पोपट लाल तो पत्रकार पोपट लाल लिख सकते हैं सीए पोपटलाल उतना चलेगा क्या मैं साइन बोर्ड यूज कर सकता हूँ बट जैसे चांदनी चौक में होते ना चमक धमक वाले साइन बोर्ड कि वो जो कई कई बार आप जाते हो तो वहाँ पे ना चश्मे बिकते हैं तो चश्मे ऐसे ग्लोई ग्लोई साइन बोर्ड होते हैं हाँ। तो वैसे ग्लोई साइन बोर्ड अलाउड नहीं है सफेस्टिकेटेड और आप ऐसा क्या तो बोरिंग साइन साइनबोर्ड अलाउड है तो ग्लो साइन वाले बड़े साइन बोर्ड परमिशेबल नहीं है एकदम सफेस्टिकेटेड साइन बोर्ड होना चाहिए अब सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इधर फोकस करके चल रहा था क्या मैं एक कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं एज ए सी प्रैक्टिस प्रैक्टिस अब कंपनी की जब प्रोस्पेक्टस आएगी तो वो जो प्रोस्पेक्टस है ना वो मेरी नॉलेज और स्पेशलाइजेशन के बारे में बकबक नहीं करेगी वो मेरी नॉलेज और स्पेशलाइजेशन के बारे में बातें नहीं करेगी वो बस इतना लिख सकती है सीए शुभम केसवानी तो ये कहता है जब भी कोई प्रोस्पेक्टस या पब्लिक अनाउंसमेंट आती है उस कंपनी की जिसके आप डायरेक्टर हो तो उसमें आपका नाम एज सी ए तो ठीक है बट आपकी एक्सपर्टीज स्पेशलाइजेशन की बात है और आपकी नॉलेज के बारे में बात नहीं होनी चाहिए तो जब भी ऐसा कुछ वो कर रही है तो आप अप्रूव करो सीए अलाउड है डायरेक्टरशिप जो आपने बाकी कंपनीज में कर रखी है वो अलाउड है बट फर्म का नाम अलाउड नहीं है तो फर्म का नाम मोटा माटी अलाउड ही नहीं होता जो मैंने लिस्ट बनवाई बस वही अलाउड होता है और कहीं नहीं होता ठीक है सर लोगो मोनोग्राम कोई भी प्रोहिबिटेड है एंड क्या मैं क्यूआर कोड यूज कर सकता हूं हाँ सर आजकल तो जमाने क्यू आर कोड का है तो आप अपने विजिटिंग कार्ड पे क्यूआर कोड यूज कर सकते हो उसमें जो भी डिटेल्स अबाउट द फर्म है दैट यू कैन गिव कोई दिक्कत की बात नहीं है अब सर एक बात बताओ मैंने अपने लेटर हेड पे सारी फॉर्म्स के नाम लिख रखे कोई दिक्कत है नहीं सर आपने अपने लेटर हेड पे लिख रखे हैं मैं एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने गया क्या कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते वक्त मैं अपनी फर्म का नाम बता सकता हूं नहीं सर रेडियो टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां बता सकते हो बट कॉन्फ्रेंस में जाकर आप अपनी फर्म का नाम और अपने गुणगान नहीं गा सकते यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज सिक्स सेवन ठीक है सर प्लस मैंने रिक्वेस्ट किया ऑडियंस को अप्रोच करने के लिए तो उसको क्या कहते हैं सोलिसिटेशन काम मांग रहे हो अच्छा गलत बात अलाउड नहीं है एंड आखिरी में डिमोनेटाइजेशन वाले एग्जाम्पल बस रीड कर लेना इसमें कुछ खास मसाला नहीं है अब सर हमारा क्लॉज सेवन भी हो गया सेवन जैसे ही हो गया एक बात ध्यान रखना ये एग्जाम्पल आई से अपनी स्टडी मटेरियल में भी दे रखा है सर क्या जब मैं एज सी ए डायरेक्टर होता हूं और मैंने प्रोस्पेक्टस में अपना नाम डलवाया क्लॉस सिक्स में भी गिल्टी करता है तो आई एम श्योर आप ही नहीं मैं भी एज अ स्टूडेंट होता तो क्लॉस सिक्स भूल जाता बट याद रखना सेवन के साथ यहां सिक्स भी आएगा कम ऑन एवरी वन आर यू ऑल विद मी जल्दी से बताइए बस स्केड्यूल खत्म होने वाला है सेकेंड स्केड्यूल में जान ही नहीं है जल्दी से आइए मेरे साथ पानी के दो घूट लगा और चैट बॉक्स में लिखो रेडी आ जाओ जागो मोहन प्यारे जागो यार एनर्जी रखो यार अभी तो तुम यंगस्टर्स हो स्टेमिना होना चाहिए अच्छा वाला सर आह क्लॉज सिक्स क्यों आएगा आईसीआई को फील आ रही है कि इसमें से सॉलिसिटेशन की खुशबू आ रही है इसलिए क्लॉज सिक्स आएगा ठीक है आगे सर रेडी है सर अब देखो क्लॉज एट क्या कहता है बड़ा सिंपल सा क्लॉज है क्लॉज एट कम्युनिकेट आह क्लॉज एट कम्युनिकेट यानी अगर आपने कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट करी एज ए ऑडिटर जो पहले किसके पास थी सर किसी सीएन प्रैक्टिस के पास थी आपने कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट करी एज ऑडिटर जो पहले सीए इन प्रैक्टिस के साथ पास थी तो आप वो पोजीशन एक्सेप्ट करने से पहले कम्युनिकेट करोगे इन राइटिंग आपने इन राइटिंग कम्युनिकेट करना है तो मैं फोन पे बात नहीं कर सकता सीए से हेलो सीए क्या मैं पोजीशन एक्सेप्ट करूं नो इन राइटिंग कम्युनिकेट करना जरूरी है एक्सेप्ट पोजिशन एज ऑडिटर प्रीवियसली हेल्ड बाई अनदर चार्टेड अकाउंटेंट और एक ओल्ड प्रोविजन है सर्टिफाइड ऑडिटर अंडर सर्टिफिकेट रूल 1932 विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग तो बिना कम्युनिकेट इन राइटिंग टू कम्युनिकेट सो दैट यू बिकम अवेयर अबाउट एनी सर्कमस्टेंस जो हो सकता है आपको बोले कि आपको अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए सो तो ये बेसिक सा जो इसका मतलब है लिख देना अब सर एक बात बताओ क्या प्रोफेशनल रीजंस हो सकते हैं एक्सेप्ट ना करने के

यहां हमको थोड़ा मैनुपलेटिव आंसर देना है आपने बोलना है कि आप ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो अगर पुराने ऑडिटर का रवैया खराब था इफ यू थिंक दैट द रिटायरिंग ऑडिटर एटीट्यूड वॉज नॉट प्रॉपर एंड जस्टिफाइड बट अगर आपको लगता है नहीं रिटायरिंग ऑडिटर अच्छा आदमी था ही क्वालिफाइड द रिपोर्ट फॉर अ गुड एंड वैलिड रीजन तो आप बोलो नहीं मैं ये ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करूंगा बट आईसीआई फिर क्या कहता है ना देयर इज नो रूल हम कोई रूल नहीं बना रहे रिटर्न और अनरिटर्न की आपको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं आप अपना दिमाग लगाओ आप अपना दिमाग लगाओ देर इज नो रूल रिटर्न और अनरिटर्न विच वुल प्रिवेंट द ऑडिटर फ्रॉम एक्सेप्टिंग द असाइनमेंट बट बिफोर एक्सेप्टिंग सारे चीजों को समझ लेना तो ऐसे ही डिप्लोमेटिक आंसर आपने लिखना अगर ऐसे ऐसा केस स्टडी बनाए तो आप क्या लिखोगे सर जल्दी से बताओ सर हम देखेंगे पुराने ऑडिटर का एटीट्यूड खराब तो नहीं था अगर खराब था तो एक्सेप्ट कर लो बट अगर उसने गुड एंड वैलिड रीजंस की वजह से क्वालिफाई किया तो फिर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे बट देर इज नो रूल रिटर्न और अनरिटन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं तो कंसिडर द फैक्ट ऑफ द केस देन ओनली एक्सेप्ट राइट परविंदर जी वेरी गुड अब सर एक बात बताओ सपोज एक बात बताओ क्या करेक्ट प्रोसीजर होना चाहिए क्योंकि देखो आईसीआई ने ना ये चीज ऑलरेडी पूछ ली एग्जाम में तो इसके नीचे एक और पैराग्राफ है ये भी पूछ सकता है करेक्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट अपना ऑडिटर चेंज करना चाहता है तो मैं बताऊं लॉजिकल क्या होना चाहिए हाँ सर अगर कोई क्लाइंट अपना ऑडिटर चेंज करके आपको लाना चाहता है तो आप उससे पूछो क्या तूने पुराने ऑडिटर को बताया कि तू उसको हटा रहा है हाँ सर तो अगर उसने बताया वेरी गुड अगर नहीं बताया तो आप कहीं ना कहीं उसको पूछो रीजन क्या है ना बताने का ऐसे केस में आपको लगता है दाल में काला है तो एक्सेप्ट मत करो बट अगर उसने बताया तो आप भी एक बार चेक कर लो बताया कि नहीं तो देखो क्या कहता है कंपनी शुड बी वेदर द रिटायरिंग ऑडिटर हैज बीन इफ द आंसर इज यस आप उससे कम्युनिकेट कर लो जो आपको क्लॉज एट ने वैसे भी कहा था बट अगर पता लगता है नहीं बताया और कंपनी विलिंग भी नहीं है इन्फॉर्म करने के लिए मतलब कंपनी के मन में चोर है और चोर कंपनी के साथ तो ऑडिट करना ही नहीं चाहिए देन इट इज अ हेल्दी प्रैक्टिस कि आप उसे रीजन पूछो कि चेंज क्यों कर रहे हो और अगर कोई वैलिड रीजन नहीं है तो हेल्दी प्रैक्टिस है एक्सेप्ट मत करो फिर भी अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो कम्युनिकेट कर लो तो एट द एंड ऑफ द डे कम्युनिकेट करके चलना है तो वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूं ध्यान से समझना क्लाइंट अपना पुराना ऑडिटर हटाना चाहता है आपको लाना चाहता है मैंने कहा ठीक है अब पूछो उसे तूने पुराने ऑडिटर को बताया कहता है हां तो हम भी कम्युनिकेट करेंगे कहते हैं ना और बताना भी नहीं चाह रहा तू तो उसे रीजन पूछो अगर लगता है रीजन वैलिड नहीं है तो एक्सेप्ट मत करना बट फिर भी अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो बट फिर भी अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको भी कम्युनिकेट करके चलना पड़ेगा मजा आ रहे हैं सर मजा आ गया अब इसके बाद देखो क्या कहता है कौन कौन से तरीके हैं जिससे आपको पता लगेगा कि रिटर्न में कम्युनिकेशन हुई थी रिटर्न में कम्युनिकेशन कब होते जब मैं मा मामला भेजता हूं या मामला डिलीवर होता है सर मामला डिलीवर होता है सिर्फ मैसेज भेजने से रिटर्न कम्युनिकेशन नहीं है ना डबल टिक आना चाहिए समझ गए समझ गए सर तो डबल टिक कब आएगा तो आईसीआई कहते हैं दो देसी तरीके दो मॉडर्न तरीके हैं देसी तरीके क्या है आप एक लेटर भेजो रजिस्टर्ड पोस्ट विद ड्यू एक्नोलेज का मतलब है है सामने वाले को मामला मिल गया ठीक है, सर या आप अगर जाओ तो हाथ से डिलीवर कर दो तो और रिटर्न एक्नोलेजमेंट ले लो एक्नोलेजमेंट जरूरी है जैसे जाकिर खान बोलता है ना बादल जरूरी है तो आपने यहां पर बोलना है एक्नोलेजमेंट जरूरी है तो रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नोलेजमेंट ड्यू या बाय हैंड डिलीवरी विद रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ठीक है सर मॉडर्न तरीके क्या है ईमेल और यूडेन अब सर ये जो ईमेल है ना यहां पे भी आईसीआई कभी कभी मजे ले लेता है सर कैसे ये जो ये जो ईमेल है है कहता या तो उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी होगी ठीक है सर लास्ट नोन ऑफिशियल ईमेल आईडी या फिर ऐसी ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है विद आईसीआई मुझे समझ में नहीं आता ऑफिशियल ईमेल आईडी आ कहां से रही है बट तुमको ध्यान रखना है आईसीआई वाली आईडी भी चलेगी या उसकी लास्ट नोन ऑफिशियल आईडी भी चलेगी ये दोनों बातें तुमको ध्यान में रखकर चलनी है सर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग चलेगा मैंने कहा नहीं सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज अ सिंगल टिक इसमें तुमको ये थोड़ी पता लगा सामने वाले को डिलीवर हो गया तो पोस्टिंग वाला नहीं चलेगा आपके पास यहां पे पॉजिटिव एविडेंस ऑफ डिलीवरी नहीं है अब आ जाओ सर स्पेशल केसेस पे मैंने मामला भेजा बट वहां ताला लगा था तो सर इसमें मेरी क्या गलती ताला लगा था तो उसकी गलती की वजह से लगा था तो अगर ताला लगा तो यह मान लिया जाएगा डिलीवर हो गया ठीक है सर वहां पर कोई फर्म नहीं थी जो एड्रेस था

अब सर ये जो रिक्वायरमेंट तो टू कम्युनिकेट विद द प्रीवियस ऑडिटर सारे ऑडिट्स के लिए एप्लीकेबल है पे भी पुराना ऑडिटर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन, इन प्रैक्टिस था ठीक है सर जस्ट गिव मी अ सेकंड एक बार फटाफट काउंसिल के डिसीजंस पढ़ो मैं इनको गो थ्रू कराता हूं टेक वन मिनट एंड गो थ्रू द काउंसिल डिसीजंस जी मित्रों रीड करा काउंसिल डिसीजंस को बताइए डन विद द रीडिंग ऑफ काउंसिल डिसीजंस यस सर इसमें देखो क्या कहता है ये सारे ऑडिट्स को एप्लीकेबल रहेगा ठीक है सर

दिस इज सब्जेक्ट टू द प्रोफेशनल ऑब्जेक्शन जो प्रीवियस ऑडिटर रेसता है अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो जुलाई के एग्जाम में आया था जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन में मुझे एक बात बताओ एक नया इंटरनल ऑडिटर आया हाँ सर इस इंटरनल ऑडिटर को क्या स्टेचुटरी ऑडिटर से भी कम्युनिकेट करना है मैंने कहा नहीं क्रॉस क्रॉस कम्युनिकेशन नहीं खेल रहे जो स्टेचुटरी ऑडिटर है वो पुराने स्टेचुट्री ऑडिटर से करेगा जो नया इंटरनल ऑडिटर है वो पुराने इंटरनल ऑडिटर से करेगा इंटरनल ऑडिटर को स्टेच्यूटरी ऑडिटर से कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है तो यह बात भी आपको ध्यान में चलनी है यू गॉट यस सर अब इंटर की इंटर में जो आपने में पढ़े थे 139 और 140 उसी की वन 139 बात करता है रिमूवल की तो सेक्शन 139 के ऊपर क्लॉज नाइन याद रखना क्लॉज नाइन में क्या चेक करते हैं सेक्शन

एसरटेन कैसे करते हैं चेक करके तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करोगे कि भाई नोटिस आया कि नहीं ठीक है क्या आपने ऑर्डनरी रेजोल्यूशन पास करा कि नहीं मेरे को अपॉइंट करने के लिए सो ईच एंड एवरीथिंग विच इज टू बी चेक फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर नीड्स टू बी चेक सो इट इज ऑब्लीगेटरी फॉर द ऑडिटर टू एसरटेन फ्रॉम द कंपनी क्या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ फॉर इज अपॉइंटमेंट सर मुझे ये चेक करना जरूरी है क्योंकि कल को आके आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा दे कि तुम्हारी अपॉइंटमेंट ठीक से नहीं हुई थी नो वन कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट ठीक है सर क्या मैं सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर लू नहीं तुमको रेलिवेंट रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे अगर कंपनी रेलिवेंट रिकॉर्ड नहीं दे रही तो ऑडिट एक्सेप्ट मत करो तो यही बेसिक पॉइंट आपको यहां पर लिख के चलने जल्दी से बताओ क्या क्या हमें ये करना जरूरी क्यों है ताकि नो वन कैन चैलेंज द अपॉइंटमेंट लेटर ठीक है सर चेक करना है या सर्टिफिकेट ले ले सर्टिफिकेट नहीं चेक करो रेलिवेंट रिकॉर्ड अगर कंपनी नहीं दे रही तो ऑडिट एक्सेप्ट मत करो बस ये तीन बेसिक पॉइंट में नंबर दे देगा ठीक है सर अब इसके बाद एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने तीन गाइडलाइन दी समझ के चलना सर क्या एक ऑडिटर विलिंग था फॉर रीअपॉइंटमेंट बट उसको रीअपॉइंट नहीं किया गया तो अगर ऐसा कोई केस है तो वो आईसीआई के साथ एक कॉपी ऑफ स्टेटमेंट फाइल करेगा जो रिप्रेजेंटेशन उसने शेयर होल्डर को भेजी है कौन सा सेक्शन 140 फोर्टी सबसेक्शन 4 में तो में फोर्टी उसने रिप्रेजेंटेशन भेजी उसकी कॉपी आईसीआई को भी देना जरूरी है अब जो नया ऑडिटर आएगा उसके पास उसको भी इसकी कॉपी लेनी है सर कॉपी किससे लेनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ठीक है सर अब अगर एक ऑडिटर रिजाइन कर गया तो जब भी ऑडिटर रिजाइन करता है तो वो एक फॉर्म फाइल करता है ए डी टी थ्री मैं हो गया फ्री हाँ सर तो जो एडीटी थ्री फाइल करता है वो थर्टी डेज के अंदर वो बताते हैं कंपनी को को कि मैं रिजाइन क्यों कर रहा हूं तो जब कोई नया ऑडिटर आएगा उसको भी उसकी कॉपी लेनी है तो वो रीजन आईसीआई के साथ भी फाइल करेगा ठीक है सर और जो नया ऑडिटर है उसकी कॉपी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से लेकर चलेगा ठीक है सर एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड चाहे तो कोई और इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं और ये जो रिमूवल है ये रिमूवल एप्लीकेबल है सारी कंपनीज पे चाहे नॉर्मल कंपनी है चाहे गवर्नमेंट कंपनी है अब सारे बच्चे देखो सीए राजा कुंडी मत खड़काओ राजा क्वेश्चन पे आओ राजा सीए राजा वॉज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ लिमिटेड आईसीए मजे तो लेता है तुम फीलिंग देख रहे हो वर्ड्स को कैसे ज्वाइन किया है किंग के घर को क्या कहते हैं कासल कहते हैं ओ सीए राजा वॉज मेड द ऑडिटर ऑफ कासल लिमिटेड ही डिक्लाइन टू एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया इन्होंने रानी को बुलाया राजा की जगह किसको बुलाया रानी को बुलाया और रानी ने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया दिल पे हाथ रख के बताओ जब राजा ने पोजीशन एक्सेप्ट ही नहीं करी ठीक है तो क्या ऑडिटर अपॉइंट हुआ द आंसर इज नो ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं हुआ तो जब ऑडिटर अपॉइंट नहीं हुआ तो ऑडिटर अपॉइंट कौन करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर होल्डर सर शेयर होल्डर यहां कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स को अपॉइंट करना चाहिए तब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो कैजुअल वैकेंसी है अरे फालतू बातें क्यों कर रहे हो कैजुअल वैकेंसी कैसे होती है कैजुअल वैकेंसी है ऑडिटर बैठा है और उठ के चला गया तो उसको कहते हैं तो, है तो बोर्ड है, कर लेता बट यहां कैजुअल वैकेंसी नहीं है इट विल बी डीम दैट नो ऑडिटर वॉज अपॉइंटेड और अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर शेल डीम टू कंटिन्यू तो आपने ये बेसिक सी बात ध्यान में रखें चलनी है अब आता है सर क्लॉज नंबर टेन दैट इज द

ज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कंटीजेंट ऑफ वर्क तो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट एज परमिटेड अंडर द रेगुलेशन और रेगुलेशन नंबर है 192. ये सारे बच्चों को याद है सर रेगुलेशन 192 फटाफट बताओ इसमें टाइम लगाएंगे नहीं सीआरवी फंड मैनेजमेंट सर्विसेस उसके बाद क्या था नॉन नॉन सर नॉन नॉन क्या था सी का मतलब बताओ कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिटर रिसीवर और लिक्विडिटर वेल्यूअर सीआरवी हो गया फंड मैनेजमेंट सर्विसेज का क्या मतलब था फंड रेजिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट सर्विसेज, डेट और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इसके अलावा हमारे पास मतलब केसेस में आप कहीं ना कहीं क्या कर सकते हो इन सब केसेस में यू कै यर फीस कैन बी बेस्ड परसेंटेज ऑफ दैट यू क्रिएट फॉर द क्लाइंट अब सर यहां पे एक बात बताओ आईसीआई ने पहले क्वेश्चन पूछ रखा था, तो मुझे एक बात बताओ आपने क्या कराया ना आपने एक लोन सेंक्शन कराया फ्रॉम बैंक ठीक है गेटिंग अ लोन सेंक्शन फ्रॉम बैंक इज नॉट कवर्ड अंडर फंड रेजिंग सर्विसेज क्या बैंक से लोन दिलवाने फंड रेजिंग मैं करना ही फंड रेजिंग होता है जनरली आप कैपिटल रेज करवाते हो ठीक है सीएआईपी कैन नॉट चार्ज अ फीस बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ लोन रेज तो इस पर आई थिंक एक क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैंक में एक बार आप वो क्वेश्चन करोगे तो मजा आ जाएगा ठीक है सर अब आता है क्लॉज इलेवन ये किसकी बात करता है एक बार अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए तो कोई और ऑक्यूपेशन और बिजनेस नहीं कर सकते तो और और हरकते कर हर करता हूं क्लॉज के साथ इसका एक ही तात्पर्य नंबर याद रखो बिकॉज आईसीआई के पास जब मार्किंग स्कीम आती है उसमें सबसे पहले क्लॉज लिखा होता है तो बीस परसेंट बच्चे क्लॉज लिख के आते हैं पांच परसेंटेज सर वही है पंद्रह बीस परसेंट तो तुम ध्यान रखना भाई प्रोफेशनल एथिक्स इज द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ याइनल ऑर्डर ठीक है तो यहां क्लॉज नंबर जितने तुम्हारे टिप्स पे होंगे उतने आप कॉन्फिडेंट फील करोगे उतने आप चार्ट अकाउंटेंट फील करोगे और जो फील करोगे वही बन जाते अपन तो फील एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट क्लियर है क्लियर है सर सो इनकेस यू इंगेज इन एनी ऑक्यूपेशन और बिजनेस अदर देन चार्ट अकाउंटेंसी बी गिली अनलेस उंसिल तो इसके साथ इन्होंने एक बात और बोली सर क्या क्या कंपनी का डायरेक्टर बन सकता हूं हाँ बन सकते हो बट याद रहे तो आप डायरेक्टर बन सकते हो बट याद रहे होलटाइम डायरेक्टर बन सकता हूँ नहीं बट इसकी एक एक्सेप्शन है चैप्टर नंबर सत्रह जो हम काउंसिल गाइडलाइन में कवर करके चलते हैं अब सर सारे के सारे बच्चे जल्दी से बताओ सेक्शन क्लॉ ये वन क्या कहता है 191 एक सिंपल सी बात कहता है कि भाई अगर आप एक सी एम प्रैक्टिस हो ठीक है और आपको कोई पार्ट टाइम ऑफर आता है किसकी तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या कोई ऐसी गवर्नमेंट अथॉरिटी की तरफ से जिसमें वो आपसे टर्टर वाले काम कराते हैं सर टर्टर वाले काम कराते हैं लिक्विडर एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर रिसीवर एग्जीक्यूटर सब में अर, अर अर आता है तो ये वाले काम में आपको माना जाएगा यू आर यू आर इन प्रैक्टिस ये सब आपको अलाउड है

कि आप ना इन सब हरकतों को कर सकते हो हमने इनके लिए जनरल परमिशन दे दिया है तो जनरल परमिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अलावा सब कुछ स्पेशल परमिशन में चला जाता है तो तुमने बस जनरल परमिशन पे फोकस करना है जल्दी से बताओ क्या क्या आता है जनरल परमिशन में सबसे पहले ये कहता है आप इंप्लॉय बन सकते हो बट इंप्लॉय हर जगह नहीं सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग फर्म में तो यू कैन बी एम्प्लॉय अंडर सी एन प्रैक्टिस और अ फर्म ऑफ सी एस

बट एल के लाइसेंस पे आपको कोई नई कमीशन नहीं आनी चाहिए जब से आप सीए इन प्रैक्टिस बने उसके बाद एल आईसी की आप रिन्यूअल कमीशन कमा सकते हो ठीक है सर समझ गए ना जिस दिन सीए बना उसके बाद तो कोई पॉलिसी नहीं बेच सकता बट उससे पहले जो मैंने एल की पॉलिसियां बेची है एज आर्टिकल उन पे मेरे को कोई कमीशन आती है रिन्यूअल कमीशन तो वो मैं ले सकता हूं ठीक है सर क्या मैं और एग्जाम दे सकता हूं और क्लासेस दे सकता हूं हाँ। अगर तुम्हारे अंदर स्टेमिना बचा है तो तुम और एग्जाम और क्लासेस कर सकते हो क्या मैं एमपीएमएल और एमएलसी बन सकता हूँ हाँ यू कैन बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल कोई दिक्कत की बात नहीं है बट क्या मैं इनकी डेजिग्नेशन यूज कर सकता हूं सर आप बदमाश तो बहुत हो आप बदमाश तो बहुत हो हर टॉपिक को इधर उधर करके ना पूरे मजे तो ले लेते हो मैंने कहा जल्दी से बताओ मैं जाऊंगा नहीं यहां से फटाफट सारे बच्चे चैटबॉक्स में बताओ कैन आई यूज द डेग्नेशन ऑफ अम्बर ऑफ अ पार्लियामेंट मेंबर मेंबर ऑफ ऑफ असेंबली एंड मेंजिस्लेटिव काउंसिल सर का कॉन्टेक्ट नंबर क्या है नलैक कॉन्टेक्ट नंबर सिर्फ क्लास स्टूडेंट्स को मिलता है जल्दी से बताइए चलेगा क्या नहीं सर डेजिग्नेशन नहीं चलेगा पर खुददार समझ गए सारे बच्चे आ जाओ इधर इधर फोकस करो अब सर इसके बाद क्या आता है ऑफिस अगर कोई एनजीओ मुझे इज्जत देना चाहता है तो मैंने कहा इज्जत ले लो सिंपल सी बात है अगर कोई एनजीओ आपको इज्जत दे रहा है ऑनररी ऑफिस दे रहा है दिस थिंग इज अलाउड कोई दिक्कत नहीं है यू कैन एक्सेप्ट ऑनररी ऑफिस सर क्यों इसमें काम नहीं करना पड़ता काम नहीं करना पड़ता बैठे बैठे बस तुमको पैसे मिलते रहते मजा आता रहता so, है पीस नोटरी पब्लिक ट्यूटरशिप अंडर द कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट क्या आपको है इंस्टीट्यूट भी लेक्चर प्रोवाइड करता है हाँ सर इंस्टीट्यूट भी सारे सब्जेक्ट के लेक्चर प्रोवाइड करता है फ्री में वाउ सर तो यहां पे क्या मैं पार्ट टाइम ट्यूटरशिप दे सकता हूं हाँ सर पार्ट टाइम ट्यूटरशिप दे सकते हो अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है क्या मैं किसी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का पेपर चेकर बन सकता हूं बन जाओ पेपर सेटर बन सकता हूं एडिटरशिप इज अलाउड ओनली फॉर प्रोफेशनल जर्नल सर एडिटरशिप और ऑथरशिप में फर्क क्या मैंने कहा सेम ऑथरशिप इज अबाउट ओरिजिनल कॉन्टेंट जब आप कॉन्टेंट बना के लिखते हो उसको ऑथर कहते हैं एडिटरशिप इज मोर लाइक धंधा बिजनेस मार्केटिंग यानी यहां पे मार्केटिंग और बिजनेस की फील होती है तो जब आप एडिटर बनते हो किसी मैगजीन के तो वो मैगजीन सिर्फ प्रोफेशनल मैगजीन होनी चाहिए यानी कंपनी ऑडिट जर्नल आई थिंक यही क्वेश्चन नवंबर 23 के एग्जाम्स में भी आया था याद है याद है सर तो ये कहीं ना कहीं वहां पे कवर हो जाता है अच्छा एक बात बताओ क्या फेमिना चलेगा क्या फिल्म फेयर चलेगा मैंने कहा नहीं इनके एडिटर आप नहीं बन सकते ठीक है

मुझे कहीं ना कहीं रॉयल्टी इनकम आ रही है सर ये रॉयल्टी इनकम किससे आ रही है मैंने कोई मैंने कोई पेटेंट बनाया वाह पेटेंट बनाते हो अब ये जो पेटेंट से रॉयल्टी इनकम आ रही है क्या ये जनरल परमिशन में जाएगी मैंने तुम्हारा आरटीपी करा दिया इसमें या ये स्पेसिफिक परमिशन में जाएगी जल्दी से बताओ रॉयलटी ठीक ठीक रॉयलटी ठीक ठीक बेबी शक डू डू बेबी शक डू डू बेबी शक नो 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 जनरल में नो 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 स्पेसिफिक में यस 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 ठीक है तो स्पेसिफिक में जाएगी रॉयल्टी इनकम पेटेंट सर क्यों क्योंकि ये धंधा है ठीक है ये धंधा है खत्म का नहीं अच्छा एक बात बताओ सुनो ना क्या मैं किसी कंपनी का प्रमोटर बन सकता हूं हाँ सर क्या मैं उस कंपनी का सिग्नेटरी बन सकता हूं टू द एमओ एओ ए हाँ सर अच्छा अगर मैं प्रोमोटर हूं तो क्या मैं उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊं बन जाओ सर

कच्चा तेल ये सब मैं कर सकता हूं कहते नहीं अच्छा एक बात बताओ इक्विटी डेरिवेटिव जब कुछ लिखा नहीं है तो फिर अलाउड है कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद ये कहता है क्या मुझे परमिशन चाहिए अगर मैं कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता हूं जब मैं उस कंपनी का ऑडिटर हूं हाँ सर चाहिए बट कोई देगा नहीं अब सर एक बहुत प्यारा पॉइंट प्यार आता है इस पे क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक पे मैं ऑडिटर हूं सब्सिडरी का बट मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं होल्डिंग का मैं ऑडिटर हूं सब्सिडी का बट मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं होल्डिंग का तो क्या मैं होल्डिंग का डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट कर सकता हूं बिंग ऑडिटर ऑफ सब्सिडी कंपनीज अलाउ करता है एक्ट अलाउ करता है बट एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड कहता है कंपनी भाड़ में आपने पब्लिक कॉन्साइंस पब्लिक इंटरेस्ट को अहेड रखना है ऑफ लॉ ये कहता है एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड को बिचारे को क्लेरिफिकेशन देनी पड़ी दैट ऑडिटर ऑफ सब्सिडी कंपनी कांट बिकम अ डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी वाई

एच यू का जो बिजनेस में मेरा शेयर है ना ये मैंने मर्जी से नहीं लिया है मैंने कहा फिर कैसे सर मेरे ऊपर एक चाचा जी थे जैसे ही वो चाचा जी गए उन चाचा जी का शेयर मेरे हा, मेरे हाथ में आ गया तो अब मैं क्या करूं मेरा शेयर मेरे हाथ में आ गया मैं बिजनेस करता नहीं हूं मैंने कहा चलेगा तो अगर तुम्हारे पास जो एच का शेयर आया है वो ऐसे अपने आप आ गया है इट इज ड्यू टू सम लीनियर रिलेशनशिप विद योर ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स और समथिंग एल्स तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है सर क्या मैं करता बन सकता हूं यार अब ज्यादा हो रहा है अब ज्यादा हो रहा है तुम करता कैसे बन जाओगे हेड ऑफ सर थोड़ा और सुनो मैंने कहा बताओ सर मैं करता तो रहूंगा करता रहूंगा मतलब मैं करता एज अ करता तो एक्ट करूंगा बट एज अ करता मैं उसका बिजनेस नहीं करूंगा जो बिजनेस का पैसा है ना बस मैं उसको शेयर्स और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूंगा क्या ये चलेगा कहता है हाँ तो ये कहता है भली आप एक सी एन प्रेक्टिस एज अ करता हो बट याद रखना अगर आप उसके पैसे को सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हो और उससे कोई बिजनेस नहीं करते तो चलेगा तो इसमें आपने बस एक ही बात सीखनी है सर क्या एच का मेरे पास शेयर है एंड उसमें मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा मैं उसमें कोई बिजनेस नहीं कर रहा तो सब चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अब सर इसके बाद तीन क्वेश्चन आ जाते हैं मजा आ जाएगा तुमको ये क्वेश्चन करके एक सी एक सी के पास सीओ है और चार क्लर्क है ठीक है सर इसने फुल टाइम लेक्चरारशिप ले ली कॉलेज में जल्दी से बताओ कॉलेज की लेक्चरारशिप क्या ये प्राइवेट ट्यूशन है नहीं क्या ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ट्यूशन है नहीं सर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है क्योंकि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है बातों के लिए आपने ध्यान रखना है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर टू हमने एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन गए एक बात बताओ क्या तुमको कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए अलाउ किया था या मैनेजिंग डायरेक्टर सर डायरेक्टर तो मैनेजिंग डायरेक्टर अलाउ क्यों नहीं किया था क्योंकि वही काम करता है डायरेक्टर इज जस्ट लाइक अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो यू कैन नॉट बिकम अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ अ कंपनी यू कैन ओनली बी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो ये भी अलाउड नहीं है ठीक है सर और इस नलायक ने क्या किया पहले एक्सेप्ट किया फिर परमिशन ली पहले परमिशन ली जाती है भाई जब वहां लिखा है स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल तो प्रायर मतलब पहले अप्रूवल लो फिर एक्सेप्ट करो ठीक है सर एंड लास्ट में आते हैं सर क्या सीए <coughs> प्रभु इज द इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर अच्छा सी ए और प्रैक्टिशनर को मिलाया तो क्या बन गया सी ए प्रैक्टिस वाव सर ऐसे तुमको ध्यान रखना है ठीक है यह क्या करता है यह कॉमोडिटी डेरेवेटिव ट्रेडिंग करता है तो अभी -अभी हमने सीखा कॉमोडिटी डेरेवेटिव में ट्रेडिंग करना इज अजनेट गॉटेट सर पार्ट वन खत्म हो गया ठीक है पार्ट वन खत्म हो गया सारे बच्चों के पेशेंस के लिए तुमने जो मुझे इतना झेला सबसे पहले क्लैपिंग जल्दी से दो गहरी सांस लो पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में लिखो रेडी फटाफट फड़। आ जाओ बेबी शटर बेबी शट रू बेबी शक आ गए सर बीरबल को नींद आ रही है बीरबल तुम सो जाओ ठीक है सो जाओ अच्छे से रेणी सर रेणी है सर असम चलो सर आ गए सारे के सारे बच्चे मेरे साथ मैंने कहा सारे बच्चे फोकस करो दस मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट शेड्यूल खत्म होने वाला है फिर अपन एक बढ़िया सा दो मिनट का ब्रेक ले लेंगे ठीक है सर अब सारे बच्चे आ जाओ पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर टू किसकी बात करता था सर पार्ट नंबर वन बात करता था सीएन प्रैक्टिस की ठीक है पार्ट नंबर टू बात करता है सीएन सर्विस की एंड मजे की बात क्या है पार्ट टू है और इसमें दो ही क्लॉज है सो दिस इज द लकी पार्ट मैं आपको एक बात बताऊं ना प्रोफेशनल एथिक्स का वेटेज बढ़ गया है ना तो इसी में से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं क्योंकि यहां तक ना बच्चे थक जाते हैं तो ऐसे है कहते है, थके बच्चे हमको अकाउंटेंट बनाने ही नहीं है सारे बच्चे, तो बच्चे इधर देखो क्या सर्विस तो इनका लिखने का ना लहजा ही अलग है सीधा सीधा नहीं लिखते इन सर्विस कहते हैं इंस्टीट्यूट अदर देन इन प्रैक्टिस क्या किया पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टलीम ब्रो मैंने कहा शेयर कॉम ब्रोन बस इज शेयर है हल्का कर दिया उस क्लॉज को पेज और अलाउज और एग्रीज टू पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी शेयर इन द एमोलूमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मतलब जो इन्होंने एम्प्लॉयमेंट से सैलरी कमाई उसका शेयर किसी को नहीं दे सकते क्यों लाया गया ऐसे क्लॉज को इसलिए लाया गया कि जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक जॉब प्रक्योर करे वो अपने टैलेंट से करे वो अपने हार्डवर्क से करे ना कि थ्रू अ फाइनेंशियल डील दैट कैन इंपेयर हिज इमेज तो ये कहता है देखो क्या जॉब मस्ट बी प्रक्योर्ड एंड रिटेन थ्रू योर कैपेबिलिटीज नॉट बाय एनी फाइनेंशियल डील जिससे प्रोफेशन की बदनामी हो विच कैन इंपेयर द प्रोफेशनल डिग्निटी क्या ये बात समझ आई हां सर अब एक बात बताओ सर मेरा एक दोस्त है मैंने उसको पार्टी दी तो क्या मैं गिल्टी हूं मैंने कहा नहीं ये सब चीजों में दिक्कत नहीं है अगर आप अपनी सैलरी से अपनी फैमिली अपने दोस्त अपने रिश्तेदार इन सबको पार्टी वार्टी देते हो इनके मजे कराते हो तो हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है प्रोवाइडेड जो आपको जॉब मिली इनकी वजह से ना मिली हो तो ये कहता है इट इट शुड नॉट बी अ कंसिडरेशन फॉर प्रोक्योरिंग और रिटेनिंग अ जॉब तो आई होप क्लॉज नंबर वन केयर ठीक है है सर क्लॉज कहता जब वन में दिया नहीं तो टू में लेना मत इट इज जस्ट लाइक क्लॉज टू एंड थ्री ऑफ द पार्ट दन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल तो ये कहता है जब वन में दिया नहीं तो टू में लेना मत मतलब आप गिल्टी हो जाओगे इफ यू एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट सर क्या एनी पार्ट ऑफ द एफ पीजी मतलब फीस प्रॉफिट और गेंस सर किसके फीस प्रॉफिट और गेम्स किसी लॉयर के किसी एजेंट के एजेंट जैसा एक और बंदा होता है ब्रोकर ठीक है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के या किसी कस्टमर के सर ये किसके कस्टमर और एजेंट्स हैं ये है आपके फर्म एम्प्लॉयर फर्म और पर्सन जिसने आपको एम्प्लॉयमेंट दे रखी है तो अगर आपने उससे शेयर लिया इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन तो आप गिल्टी हो जाओगे तो बस इस फोटो पे फोकस करना सर क्या केस आप एक एंप्लॉय हो ठीक है सर आपने रिकमेंड किया किसको इनमें से किसी को किसको रिकमेंड किया अपने एम्प्लॉयर को जो कि आपकी कंपनी हो सकती है फॉर्म हो सकती है पर्सन हो सकती है तो जब इन्होंने इसको पेमेंट दी इन्होंने आपको कमीशन और ग्रेटिफिकेशन दी तो आप कमीशन और ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो लास्ट बार एक बार एक मेरे को रिवाइज कराओ जल्दी से क्या था और टू एक्सेप्ट सर क्या एनी शेयर ऑफ एफ पी जी पीस प्रॉफिट और गेंस एक जैसी वर्ड फीस प्रॉफिट और गेंस किसकी फीस किसका प्रॉफिट किसका गेंस सब लोगों के नाम बता दो फटाफट कोई लॉयर है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है कोई कोई कौन है सर कोई है एजेंट एजेंट जैसा कोई ब्रोकर है और कोई कस्टमर है और ये किसके कस्टमर है फर्म और पर्सन जिसने आपको इंप्लायमेंट दे रखी है आप किस फॉर्म में एक्सेप्ट करो बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन तो आप गिल्टी हो जाओगे ठीक है सर एक बात बताओ यहां पे मैं गिल्टी रहूंगा चाहे मैं होल टाइम प्रैक्टिस में हो या पार्ट टाइम प्रैक्टिस में इसी क्लॉज में आप गिल्टी रहोगे आप चाहे होल टाइम प्रैक्टिस में हो या पार्ट टाइम प्रैक्टिस में अब आता है सर पार्ट नंबर थ्री वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स ये किसकी बात करता है सर ये बात करता है एफ 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 ये किसकी बात करता है एफ 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 का क्या मतलब है फेलो फेलियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन फिर से बताओ फेलो फेलियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉल्स इंफॉर्मेशन सर फेलो का क्या मतलब है आप कोई फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो और बोलते हो मैं तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं तो अगर आईसीआई आपको कोई एमसीक्यू दे दे और उसमें आपको एक विजिटिंग कार्ड दे दे ठीक है सर उस विजिटिंग कार्ड में लिखा है एक सीए का नाम जैसे कि सी एस और ये जो सी एस के फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है बट फिर भी इसने यहां पे लिख रखा है एफ सी ए तो कौन से क्लॉज में गिल्टी बताओगे कई बच्चे विजिटिंग कार्ड को देख के ना क्लॉज सेवन पे पहुंच जाते हैं तुम ये बदमाशी मत करना क्लॉज सेवन पे नहीं जाना तुमने बोलना है यहां चीज एफ सी ए वाली है तो क्योंकि एफ सी ए वाली है तो क्लॉज नंबर वन लिखने का लहजा आता है ना हा क्लॉज वन पार्ट नंबर थ्री ऑफ योर फर्स्ट स्केड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ये तुमने यहां पे करके आना है ठीक है ठीक है सर अगला कहता है फेलियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन सर हमने किसको इंफॉर्मेशन नहीं दी ये तो मेरा अगेन फेवरेट डज नॉट सप्लाई द इंफॉर्मेशन और डज नॉट कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ आईसीए तो आईसीआई उसकी काउंसिल उसकी कमेटियां इन सबकी लव स्टोरियां तो ये कहता है आईसीआई उसका काउंसिल उसकी कमेटियां उसके अंदर कौन आता है सर इसके बाद अगर कोई कंप्लेंट आती है तो वो कहा जाती है डीडी बॉडी डीसी सारे बच्चे बोलो मेरे साथ डीडी बॉडी डीसी डीडी बॉडी डीसी मतलब डायरेक्टरी डिसिप्लिन बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन डिसिप्लिनरी कमेटी अगर इनका डिसीजन पसंद नहीं आया तो अपीलेट अथॉरिटी तो ये सारे पॉइंट लोगों को आपने इन्फॉर्मेशन टाइम पे नहीं दी तो क्लॉज टू पार्ट थ्री ऑफ फर्स्ट शेड्यूल में गिल्टी अब सारे बच्चे इस पर दो क्वेश्चन देख लो मिस्टर जी जी माने जीनियस देखते हैं जीनियस है, है कि नहीं देखते जी फॉर जीनियस है या ये जी फॉर गिल्टी है अभी पता चल जाएगा दूध का दूध वॉटर का वॉटर वाई एल अप्लाइंग फॉर अ सीओपी इसने इंफॉर्मेशन फिल नहीं करी अबाउट द अदर ऑक्यूपेशन ऑफ बिजनेस जबकि ये बिजनेस में था अब सारे बच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ आईसीए को दिक्कत किससे है कि ये बिजनेस कर रहा है या इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी सर आईसीआई को दिक्कत है इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दी तो इंफॉर्मेशन वाला क्लॉज आएगा यानी क्लॉज टू पार्ट थ्री ऑफ योर फर्स्ट शेड्यूल ठीक है ठीक है सर अब इसके बाद सर क्या आता है क्वेश्चन टू एक सी ए का पेड असिस्टेंट था ठीक है सर और पेड असिस्टेंट ने सर्विसेज लीव कर दी दिसंबर को आईसीए ने मांगा बट इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो अगेन क्लॉज टू पार्ट थ्री ऑफ फर्स्ट शेड्यूल यहां पे गिल्टी हो जाएगा ठीक है ठीक है सर अब इसके बाद आता है क्लॉज नंबर थ्री इसको आप इग्नोर कर देना एग्जाम्पल को क्लॉज थ्री पे आ जाओ सर क्लॉज थ्री कहते हैं आपने झूठ बोला किसको झूठ बोला यू सेड फॉल्स इंफॉर्मेशन वाइल इन्वाइटिंग द वर्क ये जो हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं ना और 7 की हाँ, उसमें आपने झूठ बोला कहते हैं प्रोफेशनल वर्क फ्रॉम अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट वाइल रिस्पॉन्डिंग टू द टेंडर अंडर क्लॉस सिक्स या वाइल एडवर्टाइजिंग थ्रू अ राइटअप आपने कोई इंफॉर्मेशन दी जो कि फॉल्स थी अंडर क्लॉज सिक्स सेवन तो आप इसमें गिल्टी हो जाओगे अब आता है सर हमारा फेवरेट पार्ट पार्ट नंबर फोर ये किसकी बात करता है अदर मिसकंडक्ट की तो अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इमेंट हो जाती है अप अप टू टू मंथ्स मंथ्स ठीक है है की हो जाती फॉर सिविल और क्रिमिनल कोर्ट तो सर क्या होगा तो वो क्लॉज वन में गिल्टी हो जाएगा क्लॉज वन पार्ट फोर शेड्यूल में अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर ये ग्रेटर देन सिक्स मंथ्स है तो सीधा पार्ट नंबर थ्री ऑफ सेकंड शेड्यूल वो वाला भी यहीं पे कवर हो गया ठीक है अब क्लॉज टू इज द इंपॉर्टेंट क्लॉज प्लीज फोकस करना दो मिनट लगेंगे बट अच्छे से करेंगे ठीक है सर क्लॉज टू क्या कहता है काउंसिल का ऐसा मानना है किसी और के मानने से फर्क नहीं पड़ता यहां जो बॉडी है जिसके मानने से सबकी बैंड बचती है वो है है आईसीए आईसीए का 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 काउंसिल काउंसिल ऐसा मानना है, कि जो आपने हरकत करी ठीक है जो आपने एक्शन लिया भले ही आपका पर्सनल हो प्रोफेशनल वर्क हो हमें फर्क नहीं पड़ता इस हरकत की वजह से डिसरिप्यूट आएगी डिसरिप्यूट किसको आएगी या तो हमारे प्रोफेशन को या इंस्टीट्यूट को तो इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल

डिसिप्लरी एक्शन आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा फटाफट कराओ बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है इसके आने आने। जिस तरह की आजकल हरकतें चल रही है ना तो उसमें इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल क्या हो रहा है सर यू आर बिंगिंग डिस्ट्रिप्यूट टू द प्रोफेशन और द इंस्टीट्यूट एज अ रिजल्ट ऑफ यूर एक्शन इन प्रोफेशन और अदर लाइफ ठीक है सर अज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन हाइएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी इन स्टैंडर्ड से थोड़ी सी डेविएशन करी तो फिर एक्शन हो जाएगा, ठीक है सर? जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करोगे तो आपने सेक्शन आप तो कुछ एग्जाम्पल दे रखे फटाफट -फड़ क्या, 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 क्या क्लाइंट ने पैसा दे दिया फिर भी आपने उसके बुक्स ऑफ वापस नहीं करे अदर मिसकंडक्ट उसके बाद आर्टिकल और ऑडिट असिस्टेंट से

स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस के पैसे के साथ क्या किया ना फॉरेन ट्रिप लगा के आया मजा आ गया उसको तो एक बात बताओ मजा जो आ गया उसके बाद सजा मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए सर मिलनी चाहिए तो अगेन इट इज अदर मिसकंडक्ट ठीक है सर अब कोई पब्लिक अथॉरिटी से आपके पास कॉल आया जैसे पुलिस स्टेशन से कॉल आया अब पुलिस स्टेशन कहती है जल्दी आ जाओ मैंने कहा क्यों कहते आपने कुछ काम खराब किया तो आपको आना पड़ेगा तो अगर उन्होंने बुलाया ना तो भाई जाना पड़ेगा काम वाम छोड़ के तुमको पुलिस अथॉरिटीजीजीजीजीजी का जाना पड़ेगा अगर तुमने उनको रिप्लाई नहीं किया टाइम पे तो अगेन इट इज अदर मिस कंडक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन भी है क्वेश्चन बैंक में ठीक है सर एंड लास्ट कहता है कि आपने अगर लोन लेने के लिए आपने किसी बैंक से लोन लेने के लिए ना उन पे ना दबाव बनाया कि यार मैं बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ठीक है अगर तुमने मुझे लोन नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बैंड बजा दूंगा अगेन क्या ये बात सुनने में अच्छी लग रही है नहीं सर दिस इज अगेन अर मिसकंडक्ट ठीक है ठीक है सर अब सर इसके बाद हमने एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस किया था बिकॉज इस पे ने क्वेश्चन पूछा था जनवरी ट्वेंटी क्या कहता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक दिया वो चेक वापस आ गया जिस स्पीड से चेक गया उसी स्पीड से चेक वापस आ गया बट चेक पे लिखा था रेफर टू द ड्रॉर रेफर टू द ड्रॉर मतलब जिसने चेक साइन किया है उसको रेफर करके चलो तो सर अब जो चेक है ये वापस आया है तो अब ये दो रीजन की वजह से वापस आ सकता है सर क्या या तो साइन गलत था तो साइन वापस ठीक करके दे देंगे या आपके पास पैसे ही नहीं थे तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ फंड दिस इज गिल्टी अंडर नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एटीन एटी वन क्योंकि वहां पर गिल्टी है तो इसको भी अदर मिसकंडक्ट माना जाता है तो आप जब क्वेश्चन देखोगे तो उसमें देखना चेक बाउंस क्यों हुआ क्या अदर रीजन की वजह से हुआ या ड्यू टू इनफिस ऑफ फंड इफ इट इज ड्यू टू ऑफ फंड ओनली द सी विल बी गिल्टी यहां हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट गेट्स कंप्लीटेड ऑसम अब सर सारे के सारे बच्चे फटाफट पांच मिनट का ब्रेक लेंगे ठीक है थोड़ा टहल के आओ थोड़ा दिमाग को आराम दो ब्रीद इन ब्रीद आउट करो पांच मिनट के बाद अपन मिलते हैं एंड वी विल कंटिन्यू विद द सेकेंड स्केड्यूल ब्रेक स्टार्ट नाउ चल एक बात बता दो चलो मुझे स्पीड कम करूं स्पीड बढ़ा दू या स्पीड ठीक चल रही है मेरे हिसाब से स्पीड ठीक चल रही है जल्दी से बताइए इज द स्पीड ओके और आई शुड इंक्रीज द स्पीड शानदार जबरदस्त जिंदाबाद परफेक्ट ठीक है सर तो पांच मिनट का आपके पास ब्रेक है लेट्स कैच अप अगेन एट इलेवन फिफ्टी आ गए सर आ गए आ गए आ गए सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे आ गए मेरे साथ नाउ लेट्स बिगेन विद द सेकेंड स्केड्यूल सारे बच्चे सेकेंड स्केड्यूल को प्रणाम करेंगे सर सेकेंड स्केड्यूल को प्रणाम क्यों करेंगे सबसे अच्छा स्केड्यूल कौन सा मैंने कहा ये सबसे अच्छा और प्यारा स्केड्यूल ये है सर सबसे कम क्लॉजेज है और जो क्लॉजेज है बड़े छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से प्यारे प्यारे से जैसे आप वेरी गुड

टू एनी पर्सन किसी भी बंदे को डिस्कलोज कर दी तो बाबू गिल्टी है ठीक है सर किसको कर सकता है अदर देन क्लाइंट क्लाइंट सो है को तो कर ही सकता है क्लाइंट की इंफॉर्मेशन क्लाइंट को बता दी तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है सर तो ये ध्यान रखनी है है ठीक सर विदाउट द कंसेंट ऑफ इज क्लाइंट यानी क्लाइंट के कंसेंट के बिना अगर किसी को बताया तो गिल्टी हो अगर क्लाइंट का कंसेंट से बताया तो कोई दिक्कत नहीं है और अदरवाइज देन रिक्वायर्ड बाय बाई लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स तो इसमें हमने बस इतनी सी बात सीखी थी सर क्या क्लाइंट के कंसेंट से अगर आप किसी को बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है लॉ की परमिशन से बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर इन दोनों के अलावा आपने किसी को कुछ बताया तो यू विल बी गिल्टी तो वापस एक बार रिवाइज करो क्लॉज किसकी बात करता है सर एक नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी सो इफ यू आर द इनफॉर्मेशन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो आपको आपके क्लाइंट से मिली है प्रोफेशनल एंगेजमेंट में अदर देन योर क्लाइंट एक्सेप्ट बाय द परमिशन ऑफ क्लाइंट और द रिक्वायरमेंट फॉर द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन तो आप गिल्टी हो जाओगे अब सर इसकी तीन एक्सेप्शन है जो आईसीआई ने दे रखी है क्या क्या अगर आपने कोई एक्सचेंज कंट्रोल अथॉरिटीज़ को इंफॉर्मेशन देनी है, कुछ है इसी तरह अगर आपको एविडेंस एक्ट में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है मतलब आप में हो, और सामने से लॉयर बोल रहे तारीख पे तारीख और तुमको बोल रहे है, गीता की कसम खा के सच बोलो तो गीता की कसम खा के तुम ये नहीं बोल सकते बैंड बजाऊंगा नहीं आपने सीधा सीधा जो इंफॉर्मेशन मांगी गई बतानी पड़ेगी एंड लास्ट पॉइंट इज वन रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड अगर आपको कोई फ्रॉड मिलता है एक करोड़ या उससे ज्यादा का आपको पता है एडीटी फोर में आपको किसको बताना पड़ता है सर किसको बताना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को तो ये कौन सा वाला फ्रॉड था जिस थाली में खाया उसी में छेद जिस थाली में खाया उसी में छेद यानी अगर कंपनी का कोई इंप्लॉय और ऑफिसर कंपनी के अगेंस्ट ही फ्रॉड करता है जिस कंपनी का इंप्लॉय और ऑफिसर है वो इंप्लॉयर ऑफिसर वो कंपनी के अगेंस्ट ही फ्रॉड करता है एंड द फ्रॉड की अमाउंट इज वन करोड़ और अब तो ए डी में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना पड़ता है आपके कोर्स में कंपनीज एक्ट के ज्यादा सेक्शन नहीं है बट दिस सेक्शन वन फोर्टी इज अ पार्ट ऑफ दैट ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अब सर इसमें मिस्टर पारेख के बारे में बताओ क्या हुआ मिस्टर पारेख ना बड़ा ही बदमाश आदमी है इसने क्या किया इसको चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बुलाया कि हम अपना एक इवेंट रख रहे हैं जिसमें हम इंडियन लेदर इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि बताओ इंडियन लेदर इंडस्ट्री में कितने इश्यूज हो रहे रहे हैं कितना आयरोनिकल है ना कह इंडियन लेदर इंडस्ट्री को इशू हो रहे हैं जो एनिमल को इशू हो रहे हैं उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा बेचारा वो जो हिप्पो जिसको तुम उठा के लेके आए ठीक है जिसकी तुमने लेदर निकाली उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा ये कह रहे इंडस्ट्री को इशू हो रहे मैंने कहा वेरी गुड अब जब इंडस्ट्री में इशू हो रहे हैं इसने तो इसने क्या किया ना इसने कहा इसने अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी मैंने कहा क्यों शेयर करी कहता है मैं नेशन की हेल्प करना चाहता नेशन की करने तो मैं तो ध्यान रखना सारे बच्चे, है? है, सारे सारे बच्चे आ जाओ नोट पे आपके पास क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन होगा सर उसमें क्या होगा ना उसमें ना बैंक ना वर्किंग पेपर मांग है क्लाइंट के बैंक से क्या क्लाइंट लोन लेने गया अब बैंक ने कहा कि मुझे ना सीए के वर्किंग पेपर चाहिए तो तो एक बात बताओ आपके वर्किंग पेपर तो आपकी प्रॉपर्टी होते हैं ये ये किसने सिखाया सिखाया था सर ये हमको सिखाया सबसे पहले एस एर्टी ने दैट वर्किंग आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर ठीक है सर प्लस क्योंकि वहां पे लिखा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट नाइन फोर्टी नाइन तो आपको ये का भी देना होगा हाँ प्लस एस ए टू हंड्रेड ने बोला था देर इज अ ड्यूटी टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी तो आप जब अपना आंसर लिखोगे इट शुड बी कंप्लीट दिस क्लॉज प्लस एस एंड्रेड प्लस एसे टू थर्टी तीनों पॉइंट को आपने अपने आंसर में कवर करके चलना है अब सर क्लॉज टू क्या कहता है ये क्लॉज नहीं है सारे बच्चे बोलो दिस इज क्लॉज नंबर दो ऑन दिस इज नॉट क्लॉज टू दिस इज क्लॉज नंबर दो क्लॉज नंबर दो क्या कहता है कोई भी रिपोर्ट ऑन ईएफएस देने से पहले कोई भी आर ओ ई एफ एस देने से पहले सर आर ओ ई एफ एस का क्या मतलब है रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम ऑन रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधा सीधा बोलो ना ऑडिट रिपोर्ट रिव्यू रिपोर्ट ये जलेबी की तरह घुमाते क्यों तुम्हारे मन में से यही जवाब सवाल बात आ रही थी ना हा मेरे को पता है मैं भी तो कभी स्टूडेंट था तो तुमको हमेशा यह ध्यान रखना है कोई भी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने से पहले उसको एग्जामिन तो कर दो तो अगर कोई सी सर्टिफाई करता है या सबमिट करता है इन हिज नेम और इन द फर्म नेम एनी रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्सन विल बी गिल्टी अनलेस उसकी जो एग्जामिनेशन है उसकी जो चेकिंग है उसने खुद ने की उसके किसी पार्टनर ने करी उसके किसी इंप्लॉय ने करी या किसी और सीए इन प्रैक्टिस ने करी तो ध्यान रखना इट हैज बीन बाय बाय हिम अ पार्टनर बाय अ बाय्प्लॉय और बाय एनी अदर सीए इन प्रैक्टिस गॉट इट गॉट इट सर क्लॉज टू हो गया सर wow, ये तो बड़ा जल्दी हो गया क्लॉज थ्री क्या कहता है जब भी आप दोगे रिपोर्ट ऑन ई क्लॉज नंबर थ्री ई ओ फील लो क्लॉज नंबर थ्री ई सर ईओ का क्या मतलब है ही इज परमिटिंग हिज नेम और द नेम ऑफ अस फॉर्म टू बी यूज इन कनेक्शन विद विदिमेट ऑफ अर्निंग्स एस्टिमेट मतलब अर्निंग हुई नहीं है आगे जाके होगी होगी मतलब इट इज कंटिंजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांजेक्शन

सारे बच्चे जल्दी से बोलो बस हमको पता है बस का मतलब क्या था आपने बेसिस ऑफ फोरकास्ट दे दिया कि आपने कौन सी मेथडोलॉजी लगा के इस फोरकास्ट को बनाया आपने जो अजम्पन यूज की थी वो आपने बता दी प्लस आपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दिया कि कहां से हमने डेटा उठाया तो डेटा उस पर जो अजम्पन लगाई उसका जो मेथोडोलॉजी थी एवरीथिंग यू हैव एक्सप्लेन वेरी वेल बेसेस, अजम्पन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू से दैट यू डोंट वाउच फॉर एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट आप साफ साफ़ लिखते हो कि आप इसकी एक्यूरेसी को वाउच नहीं करते गॉटेट गौरांग धीरज जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं सबके लिए ढेर सारी तालियां और awesome. तो अब आते क्लॉस फोर अरे क्लॉस 4 कैसे याद है एक बार चैट बॉक्स में बताओ ना हाँ एसे ई e आमोगी जी क्या बात है सेम चीज हम ऐसे ही थर्टी फोर हंड्रेड में भी कवर करके चलते हैं ऑसम। awesome! श्वेता यार फालतू बातें मत करो यार ठीक है <laughs> ये बातें यहां नहीं होती दूसरे चैनल्स पे होती वहां जाके करो ठीक है हम यहां अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी, प्यारी बातें कर रहे हैं इनको फिर मजे लेने जिंदगी के ठीक है सब ने एकदम सही बताया टू स्क्वायर हम सर यहां पे बात करते हैं टू स्क्वायर टू स्क्वायर कहां से आया मैंने कहा पहला टू तो आया सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के ट्वेंटी परसेंट से दूसरा टू आया सर कूलिंग पीरियड के ठीक है तो तुमको ये दो तो बातें ध्यान रखनी है सर क्लॉस फोर क्या कहता है ध्यान से समझना क्लॉस फोर कहता है यू आर गिविंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यू आर गिविंग द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी जहां आपका या आपके पार्टनर का या आपकी फर्म का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है यू आर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन अजनेस और एंटरप्राइज इन विच ही पार्टनर हैजस्टेंशियल इंटरेस्ट तो फिर आप गिली हो जाओगे ठीक है सर अब इसमें एक बात समझना इन्होंने यहां पर सारे सेल्फ रिव्यू थ्रेड को कवर कर लिया हिंट दे रहा हूं समझ लो मेरी बात सारे सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स को कवर कर लिया मतलब मैं अगर किसी कंपनी का इंप्लॉई हूं तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर सकता इसी तरह अगर मैं किसी कॉलेज में लेक्चरार हूं तो मैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट नहीं कर सकता मैं किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिटर हूं तो मैं स्टेचुट्री ऑडिटर टैक्स ऑडिटर नहीं बन सकता तो ये बेसिक बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी है मैं किसी कंपनी का ऑडिटर हूं तो मैं उसके अकाउंट्स नहीं बना सकता तो जितने भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड वाले पॉइंट है वो इसी में आते हैं तो ये कहता है सब्सटेंशियल इंटरसिप पैसे से नहीं आता काम से भी आता है बोलो मेरे साथ शियल इंटरेस्ट परसेंटेज से नहीं आता काम से भी आता और लास्ट में ध्यान रखना मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर था मैंने वो डायरेक्टरशिप छोड़ी तो आज मैंने डायरेक्टरशिप छोड़ी कल मैं वापस आ गया एज ऑडिटर क्या मेरी कंपनी को लेके फीलिंग्स खत्म हो गई मैंने कहा नहीं तो सर फीलिंग्स कब खत्म होती हैं जब आपका कंपनी से ब्रेकअप हो जाए जब एक डायरेक्टर का कंपनी से ब्रेकअप हो जाए तो आईसीआई का मानना है कि दो साल तक फीलिंग्स रहती है दो साल के बाद फीलिंग्स उड़ जाती है तो आपने बस ये ध्यान रखना है डोंट एक्सेप्ट द द ऑडिट ऑफ कंपनी फॉर टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ योर टेन्योर एज अ डायरेक्टर तो ये आपका क्लॉज फोर है वापस एक बार रिवाइज करा सर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल ऑफ एन एंटिटी जिसमें आपका आपकी फर्म का या आपके किसी पार्टनर का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है क्लियर है क्लियर है सर अगेन कूलिंग पीरियड पे क्वेश्चन आई से आई ने पूछ रखा है अब सारे के सारे बच्चे इधर फोकस करो देखो क्या कहता है सर अगर हमारे को आईसी क्वेश्चन में ऐसा देता है कि आपका जो असाइनमेंट है वो कॉस्ट इवेलुएट करने वाला है यानी आपको इसमें कोई ओपिनियन देने की जरूरत ही नहीं है आपको इसमें कोई सर्टिफिकेशन देने की जरूरत ही नहीं है तो क्या फिर भी हम क्लॉज फोर में गिल्टी होंगे मैंने कहा नहीं अगर आप कोई ओपिनियन और सर्टिफिकेशन नहीं दे रहे आप कोई मैनेजमेंट टाइप सर्विस कर रहे हो जिसमें आप उनको बस कैलकुलेट वगैरह करके बता रहे हो तो फिर वो इस क्लॉज के अंदर कवर्ड नहीं होगा अगेन देर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस इन द क्वेश्चन बैंक ठीक है सर अब सर आ जाओ क्लॉज नंबर फाइव और क्लॉज नंबर सिक्स दोनों सिमिलर क्लॉजे पर दोनों में फर्क है ठीक है मैंने कहा सिमिलर है सेम नहीं है सर दोनों में क्या हो रहा है ना ऑडिटर को पता है ऑडिटर को पता है कि कुछ गड़बड़ है ठीक है सर बट फाइव में क्या है ना वो डिस्क्लोज नहीं करता और सिक्स में क्या है वो मटीरियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट नहीं करता कम ऑन फिफ्थ में डिस्कलोजर मिसिंग है और सिक्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल स्टेटमेंट है तो फिफ्थ क्या कहता है दोनों में बोलता है फेल्स है सर फिफ में कहता है फेल्स टू डिस्कलोज अटीरियल फैक्ट ऐसी मटीरियल बात है जो उसको पता थी कि यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कलोज नहीं है बट डिस्कलोजर इज नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट मिसलीडिंग एंड ही इज कंसर्न विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी तो आपने एक पॉइंट ध्यान रखना है जब जब क्वेश्चन में डिस्क्लोजर मिसिंग होगा मटेरियल डिस्क्लोजर मिसिंग होगा तो कौन सा क्लॉज आएगा क्लॉज नंबर फाइव आएगा सो फेल्स टू अ मटेरियल फैक्ट ऐसा वैसा फैक्ट नहीं है मटेरियल फैक्ट Which was known to him, बदमाश को पता था नॉट अपियरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होना जरूरी है तो मेरे दोस्त, आप गिल्टी हो जाओगे अंडर क्लास फाइव इसका क्वेश्चन सारे बच्चे जल्दी से बताओ मुझे क्या था सर इसका एक प्यारा क्वेश्चन जो आईसीआई ने पूछा था नवंबर ट्वेंटी एग्जाम्स में वो एक ही क्वेश्चन है सर क्या कि कहीं ना कहीं एक चार्ज था मैंने कहा चार्ज था और चार्ज के लेके लेकेजेंट लाइबिलिटी और जो कंटिजेंट लाइबिलिटी हाँ। थे हमने यहां कवर कर रखे थे एक बैलेंस शीट साइज था 26.12 करोड़ उसके ऊपर चार्ज था 4.35 करोड़ और ये जो चार्ज है इसका डिस्क्लोजर मिसिंग था क्योंकि इसका डिस्क्लोजर मिसिंग है यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज नंबर अब इसमें इंस्टीट्यूट ने पहले अपने स्टडी मटेरियल में क्या रखा था सिक्स और सेवन भी लिख रखे थे बट ये बात अब ICI ने डिलीट कर दिए तो आप सारे बच्चे फोकस करके चलना जैसा क्वेश्चन क्वेश्चन आपके कोशन बैंक में दे दे रखा रखा और जो आंसर है है वो एकदम परफेक्ट तो अगेन वॉट यू विल से इफ देर इज अ चार्ज और उसका डिस्कलोजर नहीं और दिख रहा है कि मटीरियल है तो अगेन क्लास फाइव विल बी अट्रैक्टेड गॉट द पॉइंट यस सर सुजाना ने भी बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल दिया अगर मटीरियल अनसर्टेनिटी का डिस्कलोजर नहीं है तो वो भी क्लॉस फाइव में कवर हो सकता है ठीक है सर ऐसे यहां पर एक और है नॉन क्रिएशन ऑफ सिंकिंग फंड अगेन इट इज मिसिंग, तो यहां पर भी क्लॉस फाइव आ जाएगा अब सर एक बात बताओ एक ईपीएफ ने एक ईपीएफ था कंपनी में अब ईपीएफ किसके लिए होता है इंप्लॉइज के लिए कंपनी ने ईपीएफ से पैसा निकाला तो एक बात बताओ अगर कंपनी ने ईपीएफ से पैसा लिया है क्या इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए हाँ सर इसका डिस्क्लोजर होना चाहिए तो ये कहता है कि अगर इस चीज का कोई डिस्क्लोजर नहीं है एंड दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बुक्स हो जाए यहां पहले बात कर रहे थे वेरी गुड धीरज प्राउड ऑफ यू तो ये भी क्वेश्चन जो है मिस्टर जो ये भी आपके क्वेश्चन बैंक में है। तो वहां पे भी उन्होंने वाला कवर किया है। यहां पर आप बस एक बात और लिख सकते हो सर क्या क्लॉज नंबर सिक्स भी आ जाएगा सर सिक्स क्यों आएगा सिक्स क्यों आएगा एक बात बताओ सिर्फ डिस्कलोजर की कमी है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं मटीरियल मिसस्टेटमेंट भी है क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है तो सिक्स भी आएगा फाइव भी आएगा तो ये वाली चीज आपको ध्यान रख रखे चलना है क्लियर है क्लियर है सर अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ क्लॉज नंबर सेवन पे सर सेवन कैसे तो याद रखते थे फटाफट चैट बॉक्स में बता दीजिए बढ़ावट पड़ बताओ आयुषी तुम जेपनीज पार्क घूम के आओ ओवरफ्लो रहा है तुमको ना तुम थोड़ा जेपनीज पार्क घूम के हो तुमको मजा आ जाएगा हर सीएस स्टूडेंट में एक जैसा स्टेमिना थोड़ी होता है स्टेमिना अप एक्सरसाइज हम क्या करेंगे सर हम कहीं ना कहीं एक्सरसाइज करते हैं क्या एक्सरसाइज करते है? सर सर दिन exercise करना तो 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 अगर एक और इस क्या क्या होगा वो तो वो जो CA है वो गिल्टी हो जाएगा अब इस वाले clause के साथ क्या आप ये मक्खन वाली लाइन लिखते हो जल्दी से बताओ क्या आप ये मक्खन वाली लाइन लिखते हो हाँ तो मैंने कहा ड्यू डिलीजेंस का क्या मतलब है हमको ये देखना जरूरी है इट इज दिस क्लॉज गेट इट इज नेसेसरी टू जज सर क्या

क्या आपने केसवानी के किस्से लिख रखे हैं फटाफट बताइए आर यू पीपल अवेयर अबाउट केसवानी के किस्से हां सर तो सारे बच्चे जल्दी से बताओ केसवानी के किस्से क्या थे मैंने कहा बड़े सिंपल थे बड़े ही सिंपल किस्से थे इधर फोकस करो बाबू इधर 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 हां केसवानी के किस्से जब जब ये हरकतें होंगी क्लॉस सेवन पार्ट वन सेकेंड स्केड्यूल होगा इन चीजों को यूज करके आप इजीली क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर पाओगे देखो क्या कहता है सबसे पहले ऑडिटर की बेवकूफी सर ऑडिटर की बेवकूफी के बताओ अगर एक ऑडिटर ने आर्टिकल्स पे रिलाई कर लिया और उसके काम को रिव्यू नहीं किया तो क्लॉज सेवन ऑडिटर ने अपना काम टाइम पे नहीं किया तो क्लॉज ऑडिटर ने बेसिक ऑडिट प्रोसीजर नहीं करे कैश और बैंक चेक नहीं किया तो भी क्लॉज सेवन उसने अपना पासवर्ड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का पासवर्ड शेयर कर दिया आरबीआई बोल बोल के थक गई सावधान रहे सतर्क रहे ये पासवर्ड शेयर करा लायक तो भी गिल्टी इसने एक बैलेंस शीट पे दो रिपोर्ट दे दी तो भी गिल्टी या इसने रॉन्ग रिपोर्ट दे दी और फिर कहता है मैंने करेक्शन रिपोर्ट भेजी थी और प्रूव नहीं कर पाया तो भी गिल्टी ये सारे आपने ध्यान रखने हैं ठीक है सर फिर ये कहता है सर्टिफिकेशन के साथ गलती है सर्टिफिकेशन मतलब कोई भी सर्टिफिकेट गलत होगा तो क्लॉज सेवन चुपचाप लिख के आ जाना बट सर इसमें ना दो स्पेशल सर्टिफिकेट है जो ऐसे पूछता है क्या एक तो सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन जो कहीं ना कहीं न्यूजपेपर और मैगजीन्स के लिए होता है तो वहां क्लॉज एट आएगा ध्यान रखना जब भी सर्टिफिकेट ऑफ सर्कुलेशन है उसके साथ क्लॉज एट भी आएगा ठीक है सर और अगर ये सर्टिफिकेट ऑफ रॉ मटेरियल मटीरियल है तो सर रॉ मटेरियल क्या इन्वेंट्री है हाँ, सर inventory है इनवेंट्री पे कौन सा एएस और इंडेस लगता है और तो चुपचाप क्लॉज सेवन के साथ टू भी लिख देना ये कुछ ऐसी ऐसी बातें जहां पर कंफ्यूजन होती है क्यों क्या कैसे मैंने कहा भाड़ में गई कंफ्यूजन चुपचाप जो बोल रहा हूं वैसे वैसे कर लो ये एक दो कुछ अंशन चीजें हैं जो आपको लास्ट डे पे याद करके चलनी है ठीक है सर अब इसके बाद कुछ है ही नहीं अब इसके बाद कुछ है नहीं। पूरा पूरा का पूरा आपका चीजों से कवर हो गया। गया? तो तो ये आपने एक बेसिक सी बात ध्यान थी। मेरा मामला किधर किधर हम थे? थे। इधर थे। तो यही सारे जो मैंने आपको बताए वो हमने यहां पे कवर कर रखे थे क्लियर है क्लियर है सर अब आता है क्लॉज नंबर एट क्लॉज एट क्या कहता था क्लॉज एट कहता था कि आपने सफिशियंट एंड्रोप्रियट एविडेंस तो लिया नहीं हाँ सर तो जब एविडेंस नहीं है तो कंक्लूजन कैसा और कंक्लूजन नहीं है तो ओपिनियन कैसा तो अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ओपिनियन दे देता है विदाउट सफिशियंट इंफॉर्मेशन और इट एक्सेप्शन मटीरियल टू नेगेट द एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन किसकी बात कर रहे हैं डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन की कहीं ना कहीं कहता है आपको अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करना था पर आपने किया नहीं तो यू विल बी गिल्टी अंडर क्लॉज ए सो एन प्रैक्टिस बी बी टू गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही

तो सर इस केस में क्या करना है मैंने कहा ध्यान से समझना जब भी ऐसा कोई केस हो जिसमें दस लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट बाद में पता चले पच्चीस हजार है तो इसमें आपने तीन क्लॉजेस का साथ में तड़का लगाना है सर क्या टू सेवन और एट कहीं ना कहीं सीए की बेवकूफी दिख रही है हाँ तो सेवन आएगा कहीं ना कहीं दिख रहा है उसने एविडेंस नहीं लिया होगा तो एट आएगा और कहीं ना कहीं दिख रहा है उसने रिपोर्ट कर दिया बिना एग्जामिनेशन करे तो टू और एट दोनों आएंगे तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तमीज से नहीं होता तो टू और एट साथ आ जाते हैं जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट तबी से नहीं होता तो है क्लास बट अभी एक दो क्वेश्चन पेपर में अब आते हैं सर क्लॉज नंबर नाइन अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इसमें जो काम की बात होगी उस पर फोकस करके चलेंगे जल्दी से बताओ तो नाइन याद कैसे रहता है पुराना वाला नाइन किसकी बात करता था पहले तो वो बता दो जो क्लॉज नाइन वन वन था ये किसकी बात करता था फटाफट सारे बच्चे जल्दी से बताओ आज मैं आईसीआई को नाम भेजने वाला हूं कौन कौन से बच्चे जिनको ऑडिट में अच्छे नंबर देने वाले हैं तुमको पता है ना आईसीआई और हमारी दोस्ती हो जाती है कभी कभी हाँ सर तो पिछली बार क्या हुआ था मे ट्वेंटी थ्री में आई थिंक ऑडिट का पेपर उन्होंने टफ दे दिया था दो तीन चीजें ऐसी पूछ ली जो नोट्स में कवर्ड नहीं थी तो हमने कहा नौ नंबर ग्रेस दे दो तो आईसीआई ने नौ नंबर ग्रेस दे दिए इस बार एफ का पेपर टफ आया तो आकाश सर ने एक आईसीआई को कॉल लगाया कि आप इस बार बच्चों को आठ नौ नंबर ग्रेस दे दो तो आईसीआई ने फिर से ग्रेस दे दिए तो जल्दी से बताओ कौन कौन से बच्चे हैं चिराग शिखा पलक श्रीनिधि विजय अमोगी सारे बच्चे पक्की पक्की बात है इस बार मजे करा देंगे एग्जाम में ठीक है तो सारे बच्चे जल्दी से ध्यान रखना कौन सा सेक्शन की बात होती थी सर सेक्शन नंबर वन और वन ये सब कवर होते हैं हाँ सर ये सब कवर होते हैं अब मुझे बताओ यहां पे किसकी बात होती है सर यहां पे भी नॉन कंप्लायंस की बात है वहां थी नॉन कंप्लायंस विद सेक्शन 139 थर्टी नाइन यहां है नॉन कंप्लायंस विद गापा सारे बच्चे जल्दी से बताओ किसके साथ नॉन कंप्लायंस है मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा सर ये गापा गापा क्या कर रहे हो मैंने कहा सिंपल सी बात है क्या एक ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होना चाहिए हां सर होना चाहिए तो अगर कोई बंदा अपना ऑडिट एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं करता क्या आपको पता है कि कि आपको ये बात अपने ऑडिट रिपोर्ट में बतानी बतानी है है आपने से नहीं किया हाँ, सर पड़ती तो अगर किसी ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में नहीं बताया that he has not complied with standards on auditing, तो फिर क्लॉज नाइन आएगा सो फेलियर टू इनवाइट द अटेंशन टू एनी मटीरियल डिपार्चर फ्रॉम गापा गापा मीन जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग बी गिल्टी अब सर गापा में क्या आता है मैंने कहा समझने के लिए यू कैन से स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बट हर चीज आती है जो भी आईसीआई की गाइडलाइंस है जो भी क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है जो भी है, जो भी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है है उसके गाइडेंस नोट्स प्रैक्टिस मैनुअल है है सब कुछ इसमें कवर होता है। अब एक बात बताओ ICI ने कहा है लिस्टेड कंपनी का ऑडिट करने के लिए पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए तो अगर आपने बिना पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट के लिस्टेड एंटिटी को ऑडिट कर दिया क्या आपने जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग से कंप्लाई किया मैंने कहा नहीं क्लॉज नाइन में गिल्टी आपको अपने लेटर हेड पे फर्म का नंबर और अपना मेंबरशिप नंबर लिखना होता है नहीं लिखा तो आपने गापा से कंप्लाई नहीं किया फिर गिल्टी आपको हर रिपोर्ट और सर्टिफिकेट के एंड में यूडिन लिखना पड़ता है यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं लिखा तो वापस गिल्टी तो अगेन ये तीनों बातें आपने बस ध्यान रखनी है सर क्या ऑडिट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी में पी रिव्यू सर्टिफिकेट होना चाहिए यूडिन होना चाहिए और आपका नंबर वगैरह होने चाहिए अगर इन तीनों में से कोई भी दिक्कत है तो क्लॉज नाइन में गिल्टी हो जाओगे आईसीआई ने यूडिन टेस्ट कर लिया और पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट भी टेस्ट कर ही लिया है तो ये दोनों पॉइंट्स को आपने अच्छे से ध्यान रख के चलना है ठीक है इन दो एग्जांपल्स को बस रीड करना मसालेदार नहीं है अब आता है क्लॉज नंबर टेन सारे बच्चे लो चैन की सांस एंड ब्रीद आउट अगेन अ स्माइल ऑन योर फेस सर क्यों पार्ट नंबर वन खत्म भी होने वाला है यही जिंदगी है जिंदगी हमेशा ऐसे नहीं चलती कि तुम सोचो सब कुछ लीनियरली चलेगा नहीं जो आपका फर्स्ट शेड्यूल था वो थोड़ा बड़ा था तो उसमें टाइम ज्यादा लगा सेकंड शेड्यूल का पार्ट नंबर वन छोटा है पार्ट टू छोटा है पार्ट थ्री छोटा है तो छोटा सा है तो कई बच्चे क्या होते हैं ना हार मान जाते हैं फर्स्ट शेड्यूल में उनको लगता है अभी तो फर्स्ट शेड्यूल हुआ है बाकी चीजें कैसे होंगी अरे भाई ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं यू नीड टू कंसिस्टेंटली जस्ट मूव ऑन यू गेटिंग द पॉइंट ऑन नॉट यस सर अब आ जाओ क्लास टेन पे इससे पहले मुझे यह बताओ पिछला वाला क्या कहता था पिछला वाला क्या कहता था पहले तो वो बताओ फिर मैं ये वाला बताऊंगा टेल मी दिस थिंग मैं थोड़ा आराम करता हूं अरे यार इतनी जल्दी कौन बताता है यार थोड़ा तो टाइम लो सर क्लॉज टेन कंटिंजेंट क्लॉज टेन कंटिंजेंट जेंट क्लास टेन क्या कहता था यह कहता था इफ यू चार्ज और ऑफर टू चार्ज इफ यू एक्सेप्ट और ऑफर टू एक्सेप्ट एनी फीस इज बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और कंटिजेंट ऑन गिल्टी एक्सेप्ट अंडर रेगुलेशन नंबर वन नाइनटी टू यह क्या कहता है सर यह भी फीस की बात करता है यह भी फीस की बात करता है बस ये छोटी सी बात करता है सर क्या क्या कहता है सर अच्छा इसका नहीं है ये देखो क्या कहता है ये कहता है फीस के अलावा जो भी पैसा मिलेगा फीस के अलावा जो भी पैसा मिलेगा उसको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना है तो यह कहता है फेल्स टू कीप द मनी ऑफ ऑफिस क्लाइंट अदर देन फीस और या जो पैसा आपने स्पेंड करना है उसको आपने क्या करना है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा या आपने उस पैसे को जो यूज करना था उसको रीजनेबल टाइम में यूज नहीं किया तो यू विल बी गिल्टी अब एक बात बताओ मुझे सारे बच्चे क्या कहते हैं अगर आप देखो ना क्लॉज टेन क्लॉज नाइन क्लॉज एट क्लॉज सेवन सेवन छोड़ दो सिक्स और फाइव पांच से लेकर दस तक सबके आंसर फेल से शुरू होते हैं तो कई बच्चे बोलते ना सर क्लॉज की फ्रेमिंग नहीं आ रही कैसे कैसे नहीं आ रही सबके आंसर फेल से शुरू हो रहे और तुमको कॉन्सेप्ट पता है तो तुम अंग्रेजी में लिखी दोगे तो अगला पॉइंट क्या कहता है फेल्स टू कीप द मनी ऑफ इस क्लाइंट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट सर कौन सा मनी एक्सेप्ट द रिमनरेशन दैट यू आर गेटिंग या जो पैसा आपने एक्सपेंड करना है ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो उसको आपने सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा या जो पैसा एक्सपेंड करना था उसको रीजनेबल टाइम में एक्सपेंड नहीं किया अब अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे एडवांस मनी दे दी तो क्या एडवांस मनी स्कोप में आती है मैंने कहा नहीं एडवांस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप तो यह क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था कि जो एडवांस मिलता है वो स्कोप में नहीं आएगा तो उसको आप अपने बैंक अकाउंट में रखो कोई दिक्कत की बात नहीं आप ही का पैसा है एंड उसमें बंदा गिलती नहीं रहेगा ठीक है सर इसी तरह अगर आपको कुछ पैसा मिला खर्चे करने के लिए ना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो उसको आप डिपॉजिट मत करो बैंक में प्लस अगर आपको कोई पैसा मिला भरोसा करके भरोसा करके मतलब इन कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विडेटर ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर तो फिर आपको सेपरेट बैंक अकाउंट में रख के चलना है इन दोनों एग्जाम्पल्स को इग्नोर कर दो कोई दिक्कत की बात नहीं है अब आता है सर पार्ट नंबर टू फेवरेट है, क्या कहता है? ये आपका कहीं ना कहीं एफआर में भी यूज होगा जब आप एफ के नए वाले क्वेश्चन करोगे ना एथिक्स वाले हाँ सर उसमें जब भी कोई इम्प्लॉय बदमाशी करता है तो वो इसी क्लॉज में पकड़ा जाता है क्या बात कर सर हाँ यह कहता है मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट हमको फर्क नहीं पड़ता जनरल में बात कर रहे हैं ठीक है सर ही विल बी गिली ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही कॉन्ट्रावीन्स जल्दी से बताओ कौन सा क्लॉज था ये पी आर जी पी आर जी जी माने गाइडलाइंस यानी इफ यू आर कॉन्ट्रावीनिंग एनी प्रोविजन यानी कोई सेक्शन का नॉन कंप्लाइंस किया एनी रेगुलेशन इतनी रेगुलेशन पढ़ा दी सर आपने वो सारी रेगुलेशन या एनी गाइडलाइन जो हम बात करते हैं काउंसिल गाइडलाइंस की ओ सो इफ यू कॉन्ट्राविन एनी प्रोविजन रेगुलेशन और गाइडलाइन तो आप इस क्लॉज में गिल्टी हो जाते हो अब सर एक तरीका बता दो हम इस क्लॉज के सारे आंसर ठीक करें तो इधर देखो सारे बच्चे इधर देखो मैं बताता हूं क्या तरीका है अगर क्वेश्चन में आर्टिकल को टाइम पे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा अगर क्वेश्चन में आर्टिकल को टाइम पे स्टाइपेंड नहीं मिल रहा या जो स्टाइपेंड मिल रहा है वो छह महीने बाद मिल रहा है या उसका जो स्टाइपेंड मिल रहा है उसे वापस ले लिया जा रहा है ठीक है या को, या आर्टिकल आर्टिकल को को देने के लिए उससे पैसे लिए जा रहे हैं ठीक है सर या फिर जितनी बातें मैं काउंसिल गाइडलाइंस में करता हूं उन काउंसिल गाइडलाइन की कोई कॉन्ट्रावेंशन है तो ये क्लॉज आएगा ये बात आपने बस ध्यान रख के चलनी है तो जितनी काउंसिल गाइडलाइंस है या आर्टिकल के साथ बेचारे के साथ कुछ अजीब हो रहा है उसकी को या उसके वर्किंग स्टाइप को लेकर तो हाँ सर अच्छा एक बात बताओ अगर मैं आर्टिकल से नॉन प्रोफेशनल सर्विसेज ले रहा हूं नॉन प्रोफेशनल मतलब उससे अपना घर का काम करा रहा हूं तो वो इस क्लॉज में आएगा या अदर मिसकंडक्ट में जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में फटाफट बताओ अगर मैं एक आर्टिकल से नॉन प्रोफेशनल सर्विस ले रहा हूं घर का काम कर रहा है मैंने उसको बोला चाय पत्ती लेके आ मेरे मिसिस को चाय पीनी है तो ये अदर मिसकंडक्ट है या इस क्लॉज में आएगा गोरांग ने बिल्कुल सही बताया सर दिस इज अदर मिसकंडक्ट ये कहीं ना कहीं अदर मिसकंडक्ट बन जाएगा ये इस क्लॉज में नहीं आएगा क्लियर है सेजल जी बताइए जी इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर अब आते हैं क्लॉज नंबर टू फटाफट क्लॉज नंबर टू देखो और मुझे बताओ ये किसके जैसा है देखते कौन कौन बच्चा जाग रहा है फटाफट प्लीज टेल मी दिस इज द कॉपी पेस्ट क्लॉज एक नंबर कॉन्फिडेंशियलिटी वेरी वेरी गुड सो दिस इज द कॉपी ऑफ क्लॉज नंबर वन पांच नंबर वन ऑफ योर सेकेंड स्केड्यूल अच्छा क्लॉज नंबर थ्री ये किसके जैसे है ये भी बता दो मजा आ जाएगा इनके नाम पढ़ो इंस्टीट्यूट काउंसिल उसकी कमेटियां डीडी बॉडी डीसी इनके डिसीजन के अगेंस्ट अपीलेट अथॉरिटी खमान 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 सब ने बिल्कुल सही बताया सर सर ये वो है एफ 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 वाला जो हमने पढ़ा था मैंने कहा हां दैट वॉज पार्ट नंबर थ्री यस सर पार्ट नंबर थ्री में था पहले फेलो फिर था फेलियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फिर था फॉल्स इंफॉर्मेशन तो ये था क्लॉज नंबर टू फेलियर टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एंड इट वॉज फर्स्ट स्केड्यूल तो एक बात बताओ यहां क्या है क्लॉज नंबर थ्री तो क्लॉज नंबर थ्री हमेशा जब आखिरी वाले जो स्केड्यूल्स होते हैं इसमें बात करता है सर फॉल्स इंफॉर्मेशन की और इस बार जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है आप उन्हीं लोगों को दे रहे हो जिनको आपने पहले इंफॉर्मेशन नहीं दी थी तो यह कहता है इंक्लूड इन एनी सिर्फ सिर्फ मतलब एनी स्टेटमेंट एनी इंफॉर्मेशन एनी रिटर्न और एनी फॉर्म फॉर्स ए फॉर्म ठीक है इंक्लूड इन एनी स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन रिटर्न और फॉर्म क्या कमिटेड टू आईसीआई उसका काउंसिल कमेटियां डी डी बोर्डी डीसी क्वालिटी रिव्यू बोर्ड और एपिलेट अथॉरिटी क्या इंक्लूड किया एनी पर्टिकुल तो अगर आपने आईसीआई को कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो अगेन यू विल बी गिल्टी इन दिस क्लॉस यू गॉट द पॉइंट आर नॉट येस सर एंड क्लॉस चह से चार आता है चह से चोरी चोरा के दिल मेरा गोरिया चली ना 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 ना। तो अगर आपने क्लाइंट के साथ करिए चोरी डेफलकेशन या उसके पैसे को इमेजल किया तो अगेन बी गिल्टी अंडर दिस क्लॉज पार्ट थ्री मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया अगर हो जाती है फॉर मोर देन देन यू आर गिल्टी अंडर पार्ट नंबर थ्री गौचा गौचा सर अब सारे बच्चे फटाफट फड़ मुझे बताओ काउंसिल गाइडलाइंस काउंसिल गाइडलाइंस जो फाइनल स्टेज ऑफ चैप्टर है क्या मैं आपको इसकी रिकॉर्डेड रिवीजन दे दूं क्या जल्दी से बताओ क्या इसकी रिकॉर्डेड रिविजन चलेगी सो यू कैन वॉच इट एट योर ओन पेस एंड आपका पूरा प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट हो जाए जल्दी से बताइए मुझे कमोन 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 मी दिस थिंग काउंसिल गाइडलाइंस नो क्लार पाए ये तीन का मैं पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट फोर करके आपको दे दूंगा चलेगा जल्दी से बताओ मित्रों चलेगा सर डन डना डन डन दे दो सर यस अब हम कर लेंगे वेरी गुड मोए मोए नहीं होगा यार मोए मोए कैसे होगा रिकॉर्डेड देख माना यार अभी करवा दो कह रहे हैं अभी करवा दो यार हमना सुधरते नहीं हो चलो जी शुरू करते हैं। Let's begin with the next leg of this chapter. क्या बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है, है मजा तो आ, आ जाता मेरे साथ प्यारे प्यारे, -क्यूट, बड़िया, बड़िया, अच्छे अच्छे बच्चे। काउंसिल जनरल गाइडलाइन दैट इज चैप्टर काउंसिल गाइडलाइंस खत्म हमारा आज का क्लास खत्म ठीक है सर डन मजा आ जाएगा चैप्टर नंबर वन क्या कहता है सर सबसे पहले तो बच्चों का सवाल

चैप्टर टू किसके जैसा है अ मेंबर ऑफ एन एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस एंड शेल नॉट बी ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ ड्यूटी यह कौन सा क्लॉज था सर सात दिन एक्सरसाइज करेंगे सात दिन एक्सरसाइज करेंगे क्लॉज सेवन पार्ट वन ऑफ योर सेकंड स्केड्यूल तो ध्यान रखना जब भी बात सीए इन प्रैक्टिस की होती है तो वो क्लॉज सेवन की बात करेंगे जब भी बात इंप्लॉय की होगी तो उसका गला यहां पकड़ेंगे इंप्लॉय काउंसिल गाइडलाइन चैप्टर नंबर टू में तो दिस पांच उंगली से क्या बनाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट पांच उंगली से बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो कैश बुक और बाकी लेजर्स एक तो कैश बुक और बाकी लेजर अब मुझे एक बात बताओ क्या ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को बनाने हाँ इंप्लॉय को नहीं बनाने इंप्लॉय से नहीं कहा बनाने के लिए कोई भी मेंबर और फॉर्म इन प्रैक्टिस है तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने कैश बुक और बाकी लेजर अच्छा एक बात बताओ क्या इसमें मैंने ये बोला सेक्शन नंबर फोर्टी फोर ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आईसीआई कंफ्यूज करेगा आईसीआई कंफ्यूज करेगा बट तुम कंफ्यूज मत होना बोल देना भाड़ में गया सेक्शन 44 ए अगर आप एक सीएन प्रैक्टिस हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है पांच उंगली से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है सर क्या चैप्टर पांच इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना क्वेश्चन पूछा था नवंबर 22 एग्जाम में आईसीआई ने ठीक है और फ्री के चार नंबर दिए थे तो ध्यान रखना कैश बुक और लेजर बनाना जरूरी है अब आता है सर चैप्टर नंबर सिक्स जल्दी से सारे बच्चे आओ एक बार चैप्टर नंबर सिक्स देखते क्या बात करता है सर चैप्टर सिक्स कहता है इधर देखो सारे बच्चे पार्टनर है एक फर्म में सर कौन उदय मजनू आरडीएक्स इनकी फर्म का नाम है यूएमआर कंपनी कंपनी है और इसमें तीन पार्टनर है उदय मजनू और RDX. तो सर ये कहता है जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो हर पार्टनर पे एक लिमिट है लिमिट कितनी है सिक्सटी टैक्स ऑडिट की तो आप कहीं ना कहीं सिक्सटी टैक्स ऑडिट की लिमिट में एक्सेप्ट कर सकते हो बट क्या साइनिंग पे कोई लिमिट है मैंने कहा नहीं साइनिंग पे कोई लिमिट नहीं है तो वन एटी टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट कर लिए तो एक्चुअल में एक बात बताओ क्या उदय जो है क्या जो उदय ये 180 एटी टैक्स ऑडिट को साइन कर सकता है आंसर इज यस ही कैन साइन 180 टैक्स ऑडिट तो सारे बच्चे एक बार फटाफट फड़ देखो क्या कहता है ये कहता है आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टैक्स ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो एबी तो अगर 10 पार्टनर हैं तो ये 10 इंटू सिक्स हंड्रेड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट उठा सकते हैं ये चाहे तो अपने बीच में कितना कैसे भी बांट ले फर्क नहीं पड़ता एक पार्टनर चाहे तो 600 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स को साइन कर सकता है ठीक है सर अच्छा एक बात बताओ ये जो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो ये पर कंपनी देखे जाएंगे या हेड ऑफिस और ब्रांच को अलग देखेंगे सर पर कंपनी देखे जाते हैं पर कंपनी पर पैन नंबर और पर फाइनेंशियल ईयर तो ये कहता है कि जो भी टैक्स ऑडिट असाइनमेंट है मैंने कहा नहीं ए के नाम में सिर्फ 60 अलाउड है अगर ए पार्टनर है एबीसी में और अपनी प्रोपराइटरशिप में तब भी सिक्सटी अलाउड है अगर यहां पर ऐसे क्वेश्चन में लिखता है कि जो ऑडिट एक्सेप्ट करे वो अंडर टैक्सेशन स्कीम है प्रिजमटिव मतलब 44 AD, 44 AD है, 44 इनको काउंट मत करना लिमिट में तो कई बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये वाले भी करने नहीं इनको आपने लिमिट के बाहर रखना ये कितने भी चलेंगे अनलिमिटेड अलाउड सब ठीक है सर उसके बाद हेड ऑफिस और ब्रांच एक ही असाइनमेंट माना जाता है क्योंकि एक ही कंपनी के हैं इसी तरह अगर एक से ज्यादा ब्रांच है तो भी एक ही असाइनमेंट माना जाएगा और अगर कोई बादल है सर बादल बादल तो टेम्पररी होते हैं कभी बादल आते हैं कभी सनी होता है मैंने कहा कितना गंदा जोक मारा सर तो मैंने कहा जो बादल है अगर ये पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग पार्टनर है तो इसके लिए कोई लिमिट है मैंने कहा नहीं इसको हम अलाउड ही नहीं करते इसका सीधा लिखो इसको यहां पे ऑडिट एक्सेप्ट करना अलाउड ही नहीं है तो नो लिमिट मतलब इसको अलाउड ही नहीं एक्सेप्ट करना यू गॉट द पॉइंट और नॉट यस सर तो अगर कोई पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग मेंबर है वो साइन ही नहीं कर सकता तो उसके नाम में आप कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते प्लस जो फुल टाइम प्रैक्टिसिंग है उसी को हम यहां पे काउंट करके चलेंगे अब आता है सर चैप्टर अगेन अ इंपॉर्टेंट चैप्टर इस पे भी आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 23 पे सवाल पूछा था सर क्या होता है जल्दी से एक बार बता दो मैंने कहा मजेदार मजेदार्ट है इधर फोकस करके चलो ठीक है सर इधर फोकस करते हैं एक तो ये दोनों क्या कर रहे हैं यार बीबी -बी सर और आकाश सर अभी पता है क्या कर रहे हैं हाँ सर वीडियो कॉल भेज रहे हैं ठीक है मुझे नहीं पता क्यों भेज रहे हैं इनको पता नहीं क्या कि हाँ सेशन चल रहा है इसको कैसे ऑफ करूं मैं चलो इधर फोकस करो ठीक है अब ये क्या कर रहे हैं ना समझना मेरी बात ये हाँ आपने याद रखना चैप्टर सात चैप्टर सात मतलब दो पुराने वाले का साथ चैप्टर सात का क्या मतलब है सर दो आप पुराने वाले का साथ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फोकस करके चलना सारे बच्चे पुराने वाले का साथ मतलब अगर पुराने वाले ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड फीस नहीं पे हुई अगर पुराने वाले ऑडिटर की अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई अनडिस्प्यूटेड मतलब क्लाइंट ने इसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर रखा है में और अभी तक ऑडिटर को फीस पे नहीं हुई ठीक है तो अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पेड नहीं है तो सर क्या आप वो ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए मैंने कहा नहीं डोंट एक्सेप्ट द ऑडिट बट सर एक बात बताओ क्लाइंट के पास पैसे ही नहीं है ये जो क्लाइंट है ये कहीं ना कहीं सिक यूनिट बन गया है तो सिक यूनिट के लिए हमने एक्सेंशन दे दी तो देखो क्या कहता है डोंट एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर अगर अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस पे नहीं हुई है ठीक है सर भले ये स्टेचुट्री ऑडिट है या कोई और ऑडिट है क्या ये टैक्स ऑडिट पे भी एप्लीकेबल एप्लीकेबल है है मैंने कहा टैक्स ऑडिट पे भी अनडिस्प्यूटेड फीस में बिचारे ने जो खर्चे करे वो भी इंक्लूडेड होते हैं अब सिक यूनिट का क्या मतलब है ध्यान रखना पांच साल तक रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उसकी जो नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो चुकी है जो उसके नेटवर्थ है वो नेगेटिव हो चुकी है तुमको ये बेसिक बातें ध्यान रखनी है ठीक है ठीक है सर अब आता है चैप्टर एट अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट

टू टू बताओ एट वन वन या वन टू टू जितने बच्चे कह रहे एट वन वन सब नलायक सर ऐसा क्यों मैंने कहा, कहा मैंने कम्युनिकेशन नहीं की मैंने कम्युनिकेशन की बात की नहीं सर तो जब मैंने बात कम्युनिकेशन की नहीं करी तो तुम एट वन वन क्यों लेके आ रहे हो बीच में ओ तो एट वन वन नहीं आएगा समझ गए समझ गए सर वन टू टू क्यों आएगा क्योंकि यहां लिखा था कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रेगुलेशन गाइडलाइन क्या यहां पे हम एक गाइडलाइन की बात कर रहे हैं क्या यहां पे हम काउंसिल गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं आंसर इज यस काउंसिल गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं तो जब आप गाइडलाइन की बात कर रहे हो तो ये आएगा क्या ये बेसिक बात समझ आई फटाफट बताइए गेटिंग द पॉइंट और नॉट यस सर तो सर आप बताओ हम क्या करें जब आईसीआई ने आरटीपी नवंबर 23 ट्वेंटी थ्री में सवाल पूछा तो आईसीएआई ने क्लॉज नहीं लिखा तो हम क्या करें मैंने कहा टू बी ऑन द सेफर साइड आप चैप्टर लिख के के आना और चैप्टर नीचे क्लॉज भी लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे तो हो सकता है आपने सजेस्टेड आंसर में या मार्किंग स्कीम में वो दोनों लिख दे तो इट इज बेटर कि आप दोनों चीजें लिख के चलो गॉट द पॉइंट यस सर सारे के सारे बच्चे समझ गए अब चैप्टर एट पे आ जाओ प्लीज कम हेयर A एन प्रैक्टिस शेल नॉट होल्ड एनी अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ असाइमेंट अरे यार मुझे बताओ क्या सेक्शन सेक्शन नंबर 141 सब थ्री याद है नहीं सर मैं करवाता हूं ऐसे कैसे नहीं बोल दिया तुमने तुमको ना मौका चाहिए ना बोलने का ठीक है <laughs> तुमको मौका चाहिए ना बोलने का नहीं सर कुछ याद नहीं, कैसे नहीं। है कैसे कैसे याद नहीं है याद कराते हैं उसमें लिखा था कि आप मैक्सिमम ऑडिट असाइनमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो ट्वेंटी ठीक है सर बट ये जो ट्वेंटी की लिमिट है एक सेकेंड रुको हेलो अरे एक सेकेंड ना मैं मैं रिविजन क्लास के अंदर बैठा हूं। <laughs> लाइव चल रहा है हुई पे और आप को वीडियो कॉल भेजते हो ठीक है बच्चे आपको सुनना चाहते हैं कुछ बताओ बच्चों को रिवीजन क्लास में अगर हो तो बच्चों को ध्यान देना चाहिए रिवीजन पे तो ये सब बच्चे कौन से वाले कब एग्जाम दे रहे हैं सर मे 24 का चल रहा है प्रोफेशनल एथिक्स की रिवीजन चल रही है सीए फाइनल ओ भाई साहब मैं ना शुभम सर मेरा प्रोफेशनल एथिक्स इतना बढ़िया था

और अभी बज रहे शांति से चुपचाप बैठे हुए हो ये सर बहुत ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट ना मेरे को तो सर रोज पढ़ना पड़ता था एवरी डे क्योंकि आज पढ़ो पांच दिन बाद भूल जाते थे वापस पढ़ो फिर भूल जाते थे तो मैं कंटिन्यूसली पढ़ता था रोज पढ़ता था रोज रिवाइज करता था और अभी तो उस टाइम तो मैंने मतलब सेल्प किया था बट अभी तो इतने अच्छे आपके जैसे प्रोफेसर है जो इनको रिविजन दे रहे रिवाइज करा रहे तो इनको जो आपने ये रिवाइज कराया ना जो रिविजन लेक्चर आपने दिया है ये यूट्यूब पे भी रहेगा क्या यस yes, सर रहेगा ना यूट्यूब रहे हाँ। अरे वेरी गुड तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए ना कि हर मतलब पांचवे छठे दिन एक बार ये सुन लेना चाहिए और ये सुनना चाहिए जिससे क्या होगा ना कि इनको पता रहेगा अच्छा इस क्लॉज में ये था इसमें ये था इसमें ये था और ऐसा नहीं कि उनका कोई प्रोडक्टिव टाइम लगा के सुनना है जहा घूम रहे हैं थोड़ा मतलब इधर उधर गए हैं कहीं पे ड्राइव कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं कहीं पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे वो रिविजन लेक्चर अगर सुन लेंगे ना तो वो क्लॉजेज दिमाग में रहेंगे और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसको हैंडल कर पाएंगे मेरा ये मानना है सर बिकॉज ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है सर और डी बिकॉज दो ही सब्जेक्ट ऐसे है जिसमें आईसीआई का सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है बिकॉज सीए बनने के बाद क्या करते हैं या तो ऑडिट करते हैं या टेक्सीशन में जाते हैं इन दो सब्जेक्ट में सीए ए इंस्टीट्यूट का काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता है और अकॉर्डिंगली अपने को प्रिपेयर भी इतना अच्छे से करना रहता है राइट यस सर सो ऑल द बेस्ट आपको भी और जितने भी आपके प्यारे बच्चे सुन रहे हैं उनको सबको ऑल द बेस्ट और फटाफट है वो सीए बन जाओ और सर सीए बनने के बाद हम लोग फेलिसिटेशन इवेंट रखेंगे तो अगली बार आप ये जो आपको सुन रहे हो उनको सबको इनवाइट कर रहे हो ना सर हाँ सर आज का ट्रेलर में भी वही चलाया था फेलिसिटेशन इवेंट ताकि मोटिवेटेड हाँ, बट ऐसा भी नहीं है हम सिर्फ रैंकर को बुलाते हैं हम नॉन रैंकर को भी बुलाते हैं जो इस एरिया में नॉन रैंकर है उनको भी हम बुलाते हैं सबको बुलाते हैं सबको बुलाते हैं सर प्रिपरेशन है ना रैंक लेवल की करनी चाहिए रैंक आए नहीं आए ठीक है करके बिकॉज अगर आपने माउंट एवरेस्ट फतेह करने का सोचा है तो छोटे

राइट right, और अब सर आपके कारण इनका ऑडिट निकलने वाला है right. आपको इतना अच्छे से गाइड करते हो गाइड करते रहिए right, और right, बहुत right. अच्छा प्राउड फील होता है सर आप हमारे स्टूडेंट थे तीन चार साल पहले Right. और आज आपके स्टूडेंट है जो हमारे स्टूडेंट भी, है, आपके भी है, तो वो सार, सार, आप लोग इतनी मेहनत करते हो इतने एफर्ट्स डालते हो बिकॉज हमेशा मैंने एक चीज देखी है मेहनत के बिना कुछ भी चीजें नहीं मिलती है आपको मेहनत तो करनी ही पड़ती है सर बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं अच्छे से

चलो भाई ये हो गए मजे है तुम्हारे ठीक है तुमको मिल गया ब्रेक बातों बातों में अब आ जाओ इधर सर ये ट्वेंटी ऑडिट में क्या नहीं आता था तो मैंने कहा था ट्वेंटी की जो लिमिट है इसकी कुछ एक्सेप्शन थी जिनको हम अलग से लेके चलते हैं सर इसमें क्या क्या था मैंने कहा इसमें छोटी कंपनी नहीं आती यानी इट एग्जेप्टेड अ स्मॉल कंपनी

हम तुमको थर्टी ऑडिट से ज्यादा अलाउ ही नहीं करते हैं तो इन्होंने क्या किया थर्टी ऑडिट की लिमिट डाली बट इन्होंने भी वन परसेंट कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी को एक्सक्लूड कर दिया तो मुझे एक बात बताओ जो आपकी वन परसेंट कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी है क्या मैं बोल दू इनके आप अनलिमिटेड ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो हाँ इनके तो आप अनलिमिटेड ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है प्लस अब अगर मैं आपके साथ थोड़ा पूछूं मैं सिर्फ मान लो स्मॉल कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा हूं तो जो स्मॉल कंपनी है क्या आईसीआई ने उसके लिए कोई एग्जामेशन दी है नहीं सर कंपनीज एक्ट ने हाँ. तो इसके कितने ऑडिट एक्सेप्ट हो पाएंगे सर इसके सिर्फ थर्टी क्योंकि यहां पर थर्टी लिखा है ठीक है सर हमें यहां पर लोअर ऑफ द टू लेना है अगर मैं सिर्फ वन परसेंट कंपनी और डॉर्मेंट कंपनी की बात करूं तो अनलिमिटेड इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है बट अगर मैं आपसे पूछू बट अगर मैं आपसे पूछूं कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी पेड़ अप शेयर कैपिटल इज लेस देन हंड्रेड करोड़ तो कंपनीज़ है जितने करने उतने करो कोई दिक्कत नहीं है बट आईसीआई क्या कहते हैं इसमें आप सिर्फ थर्टी एक्सेप्ट कर सकते हो और जो बाकी हैं जितने भी बाकी बच गए उन केसेस में भी आप थर्टी ही लोगे उनके में भी आप थर्टी लोगे सारे बच्चे जल्दी से थम्सअप भेजो चैटबॉक्स पे जो बाकी है उनमें भी हम थर्टी ही लेंगे जल्दी से सारे बच्चे थम्सअप भेजेंगे मैंने जो लिखा उस पर नेहा गोरांग सेजल की कोई नहीं सुनेगा जो मैं बोल रहा हूं वो बोलो बीरबल की भी नहीं सुननी सुजाना देखो मेरे साथ है सुजाना मेरे साथ है कहती थर्टी सर थर्टी लेंगे सर गलत तेजस्वी नहीं कहती सर आप गलत आओ आप हमको गलत गलत पढ़ा रहे हो आप हमको गुमराह कर रहे हो मैंने कहा वेरी वेरी गुड यहां पे ट्वेंटी आना चाहिए यहां पे ट्वेंटी आना चाहिए क्योंकि लोअर ऑफ द टू लेंगे ना बाबू कहीं ना कहीं लोअर ऑफ द टू लेंगे अगर मैंने ट्वेंटी से ज्यादा एक्सेप्ट करे तो कंपनीज एक्ट डंडे मारेगा ठीक है तो आपने बात ध्यान रखनी थी तो ये एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको ध्यान रखना है चैप्टर नाइन इसमें कुछ भी नहीं है फोकस करो, ध्यान देखो। ये कहता है कि कभी भी आप कोई बड़ी कंपनी का ऑडिट लोगे ठीक है तो आपका फोकस किस पे होना चाहिए सर ऑडिट पे होना चाहिए या अदर सर्विसेज पे सर ऑडिट पे तो ये कहता है जब भी आप ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो अदर सर्विसेज की फीस ऑडिट की फीस से ज्यादा नहीं हो सकती ध्यान से समझना जब भी आप कोई ऑडिट एक्सेप्ट करोगे तो जो ऑडिट की फीस है और अदर सर्विसेज की फीस वो ऐसी होनी चाहिए कि अदर सर्विसेज की फीस ऑडिट से ज्यादा ना हो क्योंकि क्या होगा ना अगर अदर सर्विसेज की फीस ऑडिट से ज्यादा होगी तो मेरा फोकस अदर सर्विसेज पे चला जाएगा तो ये कहता है कि कभी भी आप कोई ऑडिट ले रहे हो पीएसयू का गवर्नमेंट कंपनी का लिस्टेड कंपनी का या किसी और पब्लिक कंपनी का जिसका टर्न ओवर करोड़ और उससे ज्यादा है और आपने उससे बाकी काम ले लिया जिसका जिसकी रिमनरेशन एक्सीड करती है ऑडिट की फीस तो भाई साहब आप गिल्टी हो जाओगे तो फिर आप गिल्टी हो जाओगे तो पर एक बात ध्यान रखना

सारे बच्चे इस केस में क्या होगा ए इज द ऑडिटर ऑफ जेड लिमिटेड जेड लिमिटेड क्या एक पब्लिक कंपनी है हाँ सर पब्लिक कंपनी में टर्नओवर की लिमिट मैंने क्या बताई थी पचास करोड़ पचास करोड़ या उससे ज्यादा है तो चीज लग जाएगी यहां टर्नओवर ओवर दो सौ करोड़ है तो इस पर चीज लग गई ऑडिट फीस कितनी है पचास लाख की पर जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज है उसकी फीस कितनी है एक करोड़ की तो क्या अदर फीस पचास लाख से ज्यादा हो गई द आंसर इज यस तो पर्सन गिल्टी हो जाएगा बट मुझे एक बात बताओ क्या सेक्शन वन इसको डंडे नहीं मारेगा क्या सेक्शन वन फोर्टी फोर इसको डंडे नहीं मारेगा सर मारेगा सेक्शन वन फोर्टी फोर कहता है जिसका ऑडिट कर रहे हो उसको आप मैनेजमेंट सर्विसेज तो दे ही नहीं सकते तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये गलत है बट आपने इसका तात्पर्य समझ के चलना है गॉट इट गॉट इट सर अब आ जाओ चैप्टर नंबर टेन जैसे जैसे मैं जितना जितना करा रहा हूं बस उतना ही आपने इसमें करके चलना ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना

अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हो तो लिमिट याद है हाँ सर डायरेक्ट इंडेटने की लिमिट होती है पांच लाख और इनडायरेक्ट इंडेटने की लिमिट होती है एक लाख तो कंपनी के अलावा कंपनी के अलावा आप किसी और का ऑडिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये जो इंडेटनेस है ये एक लाख तक ही चलेगी इसके अलावा कोई और इंडेटनेस है तो वो बस एक लाख तक चलेगी बस इतनी सी बात आपने ध्यान में रख के चलनी है अब आ जाओ सर चैप्टर इलेवन अगर पुराने ऑडिटर को अनजस्टिफाइड तरीके से रिमूव किया है देन इट इज बेटर कि आप ऑडिट एक्सेप्ट ना करो अब हमारा फेवरेट चैप्टर 15 नेटवर्किंग सारे बच्चे पानी के दो घूंट लगाओ और चैट बॉक्स में रेडी। इसको मुझे अच्छे से कराना है जल्दी से आ जाओ कम टू नेटवर्किंग बस दस मिनट और दस मिनट और और ये चैप्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है खत्म होने वाला रेडी सर नेटवर्किंग में सर हमको किन किन टॉपिक्स पे फोकस करना और नेटवर्किंग क्या होता था मैं याद करवाता हूं नेटवर्किंग इज लाइक जो मैंने आपके साथ ईवाई का एग्जांपल शेयर किया था इफ आई होप आई हैव दैट थिंग विद मी अवेलेबल हाँ सर तो जब मैंने ईवाई को ज्वाइन किया था तो मैंने आपको बताया था ईवाई की कई सारी एफिलियट फॉर्म है जो इंडिया में काम करती है विच आर वर्किंग एज ए ने बाटली बॉय है कोई एस आर कंपनी है कोई एसोसिएट है तो सर यहां पर क्या होता था मैंने कहा सब आर्टिकल्स को अलग अलग फॉर्म मिल जाती थी ठीक है सर बट हमारी ट्रेनिंग साथ में होती थी सेम सॉफ्टवेयर यूज करते थे और सेम टेक्निकल हेल्प लेते थे तो ये आपने बस बेसिकली बात ध्यान रखनी है सर क्या इसको बोलते हैं नेटवर्क और जो नेटवर्क होता है उसके अंदर एंड कंपनी नहीं आता

ऑडिट मेथोडोलॉजी जो ऑडिट मेथडोलॉजी जैसे ईवाई में क्या यूज होता है ईवाई गैम दैट इज द ग्लोबल ऑडिट मेथोडोलॉजी सब लोग एक ही तरह से काम करते हैं तो वो आ जाएगा पट का क्या मतलब था पी ए का मतलब है पार्टनर और स्टाफ ये सब नेटवर्किंग फॉर्म्स अपने पार्टनर स्टाफ को इधर उधर घुमाती रहती हैं ठीक है सर एंड टी टी का क्या मतलब था टेक्निकल डिपार्टमेंट्स आर सेम ट्रेनिंग कोर्सेज आर सेम तो ये आपके पांच प्रोफेशनल रिसोर्सेज हैं, कॉमन सिस्टम्स हैं, उसके बाद पार्टनर्स एंड स्टाफ सेम है ऑडिट मेथोडोलॉजी सेम है टेक्नोलॉजी सेम है और लास्ट में आप बोलोगे ट्रेनिंग मटेरियल्स भी कहीं ना कहीं सेम चल रहे हैं अब सर एक बात बताओ ये वाला टॉपिक क्या कहता है ये कहता है जो नेटवर्क है वो कैसे बनेगा इट इज एंटिटी ये कहीं ना कहीं ढेर सारी फॉर्म साथ में आके मिल जाएंगे तो खुद प्रोफेशनल सर्विस दे सकता है आंसर इज नो सर्विस तो फर्म देगी बट नेटवर्क बस एक म्यूचुअल एंटिटी है तो जो प्रैक्टिसिंग का काम है वो फॉर्म करती है नेटवर्क नहीं करता ध्यान रखना ठीक है सर अब यह नेटवर्क किस किस फॉर्म में हो सकता है इट कैन बी अ पार्टनरशिप फॉर्म इट कैन बी एल एल पी इट कैन बी अ कंपनी बट कंपनी वो होगी चैप्टर सत्रह वाली जो हम बाद में बात करेंगे ठीक है सर अब इसके अंदर कौन कौन आ सकता है सोल प्रोपराइटर सकता है पार्टनरशिप फर्म आ सकती है और, एक 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 ही करेगी, है सर। और जिन फर्म्स के बीच में कॉमन तो पार्टनर है कि नेटवर्क म्यूचुअल एंटिटी बनते हैं नेटवर्क खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकते फर्म बना दो अच्छा फर्म में कितने मेंबर्स हो सकते हैं एमसीक्यू 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 यहां पे बीस पार्टनर से ज्यादा नहीं हो सकते तो ये एक बात आपने ध्यान रखनी थी ठीक है सर एल बना दो कंपनी बना दो चैप्टर सत्रह वाली बना दो एक फर्म एक नेटवर्क ज्वाइन करेगी जिस फर्म में कॉमन पार्टनर है वो एक ही नेटवर्क ज्वाइन करेगा वेरी गुड अब आते हैं सर नेटवर्किंग का नामकरण सबसे पहले ये अप्रूव कौन करेगा आईसीएआई आईसीआई इसका नाम अप्रूव करेगा इसके नाम में एंड एफिलियट आना चाहिए ताकि पता लगे नेटवर्क है कि आप अपना कर सकते हो, नहीं आपको अब रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी ठीक है सर अब एक बात बताओ रजिस्ट्रेशन के लिए कितना टाइम मिलेगा तीन महीने मिलेंगे एक बार आपका नाम अप्रूव हो गया आईसीआई उसको तीन महीने तक संभाल के रखेगा ठीक है सर इसका फॉर्म क्या फॉर्म नंबर बी तो क्रोनोलॉजी में चलो फॉर्म ए में नाम लिया फॉर्म बी में रजिस्ट्रेशन ली अब ये रजिस्ट्रेशन क्योंकि तीन महीने तक आपका नाम रिजर्व है तो तीन महीने में लेनी जरूरी है इट इज मैंडेटरी प्लस अगर इंडियन फॉर्म किसी मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फॉर्म के साथ है जैसे EY के साथ तो उनको भी अपन एक नेटवर्क मान के चलते हैं सर क्या हम नेटवर्किंग कर सकते हैं विद एंटिटीज आउटसाइड इंडिया आंसर इज यस उसके लिए डिक्लेरेशन देनी है अगेन एमसी क्यों आ सकता है तो डी फॉर डिक्लेरेशन डी फॉर फॉर्म नंबर डी सर इसमें रुपीज क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता फॉर्म नंबर डी आएगा अब एक बात बताओ कितने दिनों में अप्लाई करना है पे हर जगह थर्टी डेज में अप्लाई करना होता है तो विद इन थर्टी डेज फ्रॉम टू किया थर्टी डेज में वो नाम कब तक, रहा? 3 तक रहा। फिर जब हमको नेटवर्क बनाया आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए डिक्लेरेशन कितने दिनों में दी थर्टी डेज में तो मोटा माटी हर जगह थर्टी डेज यूज होगा बता दिया डी फॉर डिक्लेरेशन अब सर इसमें एक बात बताओ हाँ, सेम बात है मैं एक फॉर्म हूं तो मैं एक ही नेटवर्क ज्वाइन कर सकता हूं अगर कॉमन पार्टनर है तो वो एक नेटवर्क ज्वाइन कर सकते हैं अब आता है एक और क्वेश्चन जो ICA थोड़ा पूछ सकता है पूछना तो नहीं चाहिए बट पूछ सकता है सर 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 क्या 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 जो नेटवर्क है है इसके होंगे होते हैं हमने तो इन के बारे में सुना है। गंदा जोक का मतलब होता है कि एक नेटवर्क काम कैसे करेगा तो मुझे एक बात बताओ नेटवर्क काम कैसे करेगा तो यानी आप उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट की बात कर रहे हो हाँ सर तो जो नेटवर्क की एडमिनिस्ट्रेशन है ना वो एक मैनेजिंग कमेटी करेगी ठीक है सर बात बताओ कुछ भी काम चलाने के लिए क्या आपको फीस की जरूरत है हाँ सर फीस की जरूरत है तो अगला पॉइंट है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेंबरशिप फीस टू मीट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अब सर ये फीस कलेक्ट कौन करवाएगा कोई सुपरवाइजर पार्टनर होना चाहिए हाँ तो एक पार्टनर को हमने जिम्मा दिया कि भाई तुम जो हो ना तुम रिस्पॉन्सिबल रहोगे हर चीज के लिए ठीक है सर अब जैसी फीस मांगने गए लोगों ने कहा मैं नहीं दूंगा ऐसा तो होता है कोई ना कोई तो खड़ा हो जाता है कहते हम तो नहीं देंगे मेंबरशिप फीस इसके लिए तो यहां पे डिस्प्यूट्स हो गए तो कहीं ना कहीं आपने देखना डिस्प्यूट की जो सेटलमेंट है वो आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन से होगी इसका मतलब होता है प्यार से होगी मतलब कोर्ट नहीं जा सकते कोर्ट नहीं जा सकते आर्बिट्रेशन और कंसिलेशन आर कंसिडर्ड कॉर्डियल वेज ऑफ रिजॉल्विंग समथिंग तो आपने कई बार पढ़ा होगा आर्बिट्रेशन इन एंड कंसिलेशन आर्बिट्रेशन में क्या होता है एक बंदा अपॉइंट किया जाता है वो दोनों को साथ में बिठाएगा और उनका

मैं एक फर्म हूं हां सर आप एक फर्म हो तो क्या मैं सेक्शन 144 वाली सर्विसेज एक्सेप्ट कर सकता हूं जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूं आंसर इज नो अच्छा एक बात बताओ मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्या मेरी नेटवर्किंग फर्म क्या मेरी नेटवर्किंग फर्म 144 वाली सर्विसेज एक्सेप्ट कर सकती सेम कंपनी की कहते नहीं तो चाहे आप स्टेचुटरी ऑडिटर हो या आपकी कोई नेटवर्किंग फर्म हो आप वन वाली सर्विसेज एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आप किसी का ऑडिट कर रहे हो ठीक है सर अच्छा एक बात बताओ जो सीलिंग ऑन नॉन ऑडिट फीस थी आपको पता है सीलिंग ऑन नॉन ऑडिट फीस हाँ सर जो हमने पढ़ी चैप्टर नंबर नाइन में यस सर तो नेटवर्किंग के, के केस में क्या है देखो सिंपल सी बात है जो फर्म ऑडिट कर रही है उसकी तो नॉन ऑडिट फीस ऑडिट फीस तक ही रहेगी तो सपोज ऑडिट फीस एक्स है सपोज आपकी जो ऑडिट फीस है वो है एक्स तो जो फर्म ऑडिट कर रही है या उसकी कोई एसोसिएट या कॉमन पार्टनरशिप वाली फर्म है तो वो एक्स तक कर सकते हैं मिला के ठीक है सर एक्स तक नॉन ऑडिट फीस एक्सेप्ट कर सकते हैं तो दे कैन हैव नॉन ऑडिट फीस अप टू एक्स बट जो बाकी है नेटवर्क की कलेक्टिवली वो कितनी कर सकती है सर वो कर सकती है थ्री तो मेरा आप सबसे सवाल मान लो जो फर्म है जिसने ऑडिट एक्सेप्ट किया उसकी ऑडिट फीस पचास लाख रुपए है ठीक है सर तो जो नेटवर्क फर्म्स हैं इनके कितनी नॉन ऑडिट फीस चल जाएगी इंटरप्रेट करके जल्दी से बता दो मजा आ जाएगा आज पता चल जाएगा क्या तुमने क्लास में तीन का पहाड़ा सीखा कि नहीं फटाफट बताओ 150 फिफ्टी लैक्स वेरी वेरी गुड तो 150 फिफ्टी लैक्स रुपीज की जो फीस है वहां तक चल जाएगा मामला आपका डन डना डन डन अब सर एक बार बताओ रोटेशन ऑफ फर्म्स जो है ये रोटेशन के प्रिंसिपल्स किस पे लगेंगे मैंने कहा आपको पता है ना कि जब मैं किसी कंपनी का ऑडिट दो टर्म्स के लिए कर लेता हूं फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर मैं फॉर्म्स की बात कर रहा हूं अगर कोई फर्म किसी कंपनी का ऑडिट कर लेती है फॉर टू टर्म्स ऑफ फाइव ईयर तो उस पे साल का ठंडा पीरियड लगता है हाँ सर कूलिंग कूलिंग पीरियड पीरियड तो ये जो साल का है क्या सिर्फ ऑडिट फर्म पे लगेगा या पूरे नेटवर्क पे मैंने कहा पूरे नेटवर्क पे तो जिस ऑडिट फर्म पे कूलिंग पीरियड लगा उसके पूरे नेटवर्क पे कूलिंग पीरियड लग जाएगा ध्यान रखना ठीक है सर प्लस जो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है वो सबके लिए एप्लीकेबल है उसमें कोई दिक्कत नहीं है और बाकी एथिकल स्टैंडर्ड से भी कंप्लाई करके चलना है तो जो काम की चीज है मुझे लगता है जिसपे ऐसे मजे ले सकता है एक है पॉइंट नंबर वन जो आपकी बात करता है 144 की सर्विसेज की एंड एक है पॉइंट नंबर टू नॉन ऑडिट फीस वाला क्लियर है क्लियर है सर नेटवर्किंग खत्म हो गया इसे कहते हैं पावर ऑफ समझना जब तुमको चीजें समझ आती है तो फटाफट निपटती जाती है अब देखो सर क्या कहता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा एक बात बताओ गैस वर्क करते हैं कौन सा फॉर्म आएगा फॉर्म नंबर ए में आपने नाम के लिए अप्लाई किया फॉर्म नंबर बी में तुमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया विद इन थ्री मंथस डी फॉर डिक्लेरेशन था ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ये चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म क्या होगा लर्न विद वाले तरीके से बताओ सी वेरी वेरी गुड क्योंकि सी फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन सी फॉर चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और कितने दिन अरे भाई थर्टी डेज ऐसे ही बोलते रहते हैं यार बच्चे प्यारे प्यारे बच्चे हो गया सर तो चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है अगर ये भी मुझे बताना पड़े तो क्लास ट्वेल्थ जो तुम पढ़ के आए हो ना बेस्ट हो गई वो अरे कॉन्स्टिट्यूशन और पार्टनरशिप चेंज होती थी तो क्या होता था सर पार्टनर आएगा पार्टनर जाएगा डेथ हो जाएगी हाँ तो वो सब क्या होता था चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन सो एनी नेटवर्क फर्म में कोई फॉर्म एंट्री मारती है या एग्जिट मारती है तो उसको कहते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है कई है? है, तो so, गलत -गलत सारे नॉन अकाउंटेंट एज ए चार्ट अकाउंटेंट साइन कर रहे थे तो इन्होंने कहा सारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स के लिए क्या करेंगे क्या करेंगे यूडिन जनरेट करके चलेंगे अब मेरा आप सबसे एक प्यारा सा सवाल बताओ ना सर देखो सिंपल सी बात है अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यूडिन जनरेट नहीं किया ओ। तो कौन कौन से दो क्लॉज़ेस के ऑप्शन में आप उसको गिल्टी कर सकते हो फटाफट बता दो इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट डिड नॉट जनरेट यूडिन विच टू क्लॉजेस द सी ए विल बी गिल्टी नवंबर ट्वेंटी का क्वेश्चन है बाबू इन वन टू वेरी गुड क्योंकि गापा की बैंड बजी जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर ऑन ऑडिटिंग एंड नेहा ने एकदम सही बताया वन टू टू सर वन टू टू क्योंकि प्रोविजन रेगुलेशन और गाइडलाइन है तो दोनों आंसर ऐसे एक्सेप्ट करके चलते आपको जो अच्छा लगे आप एग्जाम में लिख सकते हो अब सर लोगो गाइडलाइन ये लोगो पुराना हो गया

मैंने आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया क्लॉज इलेवन पार्ट वन ऑफ द फर्स्ट कैड्यूल इसमें मैंने क्या बोला एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ तो कोई और ऑक्यूपेशन और बिजनेस नहीं कर सकते साथ ही इसके साथ प्रोविजो लिख रखा था नथिंग शेल डिस इंटाइटल चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम बिकमिंग अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बट नॉट द मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और इसके नीचे मैंने एक्सेप्शन दे रखी थी चैप्टर सत्रह तो ये कहता है आप डायरेक्टर तो बन सकते हो यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन सकते हो एमडी और डब्ल्यू नहीं बट आईसीआई ने एक्सेप्शन दे रखी है सर क्या चैप्टर जिसमें आप कंपनी के एमडी डी डब्ल्यू बन सकते हो कौन सी कंपनी मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी अब ये मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी कौन सी सर्विसेज देती है जो हमने स्टडी की थी सेक्शन टू सेक्शन टू क्लॉस फोर दो पेजेस की जो लिस्ट पड़ी थी ना हाँ वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ये दे सकती है ठीक है इंटायर रेंज ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज ठीक है सर अब ध्यान से समझना सर क्या मान लो एक सीए जिसका नाम है सीए मोहित ये एक सीए इन प्रैक्टिस है एक एक करके मैं पॉइंट्स कवर करूंगा समझते जाना अपने आप वो सारी थ्योरी समझ जाएगी ये क्या है ना सर ये क्या है ये एक है है एक पार्टनर पार्टनर है 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 सीए सीए फर्म फर्म में में ठीक सर हो सकता है? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसी तरह एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में एमडीडब्ल्यू टी डी है तो क्या वो भी हो सकता है मैंने कहा वो भी एक्सेप्शन अलाउड है बट अब एक बात बताओ जिस सीए फर्म में ये पार्टनर है ये फर्म किसी कंपनी का ऑडिट कर रही है ठीक है सर एक बात बताओ क्या मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी इसी कंपनी को सेक्शन 144 की सर्विसेज दे सकती है कैन द मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी गिव 144 की सर्विसेज टू आईटीसी द आंसर इज नो ये तो गलत हो जाएगा ना यार ये तो गलत हो जाएगा ना एक ही बंदा है इन दोनों के पीछे एक ही बंदा है इन दोनों के पीछे तो वन की सर्विसेज तो नहीं चलेंगी नहीं चलेंगी सर तो पहला पॉइंट जो आप सबको ध्यान रखना है सर वो क्या है मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी के लिए बोल रहा है डोंट एक्सेप्ट इंटरनल ऑडिट बुक कीपिंग और अदर असाइनमेंट कौन से अदर असाइनमेंट सेक्शन 144 फोर्टी फोर फ्रॉम एन एंटिटी जहां प्रैक्टिशनर या उसकी फॉर्म ऑडिटर है समझ गए सर क्या समझ आ गए इस डायग्राम से समझ गए सर अब अगली चीज वापिस मोहित का एग्जाम्पल लेते हैं मोहित क्या है सर पार्टनर है इस फॉर्म में मोहित मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी में एमडीबी है अब समझना मेरी बात जिस फॉर्म में ये पार्टनर है उसकी ऑडिट फीस कितनी है पचास लाख रुपए तो मुझे एक बात बताओ जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी अदर सर्विसेज दे रही है जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी अदर सर्विसेज दे रही है 144 के अलावा वाली मान लो टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज रिटर्न फाइलिंग सर्विसेज वो सब दे सकती है दे सकती है सर तो उसकी लिमिट कितनी होगी सर उसकी लिमिट वही होगी जो फॉर्म की होती है यानी अदर सर्विसेज की जो लिमिट है वो ऑडिट फीस से ज्यादा नहीं हो सकती तो ऑडिट फीस क्योंकि पचास लाख है तो यहां पर भी लिमिट पचास लाख रहेगी क्या ये बेसिक बात समझ आई नहीं आई आ गई सर तो अगेन आपने ध्यान रखना है मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी पे भी वो सीलिंग लगेगी नॉन ऑडिट फीस वाली मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी पे भी सीलिंग लगेगी नॉन ऑडिट फीस वाली अब देखो सर ये क्या कहता है इधर देखो सीलिंग ऑफ नॉन ऑडिट फीस इज एप्लीकेबल टू इट राइट सर एंड लास्ट में ध्यान रखना मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी कैन कंप्लाई विथ क्लॉज सिक्स एंड सेवन जो आपने बातें पढ़ी है तो इसमें बेसिक सी बात है सारे बच्चे एक बार रीड करो मेरे साथ काउंसिल हैज अलाउड द मेंबर्स इन प्रैक्टिस टू बी एम डी डब्लू टी डी मैनेजर ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट जो मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विस देती है सेक्शन टू टू फोर वाली क्या मैं इसमें इक्विटी होल्ड कर सकता हूं कोई दिक्कत नहीं उसको बिजनेस नहीं कहते क्या मैं इसमें अटेस्ट फंक्शन इसमें नहीं क्या मैं अपने बाकी फॉर्म में अटेस्ट फंक्शन कर सकता हूं हाँ। क्या मैं आर्टिकल असिस्टेंट को ट्रेन कर सकता हूं हाँ। और जो नेम ऑफ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है इट विल बी अप्रूव बाय आई तो ये आपने बस बात ध्यान में रख के चलनी है गॉट इट जल्दी से बताइए कम 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 ऑन 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 इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यस सर अब आते हैं सर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे रिकमेंडेड सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स देखो पॉइंट क्या है ना इस टॉपिक की ज्यादा इज्जत नहीं है इस टॉपिक की ज्यादा इज्जत नहीं है सर क्यों क्योंकि रिकमेंडेड है इज इट कम ऑन इज इट कंपल्सरी द आंसर इज नो तो इसमें आपने क्या करना है ना ध्यान से समझना बस इस टॉपिक को रीड कर लो अगर कोई ब्रांच ऑडिट हो रहा है तो ये कहते हैं ब्रांच का ऑडिट ना छोटी फर्म्स को करने देना चाहिए की को नहीं। तो ब्रांच auditor, दस या से लोग कम है सर ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं करेगी अगर ब्रांच के रिकॉर्ड हेड ऑफिस ही है तो हेड ऑफिस का ऑडिटर ही करेगा या ब्रांच पे सिग्निफिकेंट ऑपरेशन है तो ध्यान रखना जिस भी फॉर्म में दस या उससे ज्यादा लोग हैं वो ब्रांच का ऑडिट नहीं करेंगे बट अगर ब्रांच मजबूत है सिग्निफिकेंट ऑपरेशन वाली है ब्रांच के अकाउंट हेड ऑफिस पे पड़े तो हेड ऑफिस को ऑडिटर करेगा ठीक है सर अब बात करते हैं ज्वाइंट ऑडिट की एस ए ठीक है सर तो जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको एक प्रैक्टिस रखनी चाहिए जॉइंट ऑडिट कराने की सर जॉइंट ऑडिट कैंसी एक बड़ी फर्म और बाकी छोटी फर्म्स छोटी फर्म में यहां पे बोलता है फर्म्स विद लेस देन फाइव तो दस का आधा किया तो कितना हो गया फाइव हो गया तो ये कहता है विद लेस देन फाइव को आप एज ए जॉइंट ऑडिटर रखोगे अब एक बात बताओ किसी सीनियर फॉर्म को इसको लेके आपत्ति नहीं होनी चाहिए नो सीनियर फॉर्म शुड ऑब्जेक्ट दिस ठीक है सर अब अगला कहते हैं रेशियो बिटवीन क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड स्टाफ तो हर ऑडिट टीम में एक क्वालिफाइड के अगेंस्ट पांच अनक्वालिफाइड चलेंगे फॉर एवरी वन मेंबर देर शुड बी फाइव नॉन मेंबर चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है नॉन मेंबर्स में हम आर्टिकल ऑडिट असिस्टेंट को इंक्लूड नहीं करते टाइपिस्ट को नहीं करते पी को नहीं करते और बाकी लोग जो कनेक्टेड नहीं है तो आपने बस याद रखना है दस मेंबर वाली लिमिट थी पांच वाली लिमिट थी पांच दस पांच पांच, पांच कम ऑन दस पांच पांच एक बार रिकॉल करा दो पहले तीनों पॉइंट सर पहला पॉइंट कहता है ब्रांच का जो ऑडिट करेंगे वो करेंगे जिसमें लेस देन टेन मेंबर है ठीक है बट इसके एक्सेप्शन अगर ब्रांच सिग्निफिकेंट है तो हेड ऑफिस करेगा और अगर ब्रांच के जो रिकॉर्ड है हेड ऑफिस पे तो वो हेड ऑफिस करेगा ठीक है सर फिर उसके बाद इन्होंने कहा जॉइंट ऑडिट होना चाहिए जिसके लेस देन फाइव है वो जॉइंट ऑडिट करे बड़ी फर्म्स के साथ और बड़ी फर्म्स को इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है सर क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड का क्या रेशियो रहेगा वन इज टू फाइव और अनक्वालिफाइड में हम किसको नहीं गिनते आर्टिकल असिस्टेंट ऑडिट असिस्टेंट पीओन टाइपिस और जिनका कोई लेना देना नहीं है उसके बाद यह कहता है डिस्कलोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय द ऑडिटर इसका क्या मतलब है ध्यान से समझना मैं एक बंदा हूं हाँ सर आप बंदे हो तो मैं एक फर्म में हूं और मैं एक और फर्म में पार्टनर हूं मैं दो फर्म्स में पार्टनर हूं तो अगर मैं किसी का ऑडिट कर रहा हूं मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और इसी कंपनी को मेरी दूसरी फर्म भी कोई सर्विसेज दे रही है आंसर समझना मैं एक फर्म का पार्टनर हूं हाँ सर मैं इसका ऑडिट कर रहा हूं और एक और फर्म है जो इस कंपनी को सर्विसेज दे रही है तो क्या मुझे ये इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना चाहिए कहता है हाँ तो यह कहता है कि जो भी आपको पेमेंट्स मिल रही हैं अदर सर्विस थ्रू द मीडियम ऑफ डिफरेंट फर्म्स मे बी यू आर एक्टिंग एज अ पार्टनर और अ प्रोपराइटर तो जो आपकी दूसरी फर्म के आपको मिल रहे है, से बात बोल देता आपको इस लेक्चर के बाद मैं एक प्रोफेशनल एथिक्स का पार्ट नंबर थ्री डालूंगा सर ये पार्ट नंबर थ्री किसकी बात करता है ये बात करता है पाए के केस में कुछ डिस्क्लोजर ऑफ फीस होती है ओ। वो डिस्कलोजर ऑफ फीस वाला जो टॉपिक है लगभग छह मिनट की वीडियो रहेगी वो आपने जरूर करके चलना दैट इज अमेंडमेंट बाय आईसीआई तो वहां से आपको एक और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और वहां से हो सकता है आपके पास एमसीक्यू या केस स्टडी बेस्ड चार नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो सारे बच्चे फटाफट मुझे एक बार कमिटमेंट करो कि यू विल डू दिस टॉपिक वेरी वेरी प्रॉपरली बच्चा कह रहा है स्किप कर दो भाई साहब इतने डेंजर वाले काम मेरी बस की तो नहीं है कराना ठीक है तुम कर दो एज अ स्टूडेंट मैंने एज अ फैकल्टी कुछ स्किप कर दिया ना तो मेरी तो बैंड बच जाएगी पेपर में आ गए तो सारे बच्चे बोले कि सर स्किप करा दिया था आपने तो भली क्लास में पढ़ाया था रिवीजन में स्किप करा दिया था तो अगर मैं कुछ छोड़ना भी होता ना बोलते रीड करके छोड़ो मेरे को अपने ऊपर नहीं लेना अटक जाओगे तो तुम्हारे ऊपर आएगा मेरे ऊपर तो सबका आ जाता है ना ठीक है तो तुमको ध्यान रखना भाई साहब क्या मजेदार बच्चे है ना मतलब एक अटेम्प्ट छह लाख रुपए का होता है स यू फॉरगेट इट जस्ट लेट यू लेटिंग यू नो एक अटेम्प्ट छ लाख रुपए का होता है तुम्हारे बता रहा हूं बस मैं कई बच्चे ऐसे ना सोचते हैं स्किप कर दो। <laughs> लाख रुपए भाई साहब ऐसे मजे ले रहे हैं यार देखो ओहो हो हो इशिक तेरा तड़पावे मजेदार बच्चे भाई साहब

क्या मैं एक कंपनी में इक्विटी रिसर्च एडवाइजर बन सकता हूं द आंसर इज द आंसर इज यस आप लोगों को इक्विटी की एडवाइजरी दे सकते हो बट ये कहते हैं क्या मैं इक्विटी की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश कर सकता हूं द आंसर इज नो इक्विटी की रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते सर क्यों क्योंकि उसको हमारे शास्त्र में धंधा माना गया है उसको हमारे शास्त्र में धंधा माना गया है और एक सी एन प्रैक्टिस को धंधा करना अलाउड नहीं है अगर वो धंधा करेगा क्लॉज इलेवन में गिल्टी हो जाएगा तो ध्यान रखना एडवाइजरी देने में कोई दिक्कत नहीं है बट रिसर्च रिपोर्ट को धंधा माना जाता है अगर आपने रिसर्च रिपोर्ट या रिटेल रिपोर्ट निकाली इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस और ऑक्युपेशन इट गॉट इट सर Plus एक बात बताओ अगर कोई मेंबर ऑफ ट्रस्ट है मेंबर ऑफ ट्रस्ट इज जस्ट लाइक अ शेयर होल्डर तो क्या वो उसका ऑडिटर हो सकता है मैंने कहा नहीं एक बात बताओ आजकल मार्केट में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट चाहिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकता हूं कि मैं अपने क्लाइंट को डीएससी एस सी हाँ सर दिस इज अ नॉर्मल प्रैक्टिस फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट आप रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बन सकते हो इसको मार्क कर लो आ सकता है अब इसके बाद एक बात बताओ <coughs> ये क्या कहता है क्या मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता हूँ हाँ अच्छा पेपर लिखोगे तो बन जाओगे फिर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो मैंने कहा कर सकते हो बट सर एक बात बताओ मैं एक बैंक का ऑडिट कर रहा हूं क्या मैं उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकता हूं तुम ले सकते हो तुम उस बैंक का क्रेडिट कार्ड ले सकते हो बट एक बात बताओ तुम्हारा जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है अगर ये आउटस्टैंडिंग बैलेंस दो लाख रुपए है तो चलेगा मैंने कहा चलेगा बट याद रहे ये जो दो लाख रुपए का केस है ना इसको आप टाइम पे पेमेंट कर देना यानी आपकी जो ड्यू डेट है पेमेंट करने की जो आपकी ड्यू डेट है पेमेंट करने की टाइम पे पे कर देना अगर ड्यू डेट पे पे नहीं किया तो डिस्कालीफाई हो जाओगे देखो क्या कहता है यू कैन होल्ड द क्रेडिट कार्ड ऑफ द बैंक इवन इफ यू आर द ऑडिटर बट याद रहे जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है ये एक लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब क्रेडिट पीरियड लिमिट तो जो आपको क्रेडिट पीरियड की लिमिट दे रखी है उसके उस तक तो कोई कितना भी पैसा होल्ड करो चलेगा बट उस पीरियड के बाद अगर एक लाख रुपए से ज्यादा आउटस्टैंडिंग है तो आप फंस जाओगे अगेन अ गुड पॉइंट जहां अगर मैं मैं एग्जामिनर हूं पक्का पक्का इस क्वेश्चन डालू कि भाई ये बड़ी मजेदार चीज है थोड़ी एक्साइटिंग चीज है इस पर अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ठीक है सर क्या मैं मीडिएटर बन सकता हूं कोर्ट में हाँ तो मैंने आपको बताया था लीगल वाले जितने भी काम होते हैं आर्बिट्रेटर लिक्विडेटर मीडिएटर टर ये सब हरकतें आप कर सकते हो

पूछने का मेरा बहुत ज्यादा जोर से मन कर रहा है सर क्या क्या मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से रिन्यूअल कमीशन ले सकता हूं बताओ इज दिस अलाउड बाकी फीस और कमीशन तो अलाउड नहीं है क्या रिन्यूअल कमीशन अलाउड है जल्दी से बताइए द आंसर इज यस ये तुमने अपने मन से बताया या हमने सीखा था सर सीखा था इलेवन वन वन जनरल परमिशन में ये बात कवर्ड है

क्या मैं एजेंसी ले सकता हूं इन सब की नहीं आपको बना किया था ना एजेंट वेजेंट नहीं बन सकते ब्रोकर एजेंट तुम ना नाम बदल बदल के मजे लेते हो मैंने देख लिया मैंने बोला ब्रोकरेज नहीं कर सकते बच्चा कहते एजेंसी ले सकते मैंने कहा नहीं वो भी नहीं ले सकते क्या मैं सेटलर बन सकता हूं हाँ जिसके भी आखिरी में टर 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 आता तुम वो सब कर सकते हो लिक्विडेटर सेटलर मीडिएटर आर्बिट्रेटर अर अर वाली हर चीजें कर सकते हो ठीक है सर क्या मैं ब्रोकर ना ब्रोकरेज ना एजेंसी अगले पे आओ अच्छा एक बात बताओ सर मैं एक एम्प्लॉय हूं तो क्या मैं अपने इंप्लॉयर को टैक्स रिप्रेजेंटेशन सर्विसेज दे सकता हूं हां इनकम टैक्स अलाउ भी करता है बट क्या मैं बाकी इंप्लॉइज के लिए टैक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकता हूं नहीं आप सिर्फ अपने इंप्लॉयर के लिए टैक्स रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो बाकी इंप्लॉयज के लिए नहीं कर सकते इसी तरह अगर आप बैंक के स्टेट ऑडिटर हो तो आप बैंक के लिए स्टॉक ऑडिट नहीं कर सकते सर स्टॉक ऑडिट इज कंसिडर्ड टू बी अ इंटरनल असाइनमेंट जो स्टॉक ऑडिट है ये एक इंटरनल असाइनमेंट होता है तो ये आप नहीं कर सकते आप आपसे स्टेचुटरी ऑडिट कर सकते हो दिस वी हैव स्टडीड इन बैंक ऑडिट हैल्सो ठीक है सर बस चार रह गए घबराओ मत सिर्फ चार पॉइंट और रह गए इधर देखो अगर आप इंटरनल ऑडिटर हो किसी के तो आप उसके स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं बन सकते ठीक है सर फिर ये कहता है क्या अगर मैं कॉन्करेंट ऑडिटर हूं बैंक एक्स का कॉन्करेंट मतलब इंटरनल ऑडिटर ठीक है सर तो मैं स्टेच्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता किसी और बैंक का जिसमें पैसे एक्स के लगे ध्यान से समझना फील वाली बात है मैं जिस बैंक का इंटरनल ऑडिटर हूं उसका तो ऑडिटर नहीं बन सकता बट अगर इस बैंक ने किसी और बैंक में पैसे लगाए हैं इस बैंक ने किसी और बैंक को स्पॉन्सर किया है तो मैं उसका भी स्टेचुटरी ऑडिटर नहीं बन सकता तो सौ बात की एक बात इधर देखो मैं अगर एक ऑडिटर हूं किसी बैंक का ठीक है सर तो कौन सा ऑडिटर हूं इंटरनल ऑडिटर

तो आप उसके इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड के स्टेच्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो इस लाइन को तुमको बस ध्यान रख के चलना है ये अजीब सी लाइन है मोस्टली बच्चे भूल जाते तभी मैंने पूरा लाल मार्क किया इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी कैन बिकम द स्टेचुटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी ऐसा नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं इंटरनल ऑडिटर ऑफ द कंपनी कैन बिकम द स्टेच्यूटरी ऑडिटर ऑफ द ईपीएफ जो उसका इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड है उसका स्टेचुटरी ऑडिटर बन सकता हूं उस कंपनी का नहीं तो अगेन इसको हाईलाइट कर लो एंड एग्जाम से पहले जस्ट इसको अच्छे से रीड करके जाना एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरनल ऑडिटर टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता क्या टैक्स ऑडिट का स्टैच्यूट्री ऑडिट का कुछ नहीं कर सकता डन डन सर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स भी एक बार चलो फटाफट कवर कर लेते हैं वरना बोलेंगे सर नहीं कराया तो पेपर में पूछ लिया इसे गया डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में क्या होता है अभी तक मैं आपको कई बार बोलता था ना डी डी बोडी डीसी हाँ सर फिर मैं बोलता था फर्स्ट स्केड्यूल में पनिशमेंट कम है सेकंड स्केड्यूल में पनिशमेंट ज्यादा है हाँ सर अब वो सब पता लगेगा तुमको नाउ वी आर एट द एंड गेम अब एवेंजर्स की एंड गेम आ गई है सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ अब हम आ गए हैं एंड गेम में सारे बच्चे आ गए एंड गेम में देखो क्या कहता है। सबसे पहले सर बच्चे मेरी बात समझना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स में कंप्लेंट किसके पास जाएगी डीडी के पास डीडी मतलब डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट और जब आप कंप्लेंट करोगे तो फीस भी देनी पड़ेगी ऐसे तुम्हारी कंप्लेंट कोई नहीं सुनने वाला पैसा दोगे तो लोग सुनेंगे खत्म कहानी तो कंप्लेंट भी देनी है फीस भी देनी है तो डीडी तुम्हारी सुनेगा अब जो डीडी है वो डिसाइड करेगा कि कंप्लेंट बनती है या नहीं बनती तो अगर डीडी को लगता है बंदा गिल्टी है तो वो डिसाइड करेगा फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल और बोथ अगर उसको लगता है गिल्टी नहीं है तो वो इसको लेके जाएगा सबसे पहले नॉन गिल्टी कवर करते हैं अगर उसको लगता है गिल्टी नहीं है तो वो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को दे देगा ठीक है सर

तो ये सबसे पहले तो डांट लगाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट होकर ऐसी गंदी हरकतें करते हो वेरी बैड उठक बैठक करो तो रेप्रिमांड किया इसको ठीक है सर फिर इसको बोलेगा तुम्हारा नाम हम हटा देंगे रजिस्टर ऑफ से अप अपटू थ्री ठीक है सर। और फाइन लग वन तो ये आपको बेसिक बात समझ ली ठीक है अगर ये सेकेंड स्केड्यूल में गिल्टी है या दोनों स्केड्यूल में गिल्टी है तो ये जाएगा डीसी के पास डीसी बोले तो डिसिप्लिनरी कमेटी अब अगर इसको लगता है गिल्टी तो ये भी डांट लगाएगी ये भी उठक बैठक कराएगी ये नाम रिमूव कर सकती है परमानेंटली टाटा बाय बाय खत्म गए तुम या जो ड्यूरेशन इसको ठीक लगती है एंड फाइन अप टू रुपीज फाइव लैख तो ये आपने बेसिक बात ध्यान रखनी है और अगर इन दोनों को लगता है गिल्टी नहीं है तो मैटर क्लोज तो सिंपल सी बात है एप्लीकेशन और फीस किसको देनी है डीडी को अब डीडी को लगता है फर्स्ट केड्यूल तो बॉडी के पास जाएगा बॉडी डांट लगाएगा नाम रिमूव करेगा अप टू तो थ्री मंथ्स और पेनल्टी लगाएगा अपटू रुपीज वन लैख अगर ये डीसी है तो डीसी या तो डांट लगाएगा फिर उसके बाद क्या करेगा नाम हमेशा के लिए उड़ा सकता है या उसको जो ठीक लगे एंड पेनल्टी अपू रुपीज फाइव लैक ठीक है सर अब सर अब एक बात बताओ हमको ना इनका डिसीजन पसंद नहीं आया किसको पसंद नहीं आया या तो जिस बंदे के अगेंस्ट ऑर्डर आया उसको पसंद नहीं आया या डायरेक्टरेट डिसिप्लिन को पसंद नहीं आया तो नाइनटी डेज दे रहे हैं एपेलेट अथॉरिटी के आप अपील कर सकते हो अब एपलेट अथॉरिटी क्या करेगी जो ऑर्डर आया है उसको या तो कंफर्म करेगी या मॉडिफाई करेगी या रेफर बैक कर देगी ठीक है सर अगर पेनल्टी लगी है तो उसको इंक्रीज कर सकती है डिक्रीज कर सकती है हटा सकती है अगर पेनल्टी नहीं लगी है, तो इंपोज भी कर सकती है ठीक है सर अगर उसको कुछ समझ नहीं आया तो वापस केस को भेज सकती है और एनी अदर आपका पूरा, पूरा, आपका पूरा का पूरा मामला कंप्लीट हो जाता है सारे बच्चे फटाफट मुझे एक छोटी सी कमिटमेंट करेंगे हर कमिटमेंट का मुझे चाहिए यहां पे मामला बॉक्स में सर कमिटमेंट क्या यहां आपका पार्ट नंबर वन पार्ट नंबर वन कंप्लीट हो जाता है विच इज द मेजर पार्ट अब इसके बाद छोटे छोटे पार्ट है दस पंद्रह मिनट की नोकलार की वीडियो और पाए के जो डिस्कलोजर है यह छह मिनट की वीडियो अब पंद्रह मिनट देखने की बस मुझे कमिटमेंट कर जाओ सारे बच्चे जल्दी से ऑन एवरी वन इसी वीडियो के बाद आई एम अपलोडिंग द नोकलार की वीडियो इसी वीडियो के बाद एम अपलोडिंग द पाई की वीडियो तो जो वो वीडियो है उसको पार्ट टू पार्ट थ्री को 20 मिनट जो भी बनता है 15-20 मिनट आप देख के खत्म कर दोगे डंसर डनसर साउंड लाइक डायनोसॉर, बट ठीक है चले कम ऑन एवरी वन इज दिस कमिटमेंट कमिंग फ्रॉम यूर नॉट मजा आ गया सर वेरी वेरी गुड तो मित्रों यहां हमारी जो रिवीजन सेशन है इसकी समाप्ति होती है मेक श्योर sure जो भी आज हमने अच्छे से पढ़ा इसको आप प्रॉपरली रिवाइज करते सेल्फ सेल्फ सेविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट ये यूट्यूब के भरोसे जिंदगी में ज्यादा मत जीना ठीक है जितना ज्यादा चीजों को सेल्फ पढ़ोगे उतना आगे बढ़ोगे सो मेक श्योर यू रिवाइज इट सेल्फ ऑल्सो डू द क्वेश्चन बैंक प्रॉपरली एंड ये जो पंद्रह से अट्ठारह नंबर का आईसीआई ने आपके लिए प्रोविजन बनाया है यू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन योर एग्जाम सो दैट्स ऑल फॉर टूडे दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ यू ही यो ही, यो ही, यो ही, यो ही, यो ही खुशी खुशी मन लगाकर पढ़ते रहें क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे और सी ए फाइनल एग्जाम क्लियर करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे हैव एन ऑसम डे हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लगे रहो